हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर है रीजनल एस्पिरेशंस। आपकी ये जो बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इस बुक का यह जो चैप्टर है यह आप सभी लोगों को मैं पूरा आगे तक कवर करवाते चलूंगा। चीजों को समझना, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन है, अच्छे से एक एक डिटेल को कवर करते हुए चलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहेगा कि इस चैप्टर को कनेक्ट करना आपने अभी तक जो पढ़ा है उससे। तो इस पार्ट में इनिशियली मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, चैप्टर की थीम समझाऊंगा और वो बताऊंगा जो शायद एनसीईआरटी में नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉइंट्स कनेक्ट करना ही सबसे ज्यादा जरूरी है व्हाट आई थिंक। ठीक है, क्योंकि इतने चैप्टर जो आपने अभी तक पढ़े हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली इस बुक में, तो इस बुक में आपने इतने चैप्टर्स पढ़े हैं तो सारे चैप्टर्स कहीं ना कहीं इस चैप्टर की रूट सारे उन चैप्टर्स में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। चैप्टर का नाम है रीजनल एस्पिरेशंस। तो अपनी कुर्सी की पीटी बांध लीजिए, हम लोग इस सफर पर चलने को तैयार हैं। फटाफट से देखो जरा, नेशन बिल्डिंग चैप्टर क्या है हमारा, रीजनल एस्पिरेशन। अगर रीजनल एस्पिरेशंस की बात की जाए कि आपको रीजनल एस्पिरेशंस इस वर्ड से क्या समझ में आता है, तो आप क्या देख रहे हैं कि रीजनल लेवल पे क्षेत्रीय स्तर पर आपको क्या देखने को मिलता है कि जो अलग अलग रीजन्स है वहां के लोगों के एस्पिरेशंस हो सकती है ऑटोनॉमी के लिए। ठीक है, ऑटोनॉमी के लिए उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो उस चीज को एड्रेस करवाना चाहते हो। ठीक है, लेकिन यही रीजनल एस्पिरेशंस जब क्या किस चीज का रोल लेने लगती है, सक्सेशनिज्म का, कि हमें देश से अलग कर दो, एक अलग देश बना दो, तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। क्लियर है? तो उन्हीं सभी एस्पेक्ट्स पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपको कुछ टाइमलाइन के थ्रू थोड़ा सा पहले कनेक्ट और कराऊंगा कि अभी तक आपने क्या पढ़ लिया है देश। आप बुक कौन सी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस मिल गई 1947 में, आगे एक एक कदम जो बढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग। तो इस एक एक कदम में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस एक एक कदम में आपको देखने को मिल रहा है कि ट्रेंड्स बदल रहे हैं। हाँ, शुरुआती पीरियड जो रहा है तो डोमिनेंस ऑफ एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस की चीज हमने देखी कि कांग्रेस का वर्चस्व था। ठीक है, लेकिन फिर आप क्या देखते हो कि कांग्रेस जो है तो राइज एंड फॉल दोनों चीज आपको देखने को मिलती है। लेकिन समवेयर जनता गवर्नमेंट के भी गिरने के बाद में, प्रीवियस चैप्टर्स में जो आपने पढ़ा, जनता गवर्नमेंट के गिरने के बाद में फिर से क्या होता है, कांग्रेस एक बार पावर में आएगी 1980s के बाद से। तो जो 1980s का डिकेड जो रहा है उस पूरे डिकेड पे हम क्या करेंगे यहाँ पे पढ़ने वाले, उस 1980s के डिकेड की पूरी कहानी समझेंगे। क्लियर है? तो रीजनल एस्पिरेशन समझ में आया ना कि उस टाइम पीरियड में कैसे अलग अलग रीजन्स में क्या चल रहा था, थ्रू आउट द कंट्री इन स्पेसिफिक रीजन्स क्या चल रहा था। क्लियर? तो नेशन बिल्डिंग, अब अगर हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे थोड़ा फोकस करें तो इट इज नॉट समथिंग दैट कैन बी अकम्प्लिश्ड वंस एंड फॉर ऑल टाइम्स टू कम। जैसे हमने इनिशियली क्या पढ़ा शुरुआती चैप्टर में कि 1947 में देश आजाद हो गया, देश आजाद हुआ तो हमारे सामने चैलेंजेस थे और उन चैलेंजेस को एड्रेस किया, तो हमने रीऑर्गेनाइजेशन पे फोकस किया, हमने पार्टीशन के घाव को किसी तरह से भरने की कोशिश करी, हमने कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे स्टेट्स के इंटीग्रेशन पे ध्यान दिया, तो बस बन गया देश। लेकिन एक चीज बताता हूं मैं आपको, नेशन बिल्डिंग इज लाइक अचीविंग अ मूविंग टारगेट। एक चलता हुआ निशाना जो है उसको आपको साधना है, तो उसके लिए आपको कंटिन्यूसली चलते रहना पड़ेगा। ठीक है, देश चलाना एक मूविंग टारगेट को हिट करने जैसा है, जहां पे आपको कंटिन्यूसली आपको भी मूव करना पड़ेगा। तो उस चीज को ध्यान रखना कि देश एक दिन में बन के खत्म होने वाली चीज नहीं कि हाँ हमने आज देश पूरा बना लिया बस बेफिक्र है। कंटिन्यूसली क्या रहेगा, साल दर साल समस्याएं आप सुलझाओगे और नई समस्याएं आती रहेंगी और इसी का नाम जिंदगी है। क्लियर हुआ? तो वो नेशन बिल्डिंग में भी वही चीज बताई गई है कि न्यू चैलेंजेस कम अप एंड ओल्ड प्रॉब्लम्स हैड नेवर बीन फुली रिजॉल्व। तो नए समस्याएं आती रहती है, पुरानी समस्याएं एड्रेस होती है, पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं होती है, फिर सर उठाती है, फिर एड्रेस किया जाता है। तो सरकारें आती हैं जाती हैं पर देश बना रहता है और उस देश को बनाए रखने में अलग अलग सरकारें आती जाती रहती है। क्लियर है? तो वो एस्पेक्ट जो है ना, वो माइंडसेट के साथ चैप्टर को आगे पढ़ते जाना। क्लियर हुआ? तो यहां पे रीजनल एस्पिरेशन में वही बात बताई गई है कि इस कंटेक्स्ट में वो जो माइंडसेट की बात करी कि आपको देश को ये देखना है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग प्रॉब्लम्स आती रही है। तो रीजनल एस्पिरेशन में भी आपको क्या देखने को मिला है कि जो देश की जनता रही है, तो पीपल एक्सप्रेस देयर एस्पिरेशंस फॉर ऑटोनॉमी, एट टाइम्स दीज एस्पिरेशंस वर एक्सप्रेस्ड आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन यूनियन एंड हियर इट बिकेम द प्रॉब्लम। क्या है कि लोगों ने रीजनल एस्पिरेशन में क्या हुआ, रीजनल एस्पिरेशन में हर रीजन के इंसान ने, कुछ ग्रुप्स ने, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने, कुछ ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट्स ने क्या किया, एक तरह से अपनी एस्पिरेशंस रखी कि हम यह चाहते हैं। आपने आपके एस्पिरेशंस रखे, आप क्या चाहते हो, आप डेमोक्रेसी में रह रहे हो, सुना जाएगा। लेकिन एट टाइम्स वो एस्पिरेशंस ऐसी होती थी विच वर एक्सप्रेस्ड आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन यूनियन। मतलब वो देश की यूनियन जो है
उसके ही बाहर दर्शाई जाती थी कि हमें तो इंडियन यूनियन के बाहर जाके अपना एक अलग देश बनाना है। तो सब कुछ टॉलरेट कर लिया जाएगा लेकिन देश की अखंडता से टॉलरेशन बर्दाश्त नहीं होगा ना। तो वहां पर वो पॉइंट आता है कि इट बिकम्स द प्रॉब्लम एंड हाउ दीज रीजनल एस्पिरेशंस हैव बीन एड्रेस्ड और टैकल्ड, दिस इज द थीम ऑफ द चैप्टर। चैप्टर का सार ही यही है कि इन समस्याओं को कैसे टैकल किया गया, समझे। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो द डिकेड ऑफ 1980s, मैं आपको 1980s क्यों कह रहा हूं, चलो ठीक है, एक बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन देता हूं मैं, मतलब वही बुक में चैप्टर है, चैप्टर में एनसीईआरटी की लाइन है और पढ़ लिया बस, ऐसे सब कुछ पढ़ा जा सकता है। लेकिन उस पढ़ने से ज्यादा जरूरी क्या है कि आप एक अंडरस्टैंडिंग, एक पैटर्न ड्रॉ आउट कर पा रहे कि नहीं, चीजों को कनेक्ट कर पा रहे कि नहीं। तो जैसे क्या लिखा है, डिकेड ऑफ 1980s, मैंने आपको बताया कि पूरा चैप्टर 1980s के उस पे डील कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, 1980s के टाइम पीरियड में। तो जैसे 1947 में हमें आजादी मिली थी, 1947 में आजादी मिली, तो इस बुक में पूरा हम उसके बाद की कहानी पढ़ रहे हैं, ठीक है। उस और आज हम जैसे मान लो क्या है 2022 में जी रहे हैं, क्लियर है। तो अगर आप देखोगे ना तो अभी क्या 1947 में आजादी मिली, आजादी मिलने के बाद आपको क्या देखने को मिलता है, तो आपके चैप्टर वन को आप समझोगे अगर, तो वही है, ठीक है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग हो गया। फिर उसके बाद में आपने क्या देख रहे हो, चैप्टर टू में वन पार्टी डोमिनेंस वगैरह रहा, ठीक है। चैप्टर थ्री में आपने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की भी बात कर ली, चैप्टर फोर में आपने ये भी देख लिया कि अब देश आजाद हो गया तो आजाद देश के क्या आजाद फॉरेन पॉलिसीज वगैरह रहेंगे, समझ में आया। तो ये जो इनिशियल चैप्टर्स रहे तो ये वही 1950s का या तो कांग्रेस का वो चल रहा है डोमिनेटर, 1950s, ठीक है, 60s, ये वाले जो डिकेड्स रहे हैं 1950s 60s में, जैसे अगर आप देखोगे तो 60s में तो क्या है, लड़ाई दंगे में इंडिया, यही चैप्टर फोर जैसे आप देखोगे तो इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया चाइना, इसमें पूरा निकल गया हमारा समय, क्लियर हो रहा है। तो ये कंट्री में ये सारे डेवलपमेंट्स हो रहे थे। ये जो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था ना, पढ़ा था आपने क्या, कि न्यू चैलेंजेस कम अप एंड दी ओल्ड प्रॉब्लम्स नेवर हैव बीन फुली रिजॉल्व। तो जैसे अगर आप देखोगे 1960s में चाइना की प्रॉब्लम पुरानी प्रॉब्लम है, बहुत पुरानी, लेकिन वो आज तक रिजॉल्व नहीं हुई है। तो उस टाइम पीरियड से अलग अलग टाइम फ्रेम में कंट्री अलग अलग चीजों से जूझती रही है, कभी किसी चीज को सेटल किया जाता है, नई समस्याएं थी, नई समस्याओं को खत्म करते, पुरानी समस्याएं फिर फन उठा लेती है अपना, ठीक है। तो 1950s 60s का उन्हें ये चार चैप्टर में समझ लिया था, ठीक, ये चार चैप्टर में 1950s 60s को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया था। फिर अगर आप देखोगे तो ये 70s वाला जो पूरा दौर रहा 1970s और सेकेंड हाफ ऑफ 60s की अगर हम बात करें, तो ये वाला पूरा दौर जो है आपका, अच्छे से समझना, ये वाला पूरा दौर आपने कहां पढ़ा, चैलेंजेस टू इन द रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, क्लियर है, इमरजेंसी वाला, मतलब ये जो आपके 5 और 6 नंबर के चैप्टर थे, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 जो थे, चैप्टर 5 और डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस के नाम से जो आ गया 6, ठीक है, तो ये जो आपके 5 और 6 वाले चैप्टर रहे हैं, समझना अच्छे से, तो उसमें आपने पूरे 1960s की वो पॉलिटिक्स को समझ लिया कि हाँ कांग्रेस का ब्रेकअप होना, इंदिरा गांधी का पावर में आना, इमरजेंसी, 1970s इज नोन मेनली फॉर इमरजेंसी वाला पार्ट, इमरजेंसी वाला पार्ट, और दूसरा फर्स्ट टाइम सेंट्रल लेवल पे आपको नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, तो वो जनता गवर्नमेंट वगैरह वाली वो सारी चीजें। फिर क्या है, ये 1970s के एरा को खत्म होते होते, मतलब इस डिकेड के खत्म होते होते ये सारी कहानियां भी खत्म हो गई, इमरजेंसी, वो जनता गवर्नमेंट, सब कुछ। 1980s फिर एक नई शुरुआत लेके आया, वापिस से कांग्रेस पावर में आ गई थी, सब कुछ है ना। अब क्या हो रहा है, लेकिन ये 1980s का जो टाइम पीरियड रहा ना, तो ये पूरा चैप्टर, जैसे अगर आप देखोगे चैप्टर, ये जो आपका चैप्टर 8 है अभी, ठीक है, अभी आप जो पढ़ रहे हो ये वाला, और साथ ही साथ ये जो चैप्टर 7 आपके मतलब सिलेबस में नहीं है वाला, कौन सा वाला, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट, लेकिन मैं उसे पढ़ाऊंगा तो उसे समझना। तो राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट भी कहीं ना कहीं यही 1970s 1980s की कहानी बताता है कि कंट्री में अलग अलग जगह पे फिर क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स तो चली रही है, उस पॉलिटिक्स के पैरेलल आप देखोगे तो अलग अलग जगह पे क्या हो रहे हैं, अलग अलग जगह पे रीजनल कह लो या फिर पॉपुलर मूवमेंट्स अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा, अब वो दलित्स के द्वारा, वेमेन के द्वारा, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा पॉपुलर मूवमेंट्स चलाए गए थे, वो वाला पार्ट 7 में है, उसको अभी के लिए कंटिन्यूटी में हम नहीं डालते हैं। अब कंटिन्यूटी में जैसे अगर देखें तो हम 1980s में क्या हुआ, कांग्रेस फिर आ गई, लेकिन अब 1980s का दौर जो रहा ना, तो ये कंट्री के इंटरनल डिस्प्यूट्स को सुलझाने में निकल गया पूरा। तो ये जो 1980s में 1980s का जो पूरा डिकेड रहा, इसमें जितनी भी रीजनल एस्पिरेशंस उठी, तो कहीं कह सकते हैं क्या हो रहा कि आर्म्ड रिबेलियन है तो उसको संभाल रहे हैं, क्लियर हो रहा है। अब जैसे नक्सलिज्म, तो अब यही टाइम पीरियड देखो 70s 80s का टाइम पीरियड नक्सलिज्म के लिए भी जाना जा रहा है, क्लियर हुआ। तो वो पैटर्न जो है ना वो दिमाग में रखना है। तो हम 1980s में वही बताया गया कि अलग अलग जगह पे रीजनल मूवमेंट्स चले, ये रीजनल मूवमेंट जो थे, ये रीजनल एस्पिरेशंस थी, कहीं मार के, ठीक है, कहीं फटकार के, कहीं एग्रीमेंट्स के थ्रू, कहीं अकॉर्ड्स के थ्रू,
समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया गया। तो 1980s का डिकेड जो है पूरा वही उसी चीज से भरा पड़ा है, और उसी चीज को समराइज करते हुए आपको चैप्टर दिया गया है रीजनल एस्पिरेशन। आई पर्सनली लाइक दिस बुक अलॉट, ठीक है, ये बुक मुझे पर्सनली जैसे 6th से लगा के 12th तक सब पढ़ा है, तो सारी बुक्स में मुझे कोई सबसे ज्यादा किताब पसंद आती है तो ये किताब पसंद आती है, ठीक है। एंड द रीजन इज ऑब्वियस, यू नो पीपल नो कि आपको बहुत इमीडिएट हिस्ट्री पॉलिटिकल एंगल से जानने को मिलती है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं जिस भाव के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उस भाव के साथ आप समझते भी चल रहे हो कि कहानी कैसी चल रही है, ठीक है। तो ये चीज है, आई जस्ट टुक 5 मिनट्स ऑफ योर्स, ठीक है, लेकिन ये पैटर्न को कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब जैसे अगला चैप्टर आप देखोगे ना, चैप्टर 9 ट्रेंड्स, ठीक है, तो वो मतलब ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स इन रीसेंट पॉलिटिक्स वाली बात है। तो 1990s के बाद से आज तक में जो पूरी पॉलिटिक्स हुई है कोलिजन वगैरह वाली, तो वो कहानी बताई गई। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दैट चैप्टर, प्लीज लुक इनटू दैट। तो वो 2022 तक आने तक के लिए चैप्टर 9 आपको लेके आएगा 22 तक कि क्या क्या रीसेंट डेवलपमेंट जो हुए पॉलिटिक्स में। तो 1990s के बाद का एरा जो है पूरा का पूरा चैप्टर 9 में समराइज कर दिया गया है। तो ऐसे आपने बहुत अच्छी तरह से अपनी पूरी हिस्ट्री को कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री दोनों चीज में क्लब कर दूं, पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है तो इस बुक में पढ़ा है, क्लियर है। अब ये चैप्टर इस पे फोकस करते हैं 1980s वाले डिकेड वाली चीज पे, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या बताया गया है, अब यहां पे बताया गया है कि द डिकेड ऑफ 1980s द जनता एक्सपेरिमेंट केम टू एन एंड एंड देयर वाज सम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एट द सेंटर। तो जनता एक्सपेरिमेंट जो था वही उथल पुथल हुई थी, वो सब खत्म हो गया था। स्टेबिलिटी आपको कहां पर देखने को मिल रही थी, सेंट्रल लेवल पर देखने को मिल रही थी कि कांग्रेस ने इंदिरा गांधी 1980s की जो चुनाव होते तो उसमें इंदिरा गांधी ने फिर अपनी गवर्नमेंट बना ली थी, ठीक है। द चैलेंजेस ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस केम टू फोरफ्रंट दिस डिकेड इज मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अकॉर्ड्स इन द वेरियस रीजंस ऑफ कंट्री। और अब ये जो पूरा दशक रहा 10 सालों का 1980s के बाद का, अगर टाइम पीरियड 1990s तक देखोगे तो जगह जगह क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिल रहे थे, अकॉर्ड्स देखने को मिल रहे थे कंट्री के अलग अलग पार्ट में भी, इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, पंजाब की बात कर लो, कश्मीर में समस्या, ठीक है। तो इन सारी समस्याओं, इन सारे जगह पर समस्याएं, उन समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास चल रहा था, ठीक है। तो स्पेशली इन असम, द पंजाब, मिजोरम एंड डेवलपमेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, और यही चैप्टर की थीम है, क्लियर हुआ, यही चैप्टर की थीम है। जैसे आप देखोगे तो हर बार क्या रहता है, पेज पे एक फोटो रहता है, मैं बताता हूं आपको। जैसे इस बार पेज पे आपको फोटोग्राफ ये वाला दिया है, अब इस फोटोग्राफ में क्या लिखा है कि हमें हर भारतवासी का सहयोग चाहिए अन्याय शोषण व दमन के खिलाफ उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए। तो ये क्या है, एक रीजनल एस्पिरेशन है, उत्तराखंड के राज्य के सम्मान के लिए, निर्माण के लिए उस चीज की बात की जा रही है। लेकिन उस रीजनल एस्पिरेशन को देखो, एक भाषा, दो भाषा, तीन भाषा, चार भाषा, पांच भाषा, छह भाषा और सात भाषाओं में लिखा एक इमेज बना है। क्या नई चीज है सर इसमें, ठीक है, बहुत नई चीज है समझना। तो रीजनल एस्पिरेशंस आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन द लैंग्वेज ऑफ द रीजन एंड एड्रेस टू द लोकल पॉपुलेशन और द रूलर्स। नॉर्मली होता क्या है ना कि रीजनल एस्पिरेशंस, रीजनल मूवमेंट्स को क्या है, लोकल लेवल तक, रीजनल लेवल तक रखा जाता है कि नहीं। लेकिन ये पोस्टर एक अलग ट्रेंड दिखा रहा था उस समय की पॉलिटिक्स में, क्या, तो उत्तराखंड मूवमेंट अपील टू ऑल द इंडियन सिटीजंस इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड दस अंडरस्कोर्स the compatibility of regional aspirations with nationalist sentiments, ठीक है, ये point note करने वाला है। लेकिन ये जो उत्तराखंड movement का जो poster है, ये appeal कर रहा है किस चीज को, ये उत्तराखंड movement का जो poster है, ये appeal कर रहा है किस चीज को, ध्यान करना, ये nation को address करते हुए। तो ये दर्शाता है कि अब regional movement जो थे वो अपने आप को region specific नहीं रखते थे, वो अपने आप को एक national level पे present करते थे, ठीक है। तो this is the trend in the Indian politics which you have to observe, कि अब घरेलू मुद्दे घरेलू नहीं रहेगा, मोहल्ले के सामने निकल के आ गया ऐसा, ठीक है, वो चीज। तो दिस अनयूजुअल पोस्टर है ना, क्योंकि रीजनल मूवमेंट्स नॉर्मली रीजन को ही एड्रेस करते हैं, रूलर्स को एड्रेस करते हैं, बट दिस थिंग वाज समथिंग डिफरेंट, क्लियर है। चलो, तो मतलब ये जस्ट फॉर नॉलेज मैं आपको समझा रहा हूं। तो अब थीम आपको समझ आई गई थी, कनेक्ट करते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो देखो मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, चैप्टर ऐसे पार्ट्स होंगे हमारे। तो पहला पार्ट तो हम ये पूरा इंट्रोडक्शन में निकाल दिए हैं कि रीजन एंड द नेशन वाला जो पार्ट है कि इंडिया में रीजनलिज्म कैसे इमर्ज हो रहा है, हमारे लिए क्यों प्रॉब्लम हुई, तो इंडिया की अप्रोच क्या रही है किस चीज को लेकर, डायवर्सिटी को लेकर, अलग अलग रीजन को लेकर, ठीक है, और वो क्यों एरियाज ऑफ टेंशन वहां पे क्या रहे, क्या प्रॉब्लम रही। तो ये बहुत अच्छा पार्ट है, मतलब आपने यहाँ पे स्टोरी लाइन नहीं पकड़ी, लेकिन उस स्टोरी लाइन का जो एसेंस रहता है ना, रस, वो रस पकड़ लिया यहाँ पे, तो वो ध्यान रखना। ये वाला पार्ट में हम वो कवर कर रहे हैं पूरा। फिर नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा तो उसमें कश्मीर वाला पूरा इशू अच्छे से, कश्मीर वाले इशू में आपको एडिशनल टॉपिक दिया है, ठीक है, जो एडिशनल टॉपिक के मटेरियल है उसमें कश्मीर वाला मुद्दा दिया गया है,
तो कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर वाला जो मुद्दा है तो वो चीज ध्यान रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर वाला जो मुद्दा है तो वो दिया गया है एडिशनल टॉपिक में, ठीक है, तो वो दिया गया एडिशनल टॉपिक में, तो उसको भी क्लब करके मैं एक वीडियो में पूरा आपको जम्मू एंड कश्मीर बता दूंगा। दूसरा जैसे अगर आप देखेंगे मतलब तीसरा टॉपिक जो रहेगा तो पंजाब, पंजाब की पूरी स्टोरी, खालिस्तान मूवमेंट और वो पूरा इंदिरा गांधी असासिनेशन, वो जो डिकेड रहा पूरा वाला 1940 जैसे 1984 के बाद का जो टाइम पीरियड रहा पंजाब में, रॉइट्स वगैरह चुनाव तक कैंसिल हुए, ये सारी चीजें जो है, तो वो पंजाब वाला पार्ट, पंजाब का एपिसोड, पंजाब का रीजनल एस्पिरेशन, ठीक है, फिर कैसे इसको रिजॉल्व किया गया, राजीव गांधी और लॉन्ग वाला जो एग्रीमेंट हुआ, ये सारा सब कुछ। फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की समस्या जैसे जो आप देखोगे तो इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में आप देखोगे तो वहां पे नागालैंड मिजोरम वगैरह की प्रॉब्लम्स थी, तो उनको एड्रेस किया गया, मैंने बताया ना कि पुरानी प्रॉब्लम्स थी जो वापस निकल के आ गई, तो वही वाला, तो वो पूरा एस्पेक्ट। फिर असम में जैसे मूवमेंट चले किसके अगेंस्ट में, आउटसाइडर के अगेंस्ट में, वो पूरा पार्ट। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला एक ब्रॉडली आपको रीजनल एस्पिरेशंस में एक दो और ये तीन रीजनल एस्पिरेशंस देखना है, ठीक है, जम्मू कश्मीर का मुद्दा, पंजाब वाला और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सारे आ जाएंगे, असम मिजोरम नागालैंड वगैरह। फिर लास्ट में जो टॉपिक दिया गया है कि ये जो पूरा एपिसोड रहा, तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा सीखते हैं, ठीक है, हम हमेशा सीखते हैं ना इतिहास से, तो वही चीज है कि इससे हमने नेशनल इंटीग्रेशन अकोमोडेशन के बारे में क्या लेसन सीखे। और बीच में दो छुटके छुटके से टॉपिक है, कौन कौन से हैं, सिक्किम्स मर्जर और गोवास लिबरेशन, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग है, बॉक्स में दिए हैं लेकिन मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है, तो इसी टॉपिक के साथ इसको मर्ज कर देंगे। तो ये पूरी कहानी रहने वाली है चैप्टर की, ठीक है, ये पूरी चैप्टर की कहानी रहने वाली है। शुरू करते हैं, रीजन एंड द नेशन दो अलग अलग चीजें हैं, मतलब ये कैसा है, रीजन एंड द नेशन ये स्कूल एंड अ क्लास ऐसा है, मतलब कि स्कूल, व्हाट इज अ स्कूल, तो स्कूल में आप देखेंगे तो स्कूल में मल्टीपल क्लासेस हैं, फर्स्ट से लगा के ट्वेल्थ तक की, अभी ट्वेल्थ में हो, ठीक है, एंड यू विल मिस दिस स्कूल्स आफ्टर दिस क्लास। तो अभी क्या है, जैसे अगर आप देख रहे हो तो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि स्कूल है और क्लासेस हैं, तो वैसे ही क्या हो रहा है, स्कूल इज समथिंग लाइक नेशन एंड रीजन्स आर लाइक क्लासेस, तो एक एक रीजन, दो दो रीजन सब मिलके क्या करते हैं, देश बनाते हैं, देश रीजन से मिलके बनाए और सारे रीजन एक साथ आके ही देश बनाते हैं, है ना, सिंपल चीज है। तो अब यहां पे इनका रिलेशन कैसा है, यहां पे इनका रिलेशन कैसा है, अगर आप बोलो कि स्कूल बिना रीजन, स्कूल बिना क्लासेस के हो, मतलब नेशन बिना रीजन के हो, एक ही रीजन में पूरे को संभाल दिया जाए, तो वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, नर्सरी का बच्चा और ट्वेल्थ का बच्चा एक साथ बैठ के कैसे पढ़ सकता है, तो वो आपको रीजन तो आप नहीं भी बनाओगे तो ऑटोमेटिकली वो कैटेगराइजेशन हो जाएगा, है कि नहीं, तो नेशन में रीजन तो होंगे ही होंगे, पॉइंट। लेकिन अब अगर ये बोलने लगे रीजन्स के हमें नेशन से अलग होना है, एग्जाम्पल का केस लो कि क्लासेस ये बोलने लगे कि भाई साहब आप ट्वेल्थ में आ गए, स्कूल की जरूरत नहीं, आप तो हमारी दो कमरे अलग रोड पे बना दो, हम वही स्कूल चले जाएंगे, मतलब वही हमारा ही सब कुछ रहेगा, तो वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो दोनों का रिलेशन, दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ होना बहुत जरूरी है, ठीक है, और उसके चलते एट टाइम्स अगर पावर इक्वेशंस ऊपर नीचे होती ना तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, वो प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस किया जाना चाहिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, वो समझो, समझे ना, रिलेशन आधा काम वहां हो जाता है जब हमें हेडिंग समझ में आ जाती है। तो ये रीजन और नेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात बताई गई है। तो जो डिकेड रहे, डिकेड ऑफ 1980s वाला ये जो पूरा टाइम पीरियड रहा, तो दिस वाज कंसीडर्ड एज द पीरियड ऑफ राइजिंग रीजनल एस्पिरेशंस फॉर ऑटोनॉमी ऑफन आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन यूनियन। तो मैंने बताया आपको कि 1980s का समय जो ऐसा रहा जहां पे रीजनल एस्पिरेशंस बढ़ती चली गई, एंड ये जो रीजनल एस्पिरेशंस बढ़ी, क्षेत्रीय स्तर पर लोग डिमांड रखने लगे, डिमांड रखो, लेकिन वो डिमांड जब इंडियन यूनियन की के बाहर की डिमांड आने लगी कि हमें तो देश से बाहर करना है, हमें अलग इंडिपेंडेंस चाहिए, तो दैट बिकेम द क्वेश्चन, मतलब वही है ना कि देश अल्टीमेटली देश जब रहेगा जब सारे रीजन मिले रहेंगे, अब एक एक रीजन अलग अलग भागने लगेंगे तो देश की कोई आइडेंटिटी थोड़ी ना रह जाएगी, पॉइंट क्लियर। तो वही चीज है, तो दीज मूवमेंट वर फॉलोड बाय, अब ये जब आवाज उठी, डिमांड्स रखी, सरकार ने मना बोला, दिखती बात है, तो जिन्होंने डिमांड रखी होगी तो उन्होंने क्या कराऊंगा, उन्होंने हथियार उठाएंगे, तो दीज मूवमेंट वर फॉलोड बाय आर्म्ड असर्शन बाय द पीपल, तो आम जनता ने हथियार उठाए, आर्म्ड असर्शन बाय द पीपल, तो देयर रिप्रेशन बाय द गवर्नमेंट, आर्म्ड असर्शन बाय पीपल एंड देयर रिप्रेशन बाय द गवर्नमेंट, तो लोगों ने क्या किया, हथियार उठाए, तब सरकार भी लगी हमने भी चूड़ियां थोड़ी ना पहनी है, सरकार ने भी क्या कर दिया होगा, रिप्रेशन का इस्तेमाल किया होगा, तो वही है कि अब क्या है कि जब हथियार इधर उठे और इधर से जब हथियार को दबाया गया तो अब गिल्ली डंडे का खेल नहीं है, खून खराबा, लोगों की जाने गई होगी, वायलेंस होगा, सारी समस्या थी, क्लियर है। तो कोलैप्स ऑफ द पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल प्रोसेसेस, तो अब जब खून खराबा हो रहा है, लोगों की जाने जा रही, तो आप सोचोगे वहां पे चुनाव हो जाए, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, सिस्टम रहे, तो वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म वहां पे ब्रेक डाउन हो रहा था,
ठीक है। और फिर यहां देखो, फिर यहां पे वही एक फेडरलिज्म वाला एस्पेक्ट आ जाता है कि फिर सेंटर ले देके प्रेसिडेंट रूल लगा देती है सेंटर। फिर वो जो रीजन थे, वो जो स्टेट थे, उन्हें लगता था कि उनकी पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल पावर्स खत्म हो रही है। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स वर रनिंग पैरेलल, ठीक है, इन दिस टाइम पीरियड ओवर द इशू ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस। आई होप यू पीपल आर एंजॉयिंग एंड कनेक्टिंग द टॉपिक्स, कनेक्टिंग द डॉट्स। क्लियर हो रहा है? तो वो चीज है, मतलब वो ये सर आप ही ने सिखाया, समस्या पे नहीं समाधान पे फोकस कर रहे हैं। तो समस्या तो दिख रही है, सोल्यूशन क्या निकल के आया? तो जैसे अगर आप देखोगे तो ये जो मूवमेंट फॉर रीजनल एस्पिरेशंस चले, सो दीज स्ट्रगल्स वर लॉन्ग ड्रॉन एंड कंक्लूडेड इन नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स और अकॉर्ड्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द ग्रुप लीडिंग टू द मूवमेंट फॉर ऑटोनॉमी। और जब इस तरह की समस्याएं निकल के आई तो समस्याओं का समाधान इसमें नहीं था कि वो हथियार उठाएंगे, हम उन्हें सप्रेस कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप वही वाली बात थी कि क्या होता कि एक लहर को खत्म करते थे, दूसरी लहर चालू हो जाती थी। तो अल्टीमेटली सोल्यूशन इसी चीज में मिला क्या कि ये जो स्ट्रगल्स थे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, दीज स्ट्रगल्स वर लॉन्ग ड्रॉन एंड कंक्लूडेड इन नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स और अकॉर्ड्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द ग्रुप लीडिंग टू द मूवमेंट फॉर ऑटोनॉमी। ठीक है, तो जो ग्रुप्स मूवमेंट फॉर ऑटोनॉमी चला रहे थे, तो वो ग्रुप्स की डिमांड जो है, तो उन ग्रुप्स की डिमांड को जब क्या किया गया, एड्रेस किया गया प्रॉपरली, तो उन ग्रुप्स की डिमांड को एड्रेस किया गया प्रॉपरली। और जब गवर्नमेंट ने भी क्या किया, अपनी तरफ से थोड़ा सा बोलते ना कि प्रस्ताव रखे, कहीं ना कहीं तब सेटलमेंट्स हुए, कहीं ना कहीं तब सेटलमेंट्स हुए। और वो कैसे हुए, तो द अकॉर्ड्स वर रीच्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डायलॉग दैट एम्ड टू सेटल कंटीजियस इशू विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। अब दिखती बात है, उन्हें ऑटोनॉमी चाहिए थी, इन्हें देश की यूनिटी बनाए रखना था, लेकिन दोनों की डिमांड मानी नहीं जा सकती ना, देश से बाहर तुम जाओगे नहीं और ये देश के अंदर रखेंगे, तो मतलब वो ये कि देश के बाहर वाली डिमांड तुम्हें ड्रॉप करना पड़ेगी। तो अल्टीमेटली सारी चीजों को फिर यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर जो सेटलमेंट किए जा सकते हैं, थोड़ा हम दबेंगे थोड़ा तुम दबो, उस टाइप से। ठीक है, तो वो सारी चीज हुई, लेकिन ये जो अकॉर्ड्स थे, ये जो सेटलमेंट्स हुए ना, तो येट द जर्नी टू अकॉर्ड वॉज ऑलवेज ट्यूमल्टस एंड ऑफन वायलेंट। तो अकॉर्ड्स साइन हो जाने के बाद में भी पीस वॉज नॉट, मतलब ऐसा नहीं बस साइन कर दिया अब तो सब खुश हो गए, देयर वर इंस्टेंसेस, ठीक है, पीस टुक टाइम टू बी एस्टैब्लिश्ड। तो वो सारी चीजें हुई, वो सारी चीजें हुई है। तो यही मतलब क्या है, ये आपको देखना होगा कि रीजन एंड द नेशन में क्या पैटर्न चल रहा है, कि क्या समस्याएं रही है। ठीक है, अब इंडियन अप्रोच की अगर हम बात करें ना, तो इंडिया में डाइवर्सिटी को लेकर, रीजनल एस्पिरेशंस को लेकर अप्रोच क्या रही है, कि क्या, अब जैसे आप थोड़ा अगर ध्यान करोगे, क्लास टेंथ की यादें मैं ताजा करता हूं आपको, श्रीलंका का केस पढ़ा था, श्रीलंका के केस में हमने क्या देखा था, श्रीलंका के केस में देखा था कि सिन्हालास जो हैं वो तमिल्स को कंसीडर ही नहीं करना चाह रहे थे, और इसी के चलते तमिल्स ने जब अपनी डिमांड रखी, अपनी एस्पिरेशंस रखी, सिन्हालास ने सप्रेस कुचलने की कोशिश करी, तो तमिल्स ने बोला कि मर जाएंगे लेकिन अपनी डिमांड मनवाएंगे। ठीक है, तो उस कारण और वायलेंस, सिविल वॉर और ये सारी समस्याएं हुई। तो इंडिया ने मतलब वो ये कि हम या तो खुद गलती करें और सीखें, या फिर दूसरे जो गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों से सीख जाएं। तो हमने हमेशा से यही अप्रोच अपनाया कि हम कभी भी मेजोरिटेरियनिज्म पे फोकस नहीं करेंगे, हम कभी भी ऐसा नहीं है कि यूनिटरी सिस्टम लेके चलेंगे या फेडरल सिस्टम था, तो रीजनल एस्पिरेशंस को उठने की पूरी पूरी उम्मीदें थी और पूरा पूरा स्कोप भी था कि आप अपनी डिमांड्स रख सकते हो। ठीक है, तो इंडियन अप्रोच की अगर बात करें, तो इंडिया एज अ नेशन एंड इट्स अप्रोच टू डाइवर्सिटी, रीजनलिज्म, ठीक है, रीजनलिज्म मतलब वही क्षेत्रवाद, तो रीजनलिज्म को, डायवर्सिटी को इंडिया ने एज ए नेशन कैसे एड्रेस किया, मैंने आपको बताया डेमोक्रेटिक कंट्री है, फेडरल कंट्री है, तो हमने वेलकम किया डायवर्सिटी को। हम तो वही है ना कि यूनिटी लाइज इन द डायवर्सिटी का नेशन लेकर, नोशन लेकर चल रहे हैं हम, तो हम तो बोलेंगे कि हाँ डायवर्सिटी अच्छी है, गुलदस्ता बनके रहना पसंद था हमें। क्लियर, तो द इंडियन नेशन शैल नॉट डिनाई द राइट्स ऑफ डिफरेंट रीजंस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स टू रिटेन देयर ओन कल्चर एंड लिव अ यूनाइटेड सोशल लाइफ विदाउट लूजिंग द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ न्यूमरस कल्चर्स दैट कंस्टिट्यूटेड इट। ठीक है, तो यहां पे आप जैसे देखो, तो इंडिया वॉज वेरी हैप्पी विद द डायवर्सिटी, यूनिटी इन डायवर्सिटी का वही आइडिया जो मैंने आपको बताया। द इंडियन अप्रोच वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वन अडॉप्टेड इन द यूरोपियन कंट्रीज। तो जैसे यूरोपियन कंट्रीज को आप देखोगे, एक बहुत अच्छा पॉइंट बताता हूँ, इंटरप्रिटेशन बताता हूँ, यूरोप और इंडिया को देखोगे तो ये यूरोप है पूरा, और जैसे अगर आप इंडिया देखोगे तो रिलेटिवली इंडिया यूरोप के कंपेरिजन में एक बड़ा कंट्री है, मतलब हमारा कंट्री और पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट लगभग लगभग, मतलब ऐसा तो यूरोप बड़ा है लेकिन आप बोल सकते हो कि हाँ कंपेरेबल है, कंपेरेबल है, 3:4, 2:4 इस तरह से जो भी आपको रेशियो में बैठाना है। लेकिन आप क्या देखोगे कि हमारे कंट्री के अंदर जितनी डाइवर्सिटी उतनी पूरे यूरोप में भी होगी, अलग अलग एथनिक ग्रुप है लेकिन वो पूरे अलग अलग एथनिक ग्रुप लड़ पड़े एक दूसरे के साथ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम देखोगे तो बहुत सारे क्या है, कंट्रीज डिवाइड हो गए, वहां डाइवर्सिटी को कैसे देखा जाता था, हार्मफुल फॉर द नेशन, तो उन्होंने बोल दिया अलग
लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप, अलग एथनिक ग्रुप, अलग बनाओ भैया कंट्री, ठीक है। वहां उन्होंने डायवर्सिटी को अकोमोडेट नहीं किया, वहां उन्होंने क्या देखने को मिलता है आपको कि उन्होंने ऐसा बोल दिया कि डायवर्सिटी तो हार्मफुल है यूनिटी के लिए, तो सब अलग अलग अपने अपने देश में रहो। मतलब ये कैसा है, ये आप जिसे देखोगे तो न्यूक्लियर फैमिली टाइप की बात करते थे, और इंडिया में कल्चर ही ज्वाइंट फैमिली का रहा है। तो आपको क्या देखने को मिलता है कि हमारी कंट्री में हमने यूरोपियंस की तरह डायवर्सिटी को हार्मफुल फॉर नेशन नहीं देखा, नेशनल यूनिटी, हमने उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करी, ठीक है, हमने उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करी। तो द इंडियन अप्रोच वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वन अडॉप्टेड इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज वेयर दे सॉ कल्चरल डायवर्सिटी एज ए थ्रेट टू नेशन। उन्हें कल्चरल डायवर्सिटी थ्रेट टू नेशन लगती थी, लेकिन हमारी अप्रोच थोड़ी अलग रही, हमने कल्चरल डायवर्सिटी को होल हार्टेडली वेलकम किया, ठीक है, होल हार्टेडली वेलकम किया। तो इंडिया अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक अप्रोच टू द क्वेश्चन ऑफ डायवर्सिटी, allows the political expression of regional aspiration and does not look upon them as anti-national, ठीक है। कोई अगर region बात कर रहा है, demand उठा रहा है कि हमें ये चाहिए, तो हमने उसे anti-national consider नहीं किया, हमने उसे part of democratic system consider किया कि हाँ तुम्हें भी हक है बोलने का, बोलो क्या बोलना चाह रहे हो, ठीक है। तो regional issues and problems will receive adequate attention and accommodation in the policy making process। अगर कोई region अपनी समस्या लेकर आ रहा है, कोई अपनी demand रख रहा है, कोई अपनी aspiration रख रहा है, देखो aspirational होना गलत नहीं है, but aspirational in a wrong sense is wrong ना। अब अगर आप गलत तरह से अपनी aspiration को रख रहे हो कि आप बोल रहे हो कि देश से अलग कर दो, तब तो हम बोलेंगे कि नहीं नहीं इतना भी हम democratic नहीं कि देश से अलग कर दे, समझ रहे हो point? तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि इंडिया ने एक democratic approach को adopt किया when it comes to the question of diversity, ठीक है। we gave the space for the regional aspirations, उन्हें international declare नहीं करा हमने, क्लियर है। रीजनल इश्यूज जो थे, रीजनल इश्यूज और प्रॉब्लम्स जो थी, तो उनको प्रॉपरली एड्रेस किया जाए, उस चीज पे भी बात करी हमने, फाइन। सच एन अरेंजमेंट में समटाइम लीड टू टेंशन एंड प्रॉब्लम्स, दया ही दुख का कारण है, सुना है ये आपने, ठीक है। तो बहुत दयावान रहा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में इंडिया, तो लेकिन उसके कारण दुख हुए, और ये जो अरेंजमेंट था ना, मतलब ऐसे बोलते हैं कि तुमने बहुत ज्यादा आजादी दे दी, उस कारण बिगड़ गया वो, वैसा केस। तो ये जो अरेंजमेंट्स हमने रखे हैं कि डेमोक्रेटिक अप्रोच रखी जाए टू द क्वेश्चन ऑफ डायवर्सिटी, ठीक है, वी गेव देम द ओपन एरिया, मतलब नहीं करना चाहिए था क्या सर, करना चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि वही उंगली पकड़ाई तो पूरा पोछा पकड़ने की कोशिश करने लगे, तो ये अप्रोच ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर दी वो समझाता हूं। तो नेशंस दैट वांट टू रिस्पेक्ट डायवर्सिटी व्हाइल फेयरिंग टू फोर्ज एंड रिटेन यूनिटी हैव टू फेस प्रॉब्लम्स ओवर द इशू ऑफ पावर ऑफ द रीजंस, देयर राइट्स एंड देयर सेपरेट एग्जिस्टेंस। तो जो नेशंस ऐसा चाहते हैं कि डायवर्सिटी रहे, लेकिन अब होता क्या है कि डायवर्सिटी तो रहेगी, लेकिन जैसे जैसे वो रीजन्स जो हैं, वो डाइवर्स ग्रुप्स अगर पावरफुल होंगे ना, तो वो डाइवर्स ग्रुप उस बड़े यूनियन का पार्ट नहीं रहना चाहेंगे, वो बड़े यूनियन का जब पार्ट नहीं रहना चाहेंगे, तो उसके चलते आपको क्या देखने को मिलेगा, उसके चलते आपको देखने को मिलेगा कि एट टाइम्स वो जो डाइवर्स ग्रुप्स हैं, वो जो रीजन्स हैं, वो अपनी ऑटोनॉमी असर्ट करना चाहेगा, फिर देश को समझ में आएगा, मतलब नेशनल यूनिट को, क्या कि नेशंस को समझ में आएगा कि यार the question is now on the unity, तो तब क्या होता है, तब चैलेंज समझ खड़े होते हैं सामने। चैलेंज कैसे कि the concern for national unity में overshadow the regional needs and the aspiration, तब उन्हें समझ में आता है कि नहीं नहीं अब कोई regional aspiration नहीं, क्योंकि national unity की बात आ गई है। तो तब क्या होता है, तब central government भी regional aspirations को कुचलना चालू कर देती है, और फिर क्या होता है, at other times the concern for region alone में ब्लाइंड अस टू दी लार्ज नीड ऑफ द नेशंस, ठीक है। और फिर लोग भी अगर सिर्फ रीजन के बारे में ही सोचने लगते हैं, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल खालिस्तानी मूवमेंट के टाइम पीरियड में, जैसे अगर सिर्फ उस पंजाब वाले रीजन की तरह से ही वहां के लोग अगर उसको देखने लगे, कुछ सेक्शन अगर देखने लगा, तो फिर नेशनल नीड जो है उसको थोड़ी ना सोचेंगे, वो सिर्फ अपनी नीड को समझेंगे, तो वो फिर ताली दोनों हाथ से बजने लगती है। क्या समझ रहे हो ना, कि ये पॉइंट समझना अच्छे से, कि नेशंस जो रिस्पेक्ट करना चाहते हैं डायवर्सिटी को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वो उस डाइवर्स रीजन को, उस डाइवर्स ग्रुप्स को पावरफुल होते देखते हैं, तो वो पावरफुल होते देखते हैं तो उन्हें डर लगता है कि नेशनल यूनिटी खत्म ना हो जाए। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए वो रीजनल नीड्स और एस्पिरेशंस जो है, तो उनको नेशनल यूनिटी के नाम पे ओवरशैडो कर दिया जाता है। फिर नेशंस जो होते हैं, नेशनल गवर्नमेंट जो होती है, उन रीजनल नीड्स को ताक पर रख देती है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या लगता है फिर, कि वो जो रीजनल नीड्स जहां से निकल के आ रही थी, रीजनल एस्पिरेशंस जहां से निकल के आ रही थी, तो वो भी फिर क्या करते हैं, लार्जर नीड्स ऑफ नेशन को ताक पर रख देते, बोलते कि नहीं हमें तो हमारे क्षेत्र से मतलब है, दैट्स इट, ऐसी कहानी है। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन बताता हूं, ठीक है, इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन बताता हूं कि 1980s में क्या हो रहा है सर ऐसा, मतलब ये अगर ये रीजनल एस्पिरेशंस उठना थी, तो ये तो बहुत पहले 1947 में भी उठ जाती, उठी भी थी, जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो उतनी मजबूत तब नहीं थी जितनी 1980s में बनी, और 1980s में सरकार का थूक सूखा दिया, ऐसा क्या हुआ होगा। देखो मैं आपको वही कहता हूं कि नेवर लिमिट योरसेल्फ टू द बुक्स,
लर्निंग इज नॉट लिमिटेड टू द एकेडमिक्स ओनली. आप पैटर्न ड्रॉ आउट करो तो देखो मैं बताता हूँ 1980s में ये मुद्दा और बड़ा बन गया. मतलब ये जो पूरा पैटर्न बताया ना मैंने आपको, ये 1980s में और बड़ा क्यों बन गया कि 1980s के पहले क्या हुआ था. जैसे अगर आप देखोगे तो 1980s के पहले अगर आप देखोगे तो 1977 ये वाला जो टाइम पीरियड रहा 1970s की अगर बात करें तो इस टाइम पीरियड तक आपको क्या देखने को मिलता है कि नो नेशनल पार्टी वॉज देयर. ठीक है, अच्छे समझना, बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं. नो नेशनल पार्टी वॉज देयर, कंट्री वाइड नेशन वाइड कोई नेशनल पार्टी नहीं थी. ठीक है, अब जब नेशन वाइड कोई नेशनल पार्टी नहीं थी तो कौन थी. ठीक है, तो बहुत सारी छोटी छोटी रीजनल पार्टीज इमर्ज हो रही थी और वही रीजनल पार्टीज का ही कमाल था जनता गवर्नमेंट, है ना. तो रीजनल पार्टीज हर क्षेत्र में ग्रो कर गई, उल्टा और रीजनल पार्टीज को पॉलिटिकल पावर भी मिल गई, नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट भी बन गई जैसे जनता गवर्नमेंट. ठीक, तो ये नो नेशनल पार्टीज और ये रीजनल पार्टीज जो थी तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये रीजनल पार्टीज जो है तो रीजनल पार्टीज क्या होने लगी, पावर में आने लगी. अब रीजनल पार्टीज जब पावर में आने लगी तो रीजनल पार्टीज से जुड़े हुए लोग जो थे, ठीक है, पीपल जो थे तो दे ऑल्सो बिकेम पावरफुल. ये एक एस्पेक्ट हुआ. ठीक है, ये एक एस्पेक्ट हुआ. अब दूसरी चीज समझना, दूसरा एस्पेक्ट यहां पे क्या चल रहा है पता है, ग्रीन रेवोल्यूशन के फ्रूट्स जो थे ना, अब आप क्या देख रहे हो कि ये रीजनल एस्पिरेशंस बहुत मजबूत रही, खास करके नदन पार्ट में, पंजाब वाले रीजन में, क्यों वहां पे ज्यादा मजबूत रही है. तो कारण समझो, ग्रीन रेवोल्यूशन के फ्रूट्स जो थे, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के फ्रूट्स जो थे पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इन क्षेत्रों को ज्यादा मिले. अब ग्रीन रेवोल्यूशन के फ्रूट्स मिले इन द सेंस कि प्रॉस्परस हुआ वहां का सेक्शन, प्रॉस्पेरिटी थी, पैसा आ गया. ठीक है, तो पैसा ही पैसा हो गया बाबू भैया. अब ये पैसा ही पैसा हो गया, उसके बाद में दूसरी चीज क्या है, पावर भी आ गई पॉलिटिकल. मैंने बताया रीजनल पार्टीज ग्रो कर रही है तो ये पैसा और पावर जो होता है ना, ये पैसा और पावर एक, ये पैसा और पावर का ये जो डेडली कॉम्बिनेशन बना, इसके चलते क्या होता है, इसके चलते रीजनल जो एस्पिरेशन थी, ठीक है, रीजनल एस्पिरेशन जो थी वो बढ़ गई, रीजनल एस्पिरेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई. तो इस समय में 1980s के टाइम पीरियड में ये दानव जो था तो और शक्तिशाली हो गया, आ गया, समझे. तो मतलब ये जस्ट एक इंटरप्रिटेशन है कि कैसे देश में क्या क्या डेवलपमेंट्स होते चले गए. फाइन, ये मैंने आपको बताया तो उसी के लिए, उसी के चलते आप क्या देखोगे कि इस टाइम पीरियड में मुद्दे को संभालना, एड्रेस करना बहुत वेरी टिपिकल. फाइन, तो 1980s का डिकेड पूरा इसी में निकल गया था. तो अब एरियाज ऑफ टेंशन क्या है, तो जैसे आप देखोगे आजादी के बाद ही आपने पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स का चैलेंज, स्टेट्स को अंदर रीऑर्गेनाइज करना, ये सारी समस्याएं थी. जैसे तैसे हमने आजादी के समय चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग चैप्टर 1 में पढ़ा, इन सारे मुद्दों को समेट लिया. लेकिन दुनिया क्या है पता है, दुनिया देख रही थी मिस्टर बीन की तरह, क्या देख रही थी कि मेनी ऑब्जर्वर्स बोथ विद इन द कंट्री एंड फ्रॉम आउटसाइड हैड प्रेडिक्टेड दैट द इंडिया एस वन यूनिफाइड कंट्री कैन नॉट लास्ट लॉन्ग. तो बहुत सारे ऑब्जर्वर्स जो थे वो ऐसे देख रहे थे कि इंडिया एक यूनिफाइड कंट्री की तरह ज्यादा लंबे समय टिक नहीं पाएगा. ठीक है, इस तरह से देखते हुए चल रहे थे कि इंडिया ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा. दीज प्रिडिक्शंस वर फॉलोड बाय इशू इन मल्टीपल रीजन ऑफ कंट्री. और क्यों नहीं टिक पाएगा, क्योंकि हर जगह आजादी के बाद में हर जगह अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स निकल के आ रहे थे. जैसे कश्मीर का इशू सबसे बड़ा था आजादी के बाद, प्रॉब्लम्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नागालैंड, मिजोरम, द्रविडियन मूवमेंट इन साउथ. अब ये आपको बुक में दिया है, वो पढ़ लेना आप, बाकी मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं. तो जैसे साउथ के स्टेट्स जो है तो वो क्या कहते थे कि नॉर्थ जो है वो प्रॉस्परस हो रहा है, इवन वेन दी साउथ डिकेड्स, साउथ भले ही खत्म हो जाए लेकिन नॉर्थ जो है तो डेवलप हो रहा है, और मतलब नॉर्थ डेवलप हो रहा है, साउथ पिछड़ता जा रहा है. उसी के चलते आप क्या देखेंगे तो जो ईवी रामास्वामी नायकर वगैरह थे तो इनने आप क्या देखेंगे कि इंडिपेंडेंस के लिए द्रविडियन मूवमेंट चलाया कि सदर्न स्टेट शुड बी इंडिपेंडेंट, सदर्न स्टेट शुड फॉर्म देयर ओन नेशन, इस टाइप से. तो वो पूरा पार्ट दिया है, उसे पढ़ना. तो ये बताया गया कि एरियाज ऑफ टेंशन की अगर बात की जाए तो इंडिपेंडेंस के समय से ही चैलेंजेस थे इन द होल वर्ल्ड एंड मेनी पीपल विद इन द कंट्री वर ऑब्जर्विंग लाइक दिस कि कितने, मतलब और कितना चलेगा, कितने लंबे समय तक हम अपने आप को होल्ड कर पाएंगे. ठीक है, कितने लंबे समय तक इंडिया में डेमोक्रेसी रह पाएगा, कितने लंबे समय तक इंडिया में एक तरह से क्या है, कितने लंबे समय तक इंडिया में यूनिटी रह पाएगी. तो वो एक डाउटेबल चीज थी बहुत ज्यादा. ठीक है, क्योंकि ये मुद्दे थे. अब फिर क्या होता है, सो दीज डिमांड्स फॉर सेपरेशन वर फॉलोड बाय द मास एजिटेशंस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द मेनी पार्ट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स. अब ये सेपरेशन की डिमांड तो थी ही थी. ठीक है, गरीबी में गिला आटा क्या हो गया, तो ये सब चैप्टर 1 में पढ़ा है, बस रिकॉल करते चलो. बहुत सारे स्टेट्स जो है तो वो सेपरेट
मतलब बहुत सारे रीजन जो थे सेपरेट स्टेट्स बनाने की बात करने लगे, वो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड उठने लगी। बताओ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड उठने लगी, तो जैसे आज देखोगे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, ये हमने सब पढ़ा है कि सबसे पहले क्या होता है 1953 में आंध्र प्रदेश अलग किया जाता है, 56 में रीऑर्गेनाइजेशन आता है, फिर धीरे धीरे महाराष्ट्र गुजरात अलग होते हैं, ध्यान आ रहा है। तो ये स्टेट्स जो थे दे वर अफेक्टेड बाय दिस एजिटेशन एंड दे वर दी स्टेट्स व्हिच वर क्रिएटेड ऑन दी लैंग्वेज इनिशियली ऑन दी बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तमिलनाडु वर दी वेयर दी प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेकिंग ऑफ हिंदी एज दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दी कंट्री। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, लिंग्विस्टिक बेसिस पर भी बहुत सारे मुद्दे थे जो देश में उस समय पे चल रहे थे। फिर क्या है, इन द नॉर्थ देयर वर स्ट्रॉन्ग प्रो हिंदी एजिटेशंस डिमांडिंग दैट हिंदी बी मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज। कहीं हिंदी को अपोज किया जा रहा, कहीं हिंदी को सिर पे लेके दौड़ रहे थे लोग, क्लियर हुआ। तो फ्रॉम द लेट 1950s पीपल स्पीकिंग द पंजाबी लैंग्वेज स्टार्टेड एजिटेटिंग फॉर अ सेपरेट स्टेट फॉर देमसेल्फ। 1950s के टाइम पीरियड से जैसे अगर आप देखोगे तो जो पंजाबी भाषा बोलते थे तो वो पाकिस्तान का पंजाब और इंडिया का पंजाब को मिलाने की बात करने लगे, ठीक है। उसके साथ साथ में आप देखोगे तो वो खालिस्तानी मूवमेंट तो चल रहा था, साथ ही साथ आप हरियाणा, हरियाणवी और हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स को अलग करो पंजाबी स्पीकिंग से, वो भी मुद्दा उठने लगा था, समझ में आ रहा है। तो ये सारी समस्याएं थी, दीज वर दी एरियाज ऑफ टेंशन एट दैट टाइम पीरियड। अभी इंडिपेंडेंस में ही है, 1980s आते आते और समस्याएं और गंभीर हो जाएगी। तो दस दी चैलेंज ऑफ डाइवर्सिटी वॉज मेट बाय रीड्रॉइंग दी इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ दी कंट्री। और इसी के लिए हमने क्या बोला कि 1956 में बोला कि बेटा अभी क्या करना है, अभी इस मुद्दे को ऐसे एड्रेस करते हैं अपन कि अंदर ही अंदर रीऑर्गेनाइजेशन कर देते हैं। तो तभी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था, चैप्टर वन पे कनेक्ट कर लो जरा, करण अर्जुन मोड पे चले जाओ, ठीक है, वो हो गया। आगे जैसे देखोगे तो अब आपने क्या किया, वहां पे सरदर्द हो रहा था, तुरंत के तुरंत क्या करने की, एक गोली दे के आराम दिलाने की कोशिश करी है, लेकिन आपको क्या पता कि उसके पीछे और माइग्रेन वाली समस्या है, समस्या बड़ी है, ठीक है। तो वो इमीडिएट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी थी, येट दिस डिड नॉट लेड टू द रिजोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स एंड फॉर ऑल टाइम्स। सारी समस्याएं खत्म नहीं हुई इससे, और हर समय के लिए समस्या खत्म नहीं हुई थी, वो एक इमीडिएट रिलीफ था, इमीडिएट रिलीफ था। फिर वो इंटरनल पॉलिटिक्स में उलझे रहे, कांग्रेस बन रही है, गिर रही है, वो सारा सब कुछ, वॉर आ गई, सब कुछ, ठीक है। और उसी बीच में मैंने आपको अभी इसीलिए बताया वो पूरा कहानी कि फोर्सेस कमजोर थी उस समय पे, तो जैसे तैसे क्या है गोली दे दी, एक सिरदर्द की और बैठा दिया था। लेकिन जब क्या हो रहा है कि वॉर पीरियड चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रही है, कोलिजन की पॉलिटिक्स है, वो सारी चीजें, तो इस टाइम पीरियड में वो जो फोर्सेस थी वो और मजबूत हो रही थी, ठीक है। वो फोर्सेस अपनी शक्तियों को क्या कर रही थी, इकट्ठा कर रही थी। और अब क्या होगा, अब जैसे अगर आप देखोगे तो इन सम रीजन लाइक कश्मीर एंड नागालैंड द चैलेंज वॉज सो कॉम्प्लेक्स दैट इट कुड नॉट बी रिजॉल्व इन द फर्स्ट फेज ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो तब पूरी तरह से रिजॉल्व भी नहीं हुआ कश्मीर का, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के मुद्दे। इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो पहले प्रयास में फर्स्ट फेज ऑफ नेशन बिल्डिंग में जो कोशिश की गई मुद्दों को रिजॉल्व करने की, तो पूरी तरह से हुए नहीं। बिसाइड्स न्यू चैलेंजेस केम अप इन स्टेट्स लाइक पंजाब, असम एंड मिजोरम। और उसी के साथ साथ मैंने बताया पंजाब में फोर्सेस मजबूत हो गई, असम में नए मुद्दे आए आउटसाइडर्स के अगेंस्ट में, मिजोरम में अलग समस्याएं थी, उस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे हम आगे अलग अलग, मैंने आपको अभी टॉपिक्स बताया वैसे, ठीक है। तो ये स्थिति ऐसे बन रही थी, तो ये स्थिति इस तरह से बन रही थी। तो the successes and failures in these cases are instructive not merely for the study of our past but also for an understanding of India's future, and this is the most beautiful line which I read in this chapter। kya ki ye jo pura maine aapko case bataya, dekho abhi tak humne mahol banaya hai bas chapter ka, abhi tak chapter ka mahol banaya hai, to ye jo topics maine aapko bataye, maine aapko pura background, I hope maine aapko pura background ek kas ke de diya ki ye dekho ye background hai, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे इन बैकग्राउंड में सरकार ने जो कदम उठाए सक्सेसफुल भी हुए, सरकार ने जो कदम उठाए उसके चलते फेलियर्स भी देखने को मिली। तो दी सक्सेसेस एंड फेलियर्स इन दीज केसेस आर इंस्ट्रक्टिव नॉट मेयरली फॉर द स्टडी ऑफ आवर पास्ट। तो इस समय की सक्सेस और फेलियर्स जो है, ठीक है, वो सिर्फ हमें इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि हमें पास्ट समझ में आ जाएगा, नहीं, ये आप गलती कर रहे हैं। पास्ट तो समझ आ ही जाएगा, आंसर मतलब लिख के आ ही जाएंगे हम एग्जाम में, लेकिन ये जो समय की पूरी पॉलिटिक्स रही ना, तो आप जब किसी चीज से गुजरते हो तो आप सिर्फ गुजरते नहीं हो, आप अपने साथ अनुभव लेके गुजरते हो, है ना, तो वही है। तो बट ऑल्सो फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया फ्यूचर, तो द सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ दिस टाइम पीरियड गिव्स अस एन इनसाइट ऑफ दैट टाइम पीरियड, बट अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस द नॉलेज ऑफ हाउ टू डील विद सच प्रॉब्लम्स विच मे राइज इन फ्यूचर। फ्यूचर में भी अगर ऐसी समस्याएं हैं तो उनसे कैसे टैकल किया जाए, वही वाली चीज है। हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं कि इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं उन गलतियों से
उन अच्छी बातों से, उन गलत बातों से हम सीख सके कि अगर इतिहास अपने आप को दोहराए, ठीक है, तो हम उन समस्याओं से, उन गलतियों से, अच्छी बातों से क्या सीख के आगे आने वाली परेशानियों को एड्रेस कर सकते हैं। तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ अंटिल वी लर्न फ्रॉम इट। तो हिस्ट्री अपने आप को दोहराती रहती है जब तक हम सीखते नहीं है, और जिस दिन हम हिस्ट्री से सीख जाते हैं तो फिर आप वो अगर दोहराएगी तो हम सीख गए, हमें पता है कि कैसे टैकल करना है। फाइन, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर का पार्ट 2 जो है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा आपको पूरी तरह से यह बताएगा कि जो आपने अभी तक चैप्टर में पढ़ा है आगे, उसमें आपने रीजनल एस्पिरेशंस के कंटेक्स्ट को समझा, उस कंटेक्स्ट को अगर ऑन ग्राउंड देखोगे आप तो जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इस तरह से चैप्टर में सब्सिक्वेंटली आपको जानने को मिलेगा। तो कश्मीर का पूरा मुद्दा जो है, फाइन, वो यहां समझ में आएगा। अब द कश्मीर इशू की अगर बात करें तो इसे इशू क्यों कहा जा रहा है, देखो क्या हो रहा है। तो इट इज ऑलवेज सीन एज अ मेजर इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर के मुद्दे को इंडिया और पाकिस्तान के बीच का एक मुद्दा देखा जाता है, लेकिन उसके अलावा उसके इंटरनल एस्पेक्ट्स भी हैं, एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स भी हैं, और क्यों वहां रीजनल एस्पिरेशन की जो डिमांड है, मतलब वहां के लोग जो हैं, तो वहां के लोग क्या कर रहे हैं, वहां के एस्पिरेशंस जो हैं उन्हें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं किस तरह से, ऑटोनॉमी के सेंस में, सेपरेटिज्म के सेंस में, तो वो क्यों है, उसका वो जो वाई है, जो रूट कॉज है, वो समझने की कोशिश करेंगे। कैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, सोशल डेवलपमेंट्स कहीं ना कहीं एक फैक्टर रहे हैं, उन सारे ही एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए इस चैप्टर को, मतलब इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। क्लियर हुआ? तो अर्लियर जम्मू एंड कश्मीर हैड अ स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पुरानी बुक्स में लाइन अलग तरह से चालू हुई है कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस है, लेकिन अब वो अर्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि आप क्या देखते हैं, आर्टिकल 370 के चलते जो एक्सक्लूसिविटी थी, जो स्पेशल स्टेटस था, तो आर्टिकल 370 के रिवोकेशन के साथ में, 2019 के साथ में, वो चीजें खत्म हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ इट, जम्मू एंड कश्मीर एक्सपीरियंस्ड वायलेंस, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी विथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेमिफिकेशन। आप क्या देख रहे हैं कि समस्या थी, समस्या के समाधान अलग अलग तरीके से निकालने की कोशिश करी, जैसे आर्टिकल 370 हटाने के बावजूद भी आप क्या देखेंगे, उन सारी चीजों के बावजूद भी आपको देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट की तरफ से, सिटीजन्स की तरफ से, सबकी तरफ से प्रयास किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी जम्मू कश्मीर में वायलेंस, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेमिफिकेशन, ये सारी समस्याओं का आज भी वहां पे बसेरा है। तो उसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं, और इन्हीं समस्याओं ने कहीं ना कहीं क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में रीजनल एस्पिरेशंस को जन्म दिया है, वो एस्पेक्ट समझना। जम्मू एंड कश्मीर वाले पार्ट से जैसे आप देखोगे, सैंपल पेपर जो निकाला है, रिलीज किया, तो उसमें भी क्वेश्चन आए हैं। क्लियर हुआ? सैंपल पेपर जो निकाला उसमें भी क्वेश्चन आए, तो उन सारी चीजों को ध्यान रखना। जम्मू एंड कश्मीर कंप्राइजेस 3 सोशल एंड पॉलिटिकल रीजंस। फाइन, सबसे पहले अगर ज्योग्राफी की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो है वो 3 सोशल और पॉलिटिकल रीजन से बना हुआ है। सोशल मतलब क्या कि सामाजिक रूप से भी अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, और उसके साथ साथ जैसे पॉलिटिकल रीजन मतलब क्या है कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज में भी अलग अलग बटा हुआ है। पहले एक पूरा स्टेट हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर, 2019 के बाद में उसमें 2 यूनियन टेरिटरी निकाल दी गई है। एक यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर की, दूसरी यूनियन टेरिटरी है लद्दाख की। ठीक है, तो अब जैसे अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो ये 3 पॉलिटिकल रीजन हो गए, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख 3 पॉलिटिकल रीजन हो गए। अब अगर बात करें कहां कश्मीर वैली की, तो कश्मीर वैली क्या है, कश्मीर वैली को समझना यहां पे, तो कश्मीर वैली द पीपल ऑफ कश्मीरी स्पीकिंग एंड मोस्टली मुस्लिम विद अ स्मॉल कश्मीर स्पीकिंग हिंदू माइनॉरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कश्मीरी स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है मोस्टली आपको क्या देखने को मिलेंगे, मुस्लिम पॉपुलेशन जो है, तो वो सोशल कंपोजिशन मोस्टली मुस्लिम पॉपुलेशन कश्मीर वैली रीजन जो है, कश्मीर वैली रीजन में आपको मोस्टली मुस्लिम पॉपुलेशन मिलेगी विद स्मॉल कश्मीर स्पीकिंग हिंदू माइनॉरिटी। स्मॉल कश्मीरी स्पीकिंग हिंदू माइनॉरिटी भी है जो कश्मीरी भाषा बोल रहे हैं, तो ये वाला कश्मीर वाला पार्ट हो गया, कश्मीर वैली वाला। ठीक है, फिर उसके बाद में जम्मू रीजन जो है, तो ये जो फुटहिल्स रीजन है, ठीक है, तो इन फुटहिल रीजन में आपको जम्मू रीजन कहलाएगा ये वाला। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लेन्स भी है और थोड़ी सा वैली एरियाज भी है, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम और सिख कम्युनिटी रहती है, एंड दे स्पीक वेरियस लैंग्वेजेस। तो अब जम्मू वाला रीजन जो है, तो थोड़ा सा वहां पे आपको मिक्स कल्चर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में तीसरा जो सोशल एंड पॉलिटिकल रीजन है, तीसरा सोशल एंड पॉलिटिकल रीजन कौन सा है, वो है लद्दाख वाला। ठीक है, तो मेजर पार्ट जो है वो लद्दाख वाला है। लद्दाख में भी जैसे अगर आप देखोगे तो क्या है, लद्दाख में बताया गया रीजन जो है माउंटेनियस रीजन है पूरा का पूरा, वेरी लिटिल पॉपुलेशन, एरिया बहुत ज्यादा लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, कारण सूखा क्षेत्र है, कोल्ड डेजर्ट है। मतलब उतना ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, कोल्ड डेजर्ट क्या है कि उतनी बारिश नहीं होती है और टेम्परेचर कम रहता है ड्यू टू एलिवेशन, तो सूखा है बंजर। ठीक है,
तो द लद्दाख रीजन इन इज माउंटेनियस, हैज वेरी लिटिल पॉपुलेशन विच इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम पॉपुलेशन। तो जैसे अगर आप देखोगे लेह लद्दाख वाला क्षेत्र जो है वहां पर बुद्धिस्ट पॉपुलेशन मिल जाएगी, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज वगैरह, और फिर वही थोड़ा कारगिल वाले क्षेत्र तरफ जाओगे तो वहां मुस्लिम पॉपुलेशन मिल जाएगी। तो इस तरह से लद्दाख रीजन भी है उसका सोशल और इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल रीजन हो गया। क्लियर हुआ? तो आपने थोड़ा सा भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझी कि जम्मू एंड कश्मीर है क्या, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर है क्या, तो सोशल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट समझ में आया। क्वेश्चन यहां पे बन जाता है तीन नंबर में, क्या कि सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बताओ, तो ये सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो गया। क्लियर हुआ? उसके बाद आगे बढ़े अगर तो अडानी रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम। अब जम्मू कश्मीर में रीजनल एस्पिरेशंस हैं, रीजनल एस्पिरेशंस मतलब क्या कि वहां के रीजन में अगर लोग आवाज उठा रहे हैं किस चीज की, ऑटोनॉमी की, सेपरेशन की, तो व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम, वेयर कैन वी ट्रेस द प्रॉब्लम, समस्या निकल के कहां से आती है, तो वो समझो रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम को समझो। यहां पे तो बिफोर 1947 जम्मू एंड कश्मीर वॉज अ प्रिंसली स्टेट, ठीक है। 1947 के पहले आप क्या देखते हैं कि जम्मू 1947 के पहले भारत भी नहीं था, क्योंकि आप क्या देखते हैं कि अलग अलग ब्रिटिश प्रोविंस थी, प्रिंसली स्टेट्स थे सारी चीजें, तो उसके पहले कश्मीर भी एक तरह से एक प्रिंसली स्टेट था, एक राजा रजवाड़ों की गिनती में आता था, जहां पे रूलर जो थे उनका नाम था हरि सिंह, ठीक है, रूलर हरि सिंह थे और हरि सिंह रूल करते थे। क्लियर हुआ? अब क्या हो रहा है देखो कि ब्रिटिशर जब गए थे इंडिया छोड़ के, इतना आपने थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट लिया होगा हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, क्या तब उन्होंने तीन ऑप्शंस देके गए थे सारे प्रिंसली स्टेट्स को, आइदर ज्वाइन द पाकिस्तान, आइदर ज्वाइन द इंडियन यूनियन, और यू कैन रिमेन इंडिपेंडेंट ऑल्सो। तो कश्मीर की अगर आप पोजिशन देखोगे ना, जैसे कंट्री में कश्मीर की पोजिशन ऐसी कुछ है, ठीक है, इधर पाकिस्तान भी लगा हुआ है, इधर इंडिया भी लगा हुआ है, तो कश्मीर पाकिस्तान में भी ज्वाइन हो सकता है, इंडिया में भी ज्वाइन हो सकता है, और तीसरी चीज ये भी है क्योंकि वो दोनों ही पार्ट से कहीं बीच में नहीं आ रहा, तो इंडिपेंडेंट रहने में भी पूरी पूरी सहूलियत थी, ठीक है। तो कश्मीर के जो राजा थे ना, कश्मीर के राजा ने क्या बोला, कश्मीर के राजा जो थे तो ही वॉज अ हिंदू रूलर, ठीक है, कश्मीर के राजा हिंदू रूलर थे, मेजोरिटी पॉपुलेशन वहां पे मुस्लिम थी। अब आप बोलोगे सर हिंदू रूलर मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम कैसे हो गया ये, तो उसका सीधा सा कॉन्टेक्स्ट ये है कि कश्मीर में एक समय पे मेजोरिटी पॉपुलेशन हिंदू थी, ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर जैसे सूफिज्म स्प्रेड होता है, तो विद द स्प्रेड ऑफ इस्लाम एंड सूफिज्म आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग जो थे सूफिज्म इस्लाम को अडॉप्ट कर लेते हैं, और इनफैक्ट आप आगे अभी देखेंगे क्या कि मोस्ट ऑफ दी जो कश्मीरीज थे ना, दे थॉट देमसेल्फ्स एज कश्मीरी अबव ऑल, वो अपने आप को ना मुस्लिम की तरह देखते हैं, ना वो अपने आप को किसी और आइडेंटिटी के साथ एसोसिएट करके देखते हैं, ठीक है। कश्मीरीज जो थे तो कश्मीरीज एसोसिएटेड देमसेल्फ्स एज कश्मीरी, ठीक है, कश्मीरियत, जैसे कश्मीर की जो रीजनल एस्पिरेशन है उसको कश्मीरियत का नाम दिया गया। कश्मीरियत मतलब क्या है कि वो अपनी आइडेंटिटी को कश्मीरी मान के चलते हैं, कल्चर अलग, ज्योग्राफी अलग, तो उस तरह से क्या है कि कश्मीरी मुस्लिम्स आर वेरी डिफरेंट, ठीक है। लेकिन अब क्या पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की जो फिलॉसफी थी, पाकिस्तान के जो लीडर्स थे उनका क्या मानना था, देखो तो पाकिस्तानी लीडर्स थॉट दैट कश्मीर रीजन बिलोंग टू पाकिस्तान सिंस मेजोरिटी पॉपुलेशन ऑफ स्टेट वॉज मुस्लिम, तो दिस शोज द कलर ऑफ कम्युनलिज्म, क्या कि एक रिलीजन के लोग हैं तो उनको एक टेरिटरी में होना चाहिए, इस तरह की सोच के साथ में पाकिस्तान के लीडर्स ये चाहते थे, क्योंकि कश्मीर में मेजोरिटी मुस्लिम है तो उनको पाकिस्तान के साथ जोड़ दो, ठीक है। बट कश्मीरीज हैड अ टोटली डिफरेंट ओपिनियन, वो कश्मीरियत चाहते थे, कश्मीर को, कश्मीरी पॉपुलेशन जो है तो ना इंडिया के साथ जाना चाहती थी ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी, ठीक है। रूलर का भी यही इच्छा था, कब की बात कर रहा हूं मैं, इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में जो रूलर थे महाराजा हरि सिंह, ठीक है, तो ही डिड नॉट वॉन्ट टू मर्ज आइदर विथ इंडिया और पाकिस्तान, बट टू हैव एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हिज स्टेट, ठीक है। तो ना वो इंडिया से जुड़ना चाहते थे ना पाकिस्तान से, वो अपना एक खुद का इंडिपेंडेंट स्टेटस रखना चाहते थे। तो अब यहां पे आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव समझ में आएगा कि किसका क्या विचार था, कौन क्या चाह रहा था। रूलर ये चाहते थे महाराजा हरि सिंह कि वो किधर भी ना जाए, पाकिस्तान के लोग आधी रोटी में दाल ले रहे थे क्या, कि उनको लगा कि अब क्योंकि मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम है तो कश्मीर को किसके साथ मिल जाना चाहिए, पाकिस्तान के साथ में, और कश्मीरी जो थे तो वो ये चाहते थे हमें किसी के साथ नहीं मिलना, हमें हमारी ऑटोनॉमी चाहिए, उस तरह से कश्मीर की पॉपुलेशन जो थी, कब ये इंडिपेंडेंस के बाद के टाइम पीरियड हो रही है, ठीक है। उसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे तो उसके अलावा क्या हो रहा है, पॉलिटिकल सिचुएशन ये थी कि जो पॉपुलर मूवमेंट था स्टेट में लेड बाय शेख अब्दुल्ला, तो शेख अब्दुल्ला जो थे, शेख अब्दुल्ला वॉज द लीडर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में नेशनल कांग्रेस जो थी, ठीक है, कश्मीर नेशनल कांग्रेस जो थी, तो उस नेशनल कांग्रेस के लीडर थे शेख अब्दुल्ला, दे वॉन्टेड टू गेट रेड ऑफ महाराज एंड वॉज अगेंस्ट ज्वाइनिंग पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन जो ऐसे बोलेंगे ना कि वहां की पॉपुलर लीडरशिप जो थी, तो वहां की लीडरशिप ऐसी थी कि वो सेक्युलरिज्म में विश्वास रखते थे, कौन, जैसे शेख अब्दुल्ला का नाम यहाँ पे आ रहा है, शेख अब्दुल्ला किस में विश्वास रखते थे, सेक्युलरिज्म में, और उसके चलते वो
पाकिस्तान को जैसे रिलीजियस लाइन पे बनाया गया था तो वो पाकिस्तान से इस कारण नहीं मिलना चाहते थे। देखो स्टेटमेंट इज क्लियरली रिटन इन द एनसीईआरटी कि शेख अब्दुल्ला डिडंट वांटेड टू मर्ज विद पाकिस्तान। महाराजा से भी मुक्ति चाहते थे, वो ये भी नहीं चाहते थे कि महाराजा मतलब मोनार्की चलती रहे यहाँ पे, तो फिर क्या चाहते थे? डेमोक्रेसी चाहते थे। ठीक है, द नेशनल कांग्रेस वॉज सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन एंड हैड अ लॉन्ग एसोसिएशन विद कांग्रेस। दे वर इनफैक्ट मोर फैसिनेटेड बाय द डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट विच वॉज टेकिंग प्लेस इन द इंडिया। तो सारी जनता का हम नहीं कह सकते, लेकिन जो पॉपुलर लीडरशिप थी, तो पॉपुलर लीडरशिप का ये ओपिनियन था कि हमें किसके साथ मिलना चाहिए? इंडिया के साथ मिलना चाहिए। सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन थी तो उसी लाइन पे वो बात करती थी, ये सारी चीजें थी। ये इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड की बात करवा रहा हूं। ठीक है, तो इनफैक्ट शेख अब्दुल्ला जो थे तो देवर लाइक जेवीरू। कौन? तो शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू जो थे उनकी दोस्ती भी थी। ठीक है, तो शेख अब्दुल्ला वॉज अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ सम ऑफ द लीडिंग नेशनलिस्ट लीडर्स इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू। देख लो दोस्ती है। इनफैक्ट आपको एक चीज और मैं बताता हूं, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग। शेख अब्दुल्ला जो है तो इन्होंने इंडिपेंडेंस के पहले ही, जब राजा रूल कर रहे थे ना, तो इंडिपेंडेंस के पहले ही बहुत बार प्रयास किया। क्या प्रयास किया बहुत बार? कि डेमोक्रेसी आ जाए, राजा को हटा दिया जाए हरी सिंह को, और इसी के चलते हरी सिंह ने एक बार शेख अब्दुल्ला को पकड़ के जेल में भी डाल दिया था। ठीक है, तो शेख अब्दुल्ला के बारे में अभी और जानेंगे हम। तो इस तरह से ये कहानी इतनी समझ में आ गई, कंटेक्स्ट पूरा, कि रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम क्या है। राजा अलग सोच रहा था, रूलर जो था हरी सिंह वो अलग सोच रहा था, पाकिस्तानी लीडर्स अलग सोच रहे थे, कश्मीर की पॉपुलेशन अलग सोच रही थी, जो पॉपुलर लीडरशिप थी वो अलग सोच रही थी, इंडिया दिखती बात सोच रही होगी कि कश्मीर इंडिया में इंटीग्रेट हो जाए। ठीक है, तो ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे। ब्रिटिशर्स अलग तरीके से छोड़कर चले गए थे कि इंडिया में चले जाओ, पाकिस्तान में चले जाओ, इंडिपेंडेंट रह लो, हमें कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको समझा दिया क्या स्थिति थी। अब आगे बढ़े अगर, तो प्रॉब्लम कहां से निकल के आती? देखो, तो प्रॉब्लम यहां से निकल के आती कि इन अक्टूबर 1947 पाकिस्तान सेंट ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स फ्रॉम इट्स साइड टू कैप्चर कश्मीर। ये पॉइंट अच्छे से समझना। अब कश्मीर के राजा जो कि उस समय रूल कर रहे थे कश्मीर पर, हरी सिंह, तो उन्होंने ये आइडिया रखा कि मुझे इंडिपेंडेंट रहना है। इंडिया ने जोर जबरदस्ती नहीं करी। ठीक है, तो हमने बोला कि जाओ सिमरन जी लो अपनी जिंदगी, तो इंडिया ने इंटरफेरेंस नहीं किया, इंडिपेंडेंस दे दी गई कश्मीर को। अब हुआ क्या है कि पाकिस्तान, लेकिन बड़ा ऐसे जिद्दी बच्चे नहीं होते, उस टाइप से था, तो पाकिस्तानी रूलर्स ये चाहते थे कि क्योंकि मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम है तो कश्मीर को तो पाकिस्तान में ही जुड़ना होगा। और अब उन्होंने देखा कि इंडिया इंटरफेयर कर नहीं रहा है, राजा हरी सिंह के पास में जो मिलिट्री जो पावर थी उतनी वो कह सकते हैं कि वेल एस्टेब्लिश थे नहीं, तो पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस के बाद की बात कर रहे हैं, अक्टूबर में, अगस्त में आजादी मिल गई, सितंबर अक्टूबर एक दो महीने उन्होंने सेलिब्रेशन करने के बाद, अक्टूबर में क्या होने लगा 1947 में, पाकिस्तान जो था तो पाकिस्तान सेंट ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स। ठीक है, ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स मतलब क्या है कि उन्होंने जो गिलगित बल्टिस्तान वाला पूरा एरिया है, ठीक है, इस क्षेत्र में जैसे अगर आप देखोगे तो इस क्षेत्र से क्या होने लगा, पाकिस्तान आर्मी के द्वारा सपोर्टेड पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स जो है पाकिस्तान कश्मीर के रीजन में घुसना चालू हो जाते हैं। ठीक है, एंड दे स्टार्टेड एंटरिंग इनटू द कश्मीर। तो अब क्या होगा, राजा हरी सिंह ने प्रयास किया, लेकिन राजा हरी सिंह उतना तरीके से बचा पा नहीं रहे थे कश्मीर को, कश्मीर की टेरिटरी में ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर जो है घुसते चले गए। एंड देयर इज वेरी कह सकते हैं सैड स्टोरी अबाउट इट, कि जब ये ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर सपोर्टेड बाय दी ट्राइबल इन्फिल्ट्रेशन, मतलब क्या है कि यहाँ के जो ट्राइब्स हैं, जैसे आप देखोगे तो क्या है ये इधर पठान वगैरह जो रहते हैं, ठीक है, तो ये सारे ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स घुसते चले गए। और यहाँ पे क्या होता है कि कश्मीर की पॉपुलेशन के साथ में, स्पेसिफिकली जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी, उन लोगों के साथ में बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ। ठीक है, उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ, सारी समस्याएं परेशानियां। ठीक है, तो एक तो ये इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में बहुत प्रॉब्लम हुई, जब क्या हो रहा था, जब पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन चल रहा था। अब क्या होता है, अब हमारे लीडर्स ने, देखो हम कश्मीर पे कब्जा नहीं करना चाह रहे थे, इंडियंस की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या है, हमारे लीडर्स को जब एक कहानी समझ में आई तो आर लीडर्स ट्राइड टू इंटरवीन। लेकिन उस समय पे क्या है, उस समय पे गवर्नर जनरल इंडिया के लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, आर्मी उनके अंडर में ही थी, तो उनकी परमिशन के बिना आर्मी पहुंचा नहीं सकते थे। और केस कुछ कैसा था कि पाकिस्तान एक अलग कंट्री है, उस समय पे आप जैसे देखोगे तो कश्मीर वॉज अगेन, ब्रिटिशर्स तो ऐसे देख रहे थे कि कश्मीर एक अलग देश है, ठीक है, और इंडिया एक अलग देश है, तो ब्रिटिशर्स का ये, ब्रिटिशर्स चले गए थे, लेकिन मैंने बताया ना कि ट्रांसफर ऑफ पावर पूरी तरह से हुआ नहीं था। ट्रांसफर ऑफ पावर जब पूरी तरह से हुआ नहीं था तो इसके चलते क्या होता है, इसके चलते हमें जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उनकी परमिशन के साथ ही काम करना था। लॉर्ड माउंटबेटन ने ये बोला कि भैया ये देश अलग है एक तरह से, ठीक है, तो वहां मैं अपनी आर्मी पहुंचा दूंगा तो दिस इज अ टाइप ऑफ वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉज। तो फिर कैसे समाधान निकाले, क्यों, क्योंकि इधर से इन्फिल्ट्रेटर घुसते जा रहे थे, महाराजा हरी सिंह कब आ रहे थे, महाराजा हरी सिंह वॉज ऑफ द ओपिनियन कि मैं अपने राज्य को कैसे बचाऊं। ठीक है, तो इंडियंस जो थे, तो इंडियंस जो थे, तो इंडियन लीडर्स जो थे, तो उन लोगों ने प्रपोजल रखा कि आप विलयकरण पक्का कर लो इंडिया के साथ में। विलयकरण मतलब क्या है कि आप इंडियन यूनियन के साथ में इंटीग्रेशन
डन करो और हम देखो हमारी आर्मी को अगले दिन ही पहुंचाते हैं। तो महाराजा हरि सिंह ने जब ये देखा कि अब वो बचा नहीं पाएंगे कश्मीर को, तो ही साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के चलते ही एग्रीड अपॉन दिस कि कश्मीर विल बी इंटीग्रेटिंग विद इंडिया। ठीक है, कश्मीर को इंडिया से इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। और जैसे ही उन्होंने साइन करा, अगले दिन हमने आर्मी पहुंचा दी। और जो ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स घुसे थे, ठीक है, श्रीनगर तक आ गए थे, तो उनको फिर पीछे खदेड़ा गया। लेकिन पीछे खदेड़ते क्या है कि वो पूरी कंट्री से, पूरे कश्मीर से बाहर नहीं निकल पाए। और एक पॉइंट पे जाके क्या है, मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में चले गया, स्टेटस क्वो आ गया। तो इतना पार्ट जो है तो उन ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स के कब्जे में आ गया। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। ये तो मैंने कहानी सुना दी है। अब अगर एनसीईआरटी के हिसाब से हम चले तो देखो क्या हो रहा है। तो अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान सेंट ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स फ्रॉम इट्स साइड टू कैप्चर कश्मीर। महाराजा आस्क फॉर इंडियन मिलिट्री हेल्प। तो हमें तुरंत चले जाना था, लेकिन मैंने आपको वो बताया क्या कि दिक्कत थी वहां पे कि हम कैसे मदद कर दें किसी दूसरी टेरिटरी की। ठीक है, तो उसके चलते क्या है, इंडिया ने एक्सटेंड करा मिलिट्री सपोर्ट। ठीक है, और इन्फिल्ट्रेटर्स को वापस भी भगाया कश्मीर वैली से, लेकिन एक कंडीशन या फिर एक शर्त के बाद में। और वो कंडीशन, वो शर्त क्या थी कि जब महाराजा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लेंगे उसके बाद ही मदद पहुंचाई जाएगी। ठीक है, विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मतलब क्या है, विलयकरण का समझौता कि हाँ अब कश्मीर जो है किसके साथ मिल रहा है, अब कश्मीर जो है इंडिया के साथ मिल रहा है। However, as Pakistani continued to control a sizable part of the state, the issue was taken to the Union, United Nations, United हो गया यहाँ पे, ठीक है? तो अब जैसे क्या होगा कि जैसे पाकिस्तान जो है तो अंदर घुस गया बहुत ज्यादा। अब कायदे से हमें करना था कि हमारी आर्मी को और पाकिस्तान तक घुसा देना था दौड़ा के। मतलब उस समय पे आप क्या कह सकते हो कि फेलियर ऑफ लीडरशिप रहा। ठीक है, तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा नहीं प्यार मोहब्बत से मुद्दों को सुलझाएंगे, और हमने इस मुद्दे को कहां ले गए, यूनाइटेड नेशन में। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में ले जा दिया गया, जहां पे क्या होता है, जहां पे रेजोल्यूशन डेटेड 21 अप्रैल 1948 रिकमेंडेड अ थ्री स्टेप प्रोसेस टू रिजॉल्व द इशू। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ने थ्री स्टेप रेजोल्यूशन, मतलब एक थ्री स्टेप प्रोसेस जो है वो पास किया, एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके चलते इस मुद्दे को सुलझाया जा सके। ठीक है, कायदे से क्या होना था कि इन्फिल्ट्रेटर्स आए, हमारी आर्मी को भी इधर से उनको दौड़ाते हुए पीछे वापस भगा देना चाहिए था। लेकिन अब क्योंकि हमने यूनाइटेड नेशंस में मुद्दा प्लेस कर दिया, तो स्टेटस क्वो हो गया। अब जब स्टेटस क्वो हो गया, एज इट इज स्थिति रह जाएगी, तो उसके चलते यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन में उन्होंने तीन स्टेप्स रिकमेंड करी। क्या थी वो तीन स्टेप्स, देखो। तो द स्टेप्स रिकमेंडेड बाय यूएन टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, कश्मीर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए क्या तीन स्टेप्स रिकमेंड की। पहली स्टेप, पाकिस्तान हैड टू विदड्रॉ इट्स एंटायर नेशनलिटीज हु एंटर्ड इनटू कश्मीर। ठीक है, तो जितना भी ट्राइबल इन्फिल्ट्रेशन हुआ था पाकिस्तान को पूरा विदड्रॉ करना पड़ेगा, आज तक नहीं हुआ। ठीक है, दूसरी चीज, इंडिया नीडेड टू प्रोग्रेसिवली रिड्यूस इट्स फोर्सेस सो एज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, इंडिया को भी जो इंडिया ने वहां पे फोर्सेस डिप्लॉय करी है, अब दिखती बात है कि उस समय पे इंडियन आर्मी जो है तो इंडियन आर्मी पूरी कश्मीर में जाके बैठ गई थी। ठीक है, तो इंडिया को भी क्या करना पड़ेगी, फोर्सेस डिप्लॉय करना पड़ेगी। ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स गए नहीं, हमने फोर्सेस हटाई नहीं। ठीक है, फिर क्या होता है, थर्ड, अ प्लेबिसाइट वाज टू बी कंडक्टेड इन फ्री एंड इंपार्शियल मैनर। और फिर क्या होगा, फिर कश्मीर की जो जनता है उससे पूछा जाए कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती है, इंडिया के साथ जाना चाहती है, इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, और जैसा कश्मीर की जनता चाहेगी, जैसा कश्मीरियत चाहेगी, वैसा होना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट बात। ठीक है, अब लेकिन क्या, इसका रिजल्ट क्या निकल के आया, हाउएवर नो प्रोग्रेस कुड बी अचीव्ड अंडर दिस रेजोल्यूशन एंड व्हाई इज दिस। देखो, मैं आपको बहुत कोर प्रॉब्लम समझा रहा हूं कि जब मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में चले गया, यूनाइटेड नेशंस ने थ्री स्टेप्स जो है वो रिकमेंड कर दी कि ऐसे करके डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लेंगे, फिर भी आज तक डिस्प्यूट रिजॉल्व क्यों नहीं हुआ। तो प्लेबिसाइट करवाना चाहिए था, जनता से पूछना चाहिए था। तो अब जनता से पूछना चाहिए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है कि हम जनता से, उस जनता से पूछे जो कश्मीर की है। अब क्या हुआ है कि बहुत सारे ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स आके कश्मीर में बस गए, तो जब तक वो ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स बाहर नहीं जाएंगे और जो कोर कश्मीर की पॉपुलेशन है उनसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, उनसे ही पूछा जाएगा। तो द प्लेबिसाइट वाज टू बी कंडक्टेड इन फ्री एंड इंपार्शियल मैनर अमंग द कश्मीरीज। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड ये रहता है कि कश्मीरी है ही नहीं वहां पे, वहां पे तो ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स हो गया। और इसी के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने फोर्सेस हटाई नहीं है, और पाकिस्तान जो है तो पाकिस्तान के द्वारा जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ था वो कभी खत्म नहीं हुआ, तो वो एक डेडलॉक सा लग गया। ठीक है, मुद्दा फंस गया। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे तो हाउएवर नो प्रोग्रेस कुड बी अचीव्ड अंडर दिस रेजोल्यूशन इन द मीन टाइम। ठीक है, तो अगर आप जैसे देखेंगे तो मीनवाइल क्या है कि वहां पे जो लोकल लीडर्स थे, अब ये तो तय हो गया कि इंडिया के साथ मिल गया है। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया राजा ने, प्लेबिसाइट वगैरह करवाना बचा है। ठीक है, जो कि सिचुएशन आज तक नॉर्मल नहीं हुई, तो प्लेबिसाइट कभी करवाया नहीं गया। ठीक है, लेकिन अगर आप जैसे देखेंगे तो हाउएवर नो प्रोग्रेस कुड बी अचीव्ड अंडर दिस रेजोल्यूशन
इन द मीनवाइल ठीक है, शेख अब्दुल्ला टुक ओवर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। आप बोलोगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, जी हाँ। तो आपको क्या देखना है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब साइन हुआ था ना, तो उसमें कुछ स्पेशल स्टेटस दिए गए थे, तो वहां पे कश्मीर का जो हेड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी रहेगा, पॉलिटिकल लीडर रहेगा, तो कश्मीर के पॉलिटिकल हेड को प्राइम मिनिस्टर का दर्जा दिया गया था इनिशियली। इसको बाद में बदल दिया था, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनिशियली आपको क्या देखने को मिलता है कि कश्मीर के जो पॉलिटिकल हेड थे उनको प्राइम मिनिस्टर का दर्जा दिया जाएगा, गवर्नर को सदर रियासत कहा जाएगा, ठीक है। इस तरह के कुछ कुछ प्रोविजन थे। तो हुआ क्या है कि ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ, इससे कुछ एज सच आपको प्रोग्रेस देखने को मिली नहीं है, ठीक है। इन द मीनवाइल शेख अब्दुल्ला जो है तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं स्टेट के जम्मू कश्मीर में, ठीक है, इन मार्च 1948। वेल इंडिया एग्रीड टू ग्रांट प्रोविजनल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अंडर आर्टिकल 370, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट वॉज देन कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई है कि हाँ, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन द सेंस की थोड़ा सा और विशेष अधिकार रहेंगे इस राज्य के पास में, और हेड ऑफ द स्टेट जो रहेंगे तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर का दर्जा दिया, और इस तरह से स्लोली एंड ग्रेजुअली पॉलिटिकल सेटअप को स्टैब्लिश किया गया वहां पे। समझ में आ गया सिचुएशन क्या है, रूट ऑफ प्रॉब्लम क्या है, वो सब कुछ। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली पॉलिटिकल सेटअप को स्टैब्लिश किया गया है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कौन है, अब देखो 1905 में इनका जन्म हुआ, 1982 तक का इनका जन्मकाल रहा पूरा का पूरा। लीडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्रोपोनेंट ऑफ ऑटोनॉमी एंड सेकुलरिज्म, तो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, प्रोपोनेंट ऑफ ऑटोनॉमी, जम्मू कश्मीर की ऑटोनॉमी की बात करी उन्होंने, सेकुलरिज्म की बात करी, तो एट दैट टाइम पे सेकुलरिज्म की बात करना इन दैट कॉन्टेक्स्ट जहां पे पाकिस्तान अपने साथ कश्मीर को जोड़ने की बात कर रहा, तो ही वाज अ ग्रेट लीडर वी कैन से, ठीक है। क्या है, लेड द पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट प्रिंसली रूल, प्रिंसली रूल को हटा के डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने के लिए पॉपुलर स्ट्रगल इन्होंने लीड किया। अपोज टू पाकिस्तान ड्यू टू इट्स नॉन सेकुलर कैरेक्टर, ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान से प्रेम था, पाकिस्तान को भी बोल दिया तुम नॉन सेक्युलर कैरेक्टर लेके चल रहे हो, तुम अलग रह लो, हमें कश्मीर को कश्मीरियत से डिफाइन करना है, ठीक है। लीडर ऑफ द नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी उसके लीडर थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर इट्स एक्सेशन विद इंडिया इन 1947, पहले प्राइम मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर के ये बनते हैं, ठीक है। डिसमिस्ड एंड जेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहां पे थोड़ा सा आप बोलोगे सर, जब जवाहरलाल नेहरू के इतने अच्छे दोस्त थे तो फिर उन्हें जेल में क्यों डाल दिया, तो वो इशू मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ही वॉज डिसमिस्ड एंड जेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1953 टू 1964 एंड अगेन फ्रॉम 1965 टू 1968, इस समय तक फिर वो जेल में रहे, ठीक है। क्यों रहे भी आगे समझाऊंगा मैं। बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट आफ्टर द अग्रीमेंट विद इंदिरा गांधी 1974 के बाद फिर पावर में आते हैं और चीफ मिनिस्टर बनते हैं। इस टाइम पे चीफ मिनिस्टर कैसे बन गए, तो सारी चीजें आपको आगे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। तो ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बारे में कुछ डिटेल्स दिए, इन्हें ध्यान रखना, क्लियर हुआ। अब आगे क्या देखो, कश्मीर का मुद्दा, ठीक है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जब जेल में थे तो तब ये खुद बोलते कि कश्मीर का मुद्दा सिर्फ ऐसा नहीं है कि कश्मीरी पॉपुलेशन क्या चाह रही है और गवर्नमेंट कैसे चल रही है, वो कश्मीर का मुद्दा इज समथिंग विच इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच के मुद्दे सुलझ जाएंगे तो कश्मीर के मुद्दे सुलझ जाएंगे, और कश्मीर का इशू ही है जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को एक तरह से ड्राइव कर रहा है, ठीक है। तो आप अगर आप समझेंगे ना, तो कश्मीर का जो पूरा इशू है, द पॉलिटिक्स ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर remained controversial and conflict ridden, ठीक है, on external part also and internal part also. External part मतलब क्या है कि कश्मीर सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का भी एक dispute है, where Pakistan is claiming Kashmir, ठीक है, independence of Kashmir, and India is saying that Kashmir is an integral part of India and that is, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या है, इंटरनल disputes की अगर बात करोगे तो इंटरनल dispute ये है कि कश्मीर के अंदर भी जैसे कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया था, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है, पॉपुलेशन में अलग अलग क्या थे, डिस्प्यूट्स थे कि जो इनसाइडर्स थे कश्मीरी पॉपुलेशन जो थी वो आर्टिकल 370 को स्पेशल स्टेटस को अलग तरीके से देखती है, जो कश्मीर के बाहर के लोग हैं वो आर्टिकल 370 को अलग तरीके से देखते हैं, और अल्टीमेटली आपको क्या देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट इन 2014 रिवोक द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यही चीजें समझते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटरनल डिस्प्यूट की बात करें, तो अगर पहले एक्सटर्नल डिस्प्यूट की बात करें तो पाकिस्तान हैज ऑलवेज क्लेम दैट कश्मीर वैली शुड बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। एक्सटर्नल डिस्प्यूट यही है कि आधी रोटी में दाल लेने आ गए वो। इंडिया का कहना है कि जब इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन इंडिया के साथ साइन हो गया तो पाकिस्तान तो भूल जाएगी कश्मीर उसका कभी हिस्सा था। वो नहीं देखा तुमने एक मूवी थी माँ तुझे सलाम, उसमें बोलता है कश्मीर दूध मांगो के खीर देंगे टाइप से, ठीक है। तो उस सेंस में क्या है कि पाकिस्तान का जो क्लेम है ये बिल्कुल इनवैलिड है, लेकिन डिस्प्यूट ये है कि पाकिस्तान कंटिन्यूसली प्रोवोक द पीपल ऑफ कश्मीर एंड ट्राइज टू हैम्पर कह सकते हैं द पीस एंड स्टेबिलिटी इन कश्मीर बाय हाईलाइटिंग दिस इशू कि कश्मीर तो पाकिस्तान का पार्ट बनेगा, ठीक है। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड द ट्राइबल इन्वेजन ऑफ पाकिस्तान से जो ट्राइबल इन्वेजन हुआ था, ध्यान रखना। तो यहां तक आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये
फोर्सेस जो थी ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स की वो घुस चुकी थी, तो वन पार्ट ऑफ कश्मीर केम अंडर दी पाकिस्तानी कंट्रोल, तो कश्मीर का एक पार्ट जो पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे इलीगल ऑक्यूपेशन कहते हैं, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया जो है वो पीओके हम जिसे नाम देते हैं वो पाकिस्तान के अंडर में आ गया, वो पाकिस्तान उसे क्या बोलता है उस पार्ट को, पाकिस्तान बोलता है आजाद कश्मीर है, ठीक है, मतलब वो ये चाह रहे हैं कि पूरे कश्मीर को आजाद कराएंगे। तो वो इस तरह से जितने पार्ट पे आज जो एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल बनी हुई है ना, यूनाइटेड नेशंस में इशू चले गया, यूनाइटेड नेशंस में जब इशू गया तो स्टेटस को आ गया, तो जो जहां था वो वहीं रह गया, तो एक लाइन ऑफ कंट्रोल ड्रॉ हो गई है जिसके इधर इंडिया के कंट्रोल में, जिसके उधर पाकिस्तान के कंट्रोल में है कश्मीर, ठीक है, ये स्थिति हो गई है। अब उसके बाद में जैसे अगर आप देखोगे तो ever since 1947 Kashmir has remained a major issue of conflict between India and Pakistan, aur usi karan se tabhi se India aur Pakistan ke beech mein ye ek bone of contention hai, ye external dispute ka part hai Kashmir mein, ye to external dispute ho gaya, internal dispute ki agar baat kare na to internal dispute kya dekho to there is about the status, there is a dispute about the status of Kashmir within Indian Union, Indian Union ke andar hi, matlab population ya fir keh sakte reaction of people outside the Jammu Kashmir jo hai वो आर्टिकल 370 को लेके अलग तरह से सोचते थे, ठीक है, जो पीपल इनसाइड जम्मू एंड कश्मीर थे वो आर्टिकल 370 को अलग तरह से सोचते थे, कहानी समझो, ठीक है। दिस स्पेशल स्टेटस हैज प्रोवोक्ड टू अपोजिट रिएक्शंस, जो लोग कश्मीर के अंदर रहते हैं उन्हें ऐसा लगता था क्योंकि कश्मीर वॉज इंटीग्रेटेड विद इंडिया इन अ वेरी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशन, थिंग्स वर नॉट सो गुड, तो उसके चलते कश्मीर के लोग जो ऑटोनॉमी ज्यादा चाह रहे थे तो स्पेशल स्टेटस होना चाहिए। This is the point of view, this is the perspective of the people belonging in the people in the Kashmir, ठीक है, जो कश्मीर के लोग हैं उनकी ये सोच है। और कश्मीर के बाहर के जो लोग हैं, rest of the Indian Union के part के जो लोग हैं, तो बोलते हैं कि कश्मीर को special status क्यों, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि internal dispute भी है over Kashmir, internal dispute क्या है कि status जो है कश्मीर का Indian Union के अंदर article 370 के चलते जो था, ठीक है, तो वो क्या है स्पेशल स्टेटस जो है, तो उसके ऊपर आपको दो अलग अलग तरह के ओपिनियंस देखने को मिलते हैं, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ पीपल इनसाइड जम्मू एंड कश्मीर एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ पीपल आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर, बोथ द थिंग्स वर टोटली डिफरेंट, दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में चीजें बहुत अलग थी, ठीक है। तो पीपल आउटसाइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अगर लोग जो जम्मू एंड कश्मीर के बाहर है, ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका पर्सपेक्टिव क्या देखो, तो दे बिलीव दैट स्पेशल स्टेटस ऑफ स्टेट कंफर्ड बाय आर्टिकल 370 did not allow full integration of state with India, ठीक है। देखो अब ये तो केस ही खत्म हो गया कि आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस क्यों देके रखा है, लेकिन क्या सोच थी लोगों की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मैं आपको एक हिस्टोरिकल नैरेटिव बता रहा हूं कि पीपल, मतलब इंटरनल डिस्प्यूट ये था कि पीपल आउटसाइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिलीव दैट स्पेशल स्टेटस ऑफ द स्टेट कन्फर्ड बाय आर्टिकल 370 डिड नॉट अलाउ फुल इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट विद इंडिया, ठीक है, फुल इंटीग्रेशन होने नहीं दे रहा है, आर्टिकल 370 हटा दो और जैसे दूसरे स्टेट है वैसे ही इंडिया में कश्मीर को भी कंसीडर किया जाए तो चीजें सही रहेगी, ठीक है। और वहीं पे आप देखोगे तो दिस सेक्शन फेल्ट, ये जो पीपल आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर रेस्ट ऑफ द कंट्री के अगर लोग हैं उनका अगर माना जाए पर्सपेक्टिव, तो दिस सेक्शन फेल्ट दैट आर्टिकल 370 बी रिवोक्ड एंड जम्मू एंड कश्मीर बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। वहीं पे जो लोग जम्मू एंड कश्मीर में रहते थे उनका क्या मानना था, मोस्टली कश्मीरीज बिलीव दैट ऑटोनॉमी कंफर्ड बाय आर्टिकल 370 इज नॉट इनफ, उनका यह मानना था कि 370 का जो ऑटोनॉमी है वो अपने आप में काफी नहीं, और ऑटोनॉमी देना चाहिए कश्मीर को, ठीक है। अ सेक्शन ऑफ कश्मीर हैव एक्सप्रेस्ड एटलीस्ट थ्री मेजर ग्रीवेंसेस, ठीक है, अ सेक्शन ऑफ कश्मीर हैव, मतलब आप जैसे देखेंगे कश्मीरी पॉपुलेशन जो कुछ कश्मीरी पॉपुलेशन जो है, तो उन्होंने उल्टा तीन इश्यूज हाईलाइट करें, बोला कि ऑटोनॉमी जो है वो पूरी तरह से मिली नहीं है। क्या तीन इश्यूज हाईलाइट करें, देखो पहली चीज ध्यान रखना, तो क्वेश्चन किसी भी कंटेक्स्ट में आ जाए कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ पीपल इनसाइड द जम्मू एंड कश्मीर रिगार्डिंग आर्टिकल 370 और रिगार्डिंग द ऑटोनॉमी, तो वो जो है उनका डिसएग्रीमेंट है, डिस्कंटेंट है। क्या डिस्कंटेंट है, तीन पॉइंट्स पे, कि पहला तो ये कहते हैं कि जो एक्सेशन के बाद में प्रॉमिस किया गया था, क्या कि एक बार जब ट्राइबल इन्वेजन को खत्म कर लिया जाएगा, नॉर्मलाइज कर लिया जाएगा चीजें, तो प्लेबिसाइट कंडक्ट करवाया जाएगा, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट का यह कहना है कि वो इन्फिल्ट्रेशन खत्म ही नहीं हुई है, इन्फिल्ट्रेशन तो आज भी चल रही है, चीजें नॉर्मलाइज हुई नहीं है, तो आज की कंटेक्स्ट में अगर प्लेबिसाइट करवाएंगे तो, क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान से आए हुए वहां पे सेटअप हो गए, तो वो पाकिस्तान के फेवर में वोट कर सकते, इस कारण से प्लेबिसाइट हुआ नहीं है, मतलब तुमने कभी आवाज नहीं दी हमें और हमने कभी मुड़ के पीछे देखा नहीं, उस तरह से दोनों केस में क्या हो रहा है, डेडलॉक सा फंस गया। तो ये एक पहला डिसएग्रीमेंट है, पीपल इनसाइड दी जम्मू एंड कश्मीर जो है, तो उन लोगों को क्या मानना है कि जो प्रॉमिस किया गया था एक्सेशन के टाइम पीरियड में कि प्लेबिसाइट करवाया जाएगा, वो अभी तक नहीं हुआ।
इंडियन गवर्नमेंट अपना आर्ग्यूमेंट देती है, क्या आर्ग्यूमेंट देती है कि सिचुएशन नॉर्मल हुई नहीं। दूसरा कंप्लेंट क्या है ऑफ द पीपल इनसाइड जम्मू एंड कश्मीर, देयर वाज अ फीलिंग दैट स्पेशल फेडरल स्टेटस ग्रांटेड बाय आर्टिकल 370 हैड बीन इरोडेड इन प्रैक्टिस। ठीक है, जो स्पेशल स्टेटस दिया गया आर्टिकल 370 के चलते, तो वो हाथी के दांत खाने के कुछ दिखाने के कुछ इस तरह का था। मतलब मेनी ऑफ द पीपल अ सेक्शन, यहां पे जो लिखा है ना सेक्शन ऑफ कश्मीरी पॉपुलेशन हैव एक्सप्रेस दिस थिंग कि आर्टिकल 370 जो दिया है तो आर्टिकल 370 सिर्फ नाम मात्र का है। ठीक है, इन प्रैक्टिस उसके जो प्रोविजन से उन्हें इरोड कर दिया गया। दिस लेड टू द डिमांड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ऑटोनॉमी और ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी। और इसी के चलते क्या है, एक सेक्शन जो है क्या डिमांड करता है कि ग्रेटर ऑटोनॉमी होना चाहिए। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात करने लगे। थर्ड अगर आर्ग्यूमेंट देखा जाए तो इट वॉज फेल्ट दैट डेमोक्रेसी विच इज प्रैक्टिस्ड इन रेस्ट ऑफ द इंडिया हैज नॉट बीन सिमिलरली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तीसरा आर्ग्यूमेंट ये है, ठीक है, क्या कि जैसा रेस्ट ऑफ द इंडिया में चीजें हैं वैसी स्थिति, वैसी चीजें कश्मीर वाले पार्ट में नहीं है। और वो एक हद तक जैसे इंटरनेट की प्रॉब्लम देख लो, बेसिक फैसिलिटीज की बात करो, जो डेमोक्रेसी, जो पीस एंड स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर जो रेस्ट ऑफ द इंडिया में, वो कश्मीर में नहीं है। तो इसके चलते वो जिम्मेदार किसको मानते हैं, इसके चलते जो पीपल इनसाइड जम्मू एंड कश्मीर है वो ये मानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैड नॉट डन सफिशिएंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड दिस डिसकंटेंट ग्रू एंड विच लेड टू द रीजनल एस्पिरेशंस इन जम्मू एंड कश्मीर। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो वो ये डिस्कंटेंट बढ़ता चले गया ना। देखो, जम्मू एंड कश्मीर में अगर इंडिविजुअली मुझसे पूछे हैशटैग ओपिनियन, यू मे डिसएग्री ओवर दिस, कि लॉ एंड ऑर्डर, इंसर्जेंसी, इन सारी चीजों के अलावा एक जो बड़ी प्रॉब्लम रही है वो ये रही है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस विच शुड बी देयर म्यूचुअली, ठीक है, ताकि चीजों को सुलझाया जा सके, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है। ठीक है, मतलब वही वाली बात है कि इनने कभी मुड़ के पीछे देखा नहीं और इनने कभी आवाज लगाई नहीं रोकने की, तो वो वैसी सी स्थिति है ज्यादा। ठीक है, तो जो पीपल इनसाइड जम्मू एंड कश्मीर है दे हैव देयर ओन रिजर्वेशंस, डिसकंटेंट। ठीक, तो इसके चलते आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो इंटरनल डिस्प्यूट है, तो इंटरनल डिस्प्यूट का क्या कोर है कि किन कारणों से इंटरनल डिस्प्यूट आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इंटरनल डिस्प्यूट जो है तो स्पेशल स्टेटस के ऊपर है। द रिएक्शन ऑफ पीपल इनसाइड जम्मू एंड कश्मीर इज डिफरेंट एंड द रिएक्शन ऑफ पीपल आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर इज डिफरेंट। क्लियर हुआ? अब अगर हम बात करें तो मैंने आपको पूरा कंटेक्स्ट बता दिया, रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, वो प्रॉब्लम क्या रही है, इंटरनल एक्सटर्नल डिस्प्यूट क्या है, वो सारा सब कुछ। अब देखा जाए तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारे जो घाव थे, ये सारे मतलब ये सारे जो कह सकते हैं चिंगारियां जो थी, ये चिंगारियां आग कैसे बन गई, तो आप 1948 के बाद से पॉलिटिक्स देखो। 1948 में जैसे अगर आप देखोगे तो शेख अब्दुल्ला जो है, तो शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट बन गई थी, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में ही इनिशिएटेड मेजर लैंड रिफॉर्म्स एंड अदर पॉलिसीज विच बेनिफिटेड ऑर्डिनरी पीपल। तो उन्होंने फिर वही, अब क्योंकि एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन थी, डेमोक्रेसी में विश्वास रखते थे, तो पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज भी अडॉप्ट करी किसने, शेख अब्दुल्ला ने। लेकिन फिर होता क्या है, बट देयर वाज अ ग्रोइंग डिफरेंस बिटवीन हिम एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बट अबाउट हिज पोजीशन ऑन कश्मीर स्टेटस। चलो मैं आपको यहाँ एक बहुत अच्छा कंटेक्स समझाता हूँ, जिसमें बताया ना कि 1953 में शेख अब्दुल्ला को उठा के कहां डाल दिया था, जेल में डाल दिया था, और किसने, जवाहरलाल नेहरू ने डाल दिया था। ठीक है, जो कि दोस्त थे। तो अब यहाँ पे पॉइंट समझना, कश्मीर की पॉपुलेशन ने इस पूरे इवेंट को कैसे देखा, पहले जेल में क्यों डाल दिया ये समझाता हूं मैं आपको। तो शेख अब्दुल्ला ये चाहते थे कि कश्मीर को ऑटोनॉमी मिले, रीजनल ऑटोनॉमी की बात करते थे वो। ठीक है, ये नहीं चाह रहे थे कि देश से अलग हो, लेकिन ऑटोनॉमी मिले। और जब प्लेबिसाइट वगैरह हुआ नहीं, 2-4-5 साल हो गए, इंडिया का स्टैंड यही था कि जब इन्फिल्ट्रेटर्स वापस जाएंगे तब प्लेबिसाइट करवाएंगे। तो जब प्लेबिसाइट नहीं हुआ, तो एक बड़ा वैसा सा डिस्प्यूट रहा, कैसा कि शेख अब्दुल्ला को लगा कि यार ये इंडियन गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रही। तो शेख अब्दुल्ला ने जैसे कुछ चाइनीज लीडर्स से बात करी, इंटरनेशनल हेल्प मांगने की कोशिश करी, तो इंडियन गवर्नमेंट को ये बुरा लग गया, तो इंडियन गवर्नमेंट ने शेख अब्दुल्ला को उठा के जेल में डाल दिया था। ठीक है, तो शेख अब्दुल्ला बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, ही इनिशिएटेड मेजर लैंड रिफॉर्म्स, पॉलिसीज वगैरह सारी चीजें, लेकिन एज सच कोई मेजर अचीवमेंट हाथ लगा नहीं। ग्रोइंग डिफरेंस मतलब डिफरेंसेस जो है, ठीक है, बढ़ते चले गए किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और शेख अब्दुल्ला के बीच में ओवर द स्टेटस ऑफ कश्मीर। तो इसी के चलते क्या होता है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी, और जो सरकार बनी थी तो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट और नेशनल कांग्रेस के साथ में मिलने से बनी थी। तो उन्होंने क्या किया, ही वॉज डिसमिस्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने शेख अब्दुल्ला को डिसमिस कर दिया 1953 में, एंड केप्ट इन डिटेंशन फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। तो एक लंबे समय तक,
ठीक है, लंबे समय तक क्या किया गया, 10-12 सालों के लिए शेख अब्दुल्ला को जेल में रख लिया। ठीक है, द लीडरशिप दैट सक्सीडेड हिम डिड नॉट एंजॉय एज मच पॉपुलर सपोर्ट एंड वॉज एबल टू रूल द स्टेट मेनली ड्यू टू द सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर। अब शेख अब्दुल्ला के बाद में जो लीडरशिप आई तो वो लीडरशिप एक तरह की क्या थी, एक तरह की पपेट गवर्नमेंट थी जिसकी पॉपुलरिटी उतनी नहीं थी। नो डाउट, नो मैटर, शेख अब्दुल्ला वॉज द पॉपुलर लीडर। कश्मीर में इंडिपेंडेंस के बाद में शेख अब्दुल्ला एक बहुत पॉपुलर लीडर थे, और इनके बाद में जैसे अगर आप देखोगे तो जब इन्हें 1953 में जेल में डाल दिया, इनके बाद में जो सब्सिक्वेंटली लीडर्स आए जो जिन्होंने सरकार संभाली, कमान संभाली कश्मीर की, तो वो उतने पॉपुलर लीडर नहीं थे, वो उतने पॉपुलर लीडर्स नहीं थे, और वो इसी कारण रूल कर पा रहे थे क्योंकि सेंट्रल जो है तो बाय हुक और क्रूक वहां पे अपने पपेट रूलर्स को बिठा के रखना चाह रही थी। देयर वर सीरियस एलिगेशंस ऑफ माइल प्रैक्टिसेस एंड रिगिंग इन वेरियस इलेक्शंस। इलेक्शंस होते थे लेकिन आम जनता इस तरह से देखने लगी थी कि माइल प्रैक्टिसेस हो रही है, रिगिंग हो रही है, इलेक्शन सब झूठे हैं। अब यहां पे पॉइंट समझना इस पूरे इवेंट को जो मैं आपको बता रहा हूं कि गवर्नमेंट बनी शेख अब्दुल्ला की, गवर्नमेंट को डिसमिस करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही थी, इलेक्शंस के जेन्युइनिटी पे क्वेश्चन मार्क आ रहा था, इस पूरे इवेंट को कश्मीर की जनता ने कैसे देखा, व्हाई दी सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स लेड टू दी राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशन इन कश्मीर। कश्मीर की जनता ने ऐसे देखा कि जब मतलब उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट नहीं देखी, बड़ी इमोशनल तरीके से सोचा कि जवाहरलाल नेहरू दोस्त थे शेख अब्दुल्ला के, जब वो दोस्त के नहीं हुए तो कश्मीर के क्या होंगे उस टाइप से। ठीक है, तो उन्होंने अपने दोस्त को जेल में डाल दिया, ठीक है, सारी पॉलिटिक्स वगैरह के चक्कर में। तो वहां के लोग जो है तो उन्होंने रीजनल एस्पिरेशंस, रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड को और तेजी से फिर पुश करना स्टार्ट कर दिया कि वी वॉन्ट ऑटोनॉमी उस टाइप से। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या है वो जो सारनेस थी ना रिलेशन में वो ऐसे डेवलप होने लगी। ठीक है, इसका इंपैक्ट यही हुआ क्या कि बिटवीन 1953 टू 74, देखो अब शेख अब्दुल्ला वापस पावर में आएंगे 1974 में। ठीक है, तो 1953 से 74 तक जो कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी ने स्टेट की पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी। कैसे, तो वही मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, अ ट्रंकेटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस, ट्रंकेटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस, देखो पार्टी वही रही है बस शेख अब्दुल्ला को निकाल दिया, तो ट्रंकेटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस माइनस शेख अब्दुल्ला क्योंकि जेल में थे। ठीक है, रिमेन्ड इन पावर विद एक्टिव सपोर्ट ऑफ कांग्रेस फॉर सम टाइम बट लेटर इट मर्ज विद द कांग्रेस। बाद में नेशनल कांग्रेस कांग्रेस के साथ ही मिल गई, नेशनल कांग्रेस कांग्रेस के साथ ही मिल गई, और एक तरह से क्या हो रहा है, चेंज इन द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1965 में आप जैसे देखो तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में बदलाव करके जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन होती थी ना कि हेड ऑफ द स्टेट जो रहेगा वहां का वो प्राइम मिनिस्टर कहलाएगा, तो उसको बदल के उन्होंने क्या कर दिया, चीफ मिनिस्टर कर दिया कि स्टेट की तरह चीफ मिनिस्टर ही कहलाएगा यहाँ का स्टेट। अकॉर्डिंगली गुलाम मोहम्मद सादिक, जो गुलाम मोहम्मद सादिक थे वो क्या होते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। ठीक, क्योंकि अब वो प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर वाला प्रोविजन आ गया। तो 65 के बाद में जैसे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि गुलाम मोहम्मद सादिक जो है तो वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं वहां के। पैरेलल टू दिस, इसके ही पैरेलल में गवर्नमेंट को एक चीज भी समझ में आ रही है कि जनता अपने प्रिय राजा को देखना चाहती है। ठीक है, प्रिय राजा इन द सेंस कि क्या है कि जनता क्या चाहती है कि जो उनका पॉपुलर लीडर हो वो उनका फेस बने। ठीक है, तो वही चीज यहां पे होती है कि देयर वाज सेवरल अटेम्प्ट्स टू रीच एन एग्रीमेंट बिटवीन शेख अब्दुल्ला एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो सेवरल अटेम्प्ट्स मारे जा रहे थे, प्रयास किया जा रहा था इन सेवरल अटेम्प्ट्स में कि शेख अब्दुल्ला जो है, ठीक है, शेख अब्दुल्ला जो है उन्हें वापस क्या है पावर में लाया जाए। ठीक है, क्योंकि 1953 से 74 तक कांग्रेस ने समहाउ विद डिफरेंट रूलर्स, ठीक है, कांग्रेस मैनेज टू हैव कंट्रोल ओवर जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन वो पॉपुलर सपोर्ट नहीं दिख रहा था। तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है 74 में, क्या होता है 1974 में, जैसे इंदिरा गांधी जब पावर में रहती है 1974 में, तो शेख अब्दुल्ला के साथ में क्या करती है, एक एग्रीमेंट करती है एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, तो शेख अब्दुल्ला जो है तो जेल में से रिहा हो जाते हैं, उसके बाद में एग्रीमेंट, मतलब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इंदिरा गांधी शेख अब्दुल्ला अकॉर्ड एक साइन होता है जिसके चलते शेख अब्दुल्ला फिर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं 74 में। कहानी कनेक्ट करेंगे, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। क्या हो रहा है, आपको पूरी रूट कॉज तो समझ में आ गई कि क्या स्थिति थी जब इंडिपेंडेंस के बाद में पावर पॉलिटिक्स कैसे स्टार्ट हुई है 1948 के बाद से, कि शेख अब्दुल्ला बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, सरकार के साथ में ओपिनियंस मैच नहीं होते, 53 में उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, 53 से 74 तक कश्मकश चलती रहती है, लेकिन ऑल दिस टाइम पीरियड क्रिएटेड द रिजेंटमेंट अमंग द कश्मीरी पॉपुलेशन कि यार ये सेंट्रल गवर्नमेंट तो कुछ भी कर रही है 74 में। लेकिन अल्टीमेटली इंदिरा गांधी ने उस चीज को भापा और पॉपुलर लीडर को वापस पावर में लाने के लिए इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच में अकॉर्ड साइन होता है, शेख अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनते हैं 74 में। ठीक है, ही रिवाइव्ड द नेशनल कांग्रेस विच वॉज इलेक्टेड विथ मेजोरिटी इन द असेंबली इलेक्शन इन 1977 में मेजोरिटी के साथ इलेक्ट होती है
कौन, नेशनल कांग्रेस, शेख अब्दुल्ला फिर पावर में आते हैं, लेकिन ठीक है दिस स्टेबिलिटी वॉज बिल्ट ऑन सैंड, कुछ ही समय के लिए ये स्टेबिलिटी रह पाती, क्यों, क्योंकि शेख अब्दुल्ला की डेथ हो जाती है 1982 में। अब उनकी डेथ के बाद में ठीक है लीडरशिप जो थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो फारूक अब्दुल्ला के पास जाती हूँ, बिकेम दी चीफ मिनिस्टर। तो फारूक अब्दुल्ला जो है, फारूक अब्दुल्ला फिर क्या करते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, किसके, फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनते हैं स्टेट के। फारूक अब्दुल्ला वॉज दी सन ऑफ शेख अब्दुल्ला, ठीक है, शेख अब्दुल्ला से फारूक अब्दुल्ला के पास में जाती पावर, बट ही वॉज सून डिसमिस्ड बाय द गवर्नमेंट। अब क्या हो रहा है कि जो इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था उस हिसाब से शेख अब्दुल्ला को क्या बना दिया, चीफ मिनिस्टर बना दिया, और कहानी चल रही थी। लेकिन अब उनकी डेथ के बाद में उनका लड़का पावर में आया, तो जरूरी थोड़ी ना कि जैसा पिताजी और इंदिरा गांधी के बीच में एग्रीमेंट हुआ था वैसे ही फारूक अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट चलेगी, ठीक है। तो वहां नोकझोंक होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर क्या करती है, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आपको क्या देखने को मिलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पे गवर्नर काम करते हैं, ठीक है, तो गवर्नर सून डिसमिस दी कह सकते हैं द गवर्नमेंट ऑफ फारूक अब्दुल्ला। तो एक ब्रेकअवे फ्रैक्शन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो पावर में आता फॉर अ ब्रीफ पीरियड। तो मतलब ऐसे ही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में से भी फिर फारूक अब्दुल्ला का निकाल दिया, फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया, तो एक छोटा पार्ट जो था नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो पावर में आता है। अब फिर ये पूरा जो इवेंट हो रहा है वही वाला इवेंट जो 1953 में जिस तरह से लोगों को ऐसा लगा था ना कि वी आर बीइंग चीटेड यार, ठीक है, वही यहां पे भी लग रहा है कि इंदिरा गांधी का एग्रीमेंट था जब 1974 का, उसके बाद में 82 में इनकी डेथ हो जाती शेख अब्दुल्ला की, फारूक अब्दुल्ला पावर में आते हैं, उसके बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, फिर वही एक तरह से इनस्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखी हुई, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को। तो द डिसमिसल ऑफ फारूक अब्दुल्लास गवर्नमेंट ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जनरेटेड अ फीलिंग ऑफ रेजेंटमेंट इन द कश्मीर। तो कश्मीरी पॉपुलेशन वॉज लाइक दिस, क्या चल रहा है ये, मतलब एक तरह से, ठीक है, क्या कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही देश में, और जब वहां की पॉपुलेशन कंटिन्यूसली ये देख रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार इंटरवीन कर रही है इन द मैटर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड इन दैट स्टेट जहां पे रीजनल ऑटोनॉमी देना चाहिए, ठीक है, तो वहां की जनता जनार्दन जो है, तो द कॉन्फिडेंस दैट कश्मीरीज हैड डेवलप्ड इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस आफ्टर द अकॉर्ड बिटवीन इंदिरा गांधी एंड शेख अब्दुल्ला रिसीव्ड अ सेटबैक। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मेरा तो भरोसा ही उड़ गया इस दुनिया से, इस टाइप से क्या होने लगा, इस टाइप से पॉपुलेशन जो थी कश्मीर की वो इसी बात करने लगी कि अकॉर्ड साइन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ एज सच कंक्रीट अचीव नहीं कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट एज सच कोई कंक्रीट डेवलपमेंट नहीं कर रही है। इनफैक्ट लोगों को लगा क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ इसको एक पॉलिटिकल कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रही है कश्मीर को, ठीक है, कश्मीर पर ध्यान नहीं दिया जाने लगा है। और अब क्या हो रहा, देखो जब आदमी शक में रहता है, जब आदमी डाउट में रहता है, जब आदमी आपसे नाराज रहता है, तब उसे बहकाना बहलाना फुसलाना बहुत आसान रहता है। तो कश्मीरी पॉपुलेशन वॉज फुल ऑफ रेजेंटमेंट, और वहीं पे पीछे से आग में हवा कौन दे रहा था, पीछे से आग में हवा देने का काम कर रहा था पाकिस्तान। वहां के यूथ को उसने मिसलीड किया, वहां पे यूथ जो उसको मिसलीड किया रीजनल ऑटोनॉमी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, मर्जर विद पाकिस्तान के लिए क्या करने लगे, पुश करने लगे। कौन पुश करने लगे, तो ये पूरी की पूरी पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स वगैरह थे वो सारी चीज, ठीक है। तो द फीलिंग दैट द सेंटर वाज इंटरवीनिंग इन पॉलिटिक्स ऑफ स्टेट वाज फर्दर स्ट्रेंथन्ड व्हेन द नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1986 एग्रीड टू हैव एन इलेक्टोरल अलायंस विद द कांग्रेस द रूलिंग पार्टी इन द सेंटर। इतनी उठापटक हो गई शेख अब्दुल्ला की डेथ के बाद में, फारूक अब्दुल्ला पावर में आ गए, फारूक अब्दुल्ला को डिसमिस कर दिया, उसके बावजूद भी क्या है, उसके बावजूद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या हो रही है 1986 में एग्री कर रही की कांग्रेस के साथ में हम गवर्नमेंट बना लेंगे। तब वहां की जनता जनार्दन को ऐसा लगा कि क्या चल रहा है ये, मतलब सबको, सब पावर हंग्री है, सब पोजीशन के लिए मरे जा रहे हैं, कोई कश्मीर के बारे में नहीं सोच रहा है। तो उसके चलते जो जनता जनार्दन थी, ठीक है, तो दे फेल्ट वेरी एलिनिएटेड, ठीक है, और उसका कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं उसके चलते क्या है, उसके चलते मिसलीड करना बहुत आसान हो गया पाकिस्तान को। एंड दी डिमांड फॉर रीजनल एस्पिरेशन, the demand for independence, demand for separatism, integration with Pakistan was ignited among a few sections. ठीक है, कुछ sections में ये demand जब ignite कर दी गई तो उससे पूरा कश्मीर जल उठा। और समय आ रहा है, देखो 1986 हो गया, इसके बाद में 1989 आते आते आपको क्या देखने को मिलेगा कि insurgency बढ़ जाएगी, ठीक है, insurgency बढ़ जाएगी। तो 1987 के election में जो official results थे, तो official results में क्या होता है, 1987 के official result में मैसिव विक्ट्री हासिल करता है कौन, नेशनल कांग्रेस प्लस कांग्रेस अलायंस, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कंट्री में रूल कर रही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस
नेशनल कांग्रेस ऑफ कश्मीर, इन दोनों का अलायंस, प्री पोल अलायंस बना लेते हैं लोग। अब मतलब वो ये जनता ये देख के कंफ्यूज हो रही कि कभी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस के लीडर्स को जैसे फारूक अब्दुल्ला को हटा दिया, ठीक है, और कभी आपको क्या देखने को मिलता, कभी साथ में आ जा रहे हैं, तो करना क्या चाह रहे हैं उस तरह से, ठीक है। और अल्टीमेटली जब 1987 के इलेक्शन होते हैं, तो 1987 के इलेक्शन में क्या होता है कि कांग्रेस अलायंस और फारूक अब्दुल्ला जो है, ठीक है, तो वो प्रीपोल अलायंस बनाते हैं और फारूक अब्दुल्ला फिर से चीफ मिनिस्टर की तरह पावर में आ जाते हैं। तो यू पीपल माइट थिंक कि बढ़िया मजा आया, सेलिब्रेशन हो रहे होंगे कि फारूक अब्दुल्ला आ गए, लेकिन नहीं, अब जनता को ऐसा लगा कि अब कुछ तो दाल में काला है, या फिर मतलब कह सकते हैं कि सब पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं आपस में क्या कर रहे हैं, अपने गुट बना के चल रहे हैं, अपनी पावर, अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर रहे हैं, कश्मीर के बारे में नहीं सोच रहे। एंड दिस बिकेम द मेजर कॉज जिसके चलते मिसलीड करना आसान हो गया पाकिस्तान को, कश्मीरी पॉपुलेशन को, स्पेशली यूथ को, ठीक है। तो बट इट वॉज वाइडली बिलीव दैट द रिजल्ट्स डिड नॉट रिफ्लेक्ट पॉपुलर चॉइस एंड दैट द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस वॉज रिग्ड। तो लोगों को ये लगने लगा कि हमने वोट नहीं दिया नेशनल कांग्रेस को, कांग्रेस अलायंस को, तो कांग्रेस अलायंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये पावर में कैसे आ गई है, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो पावर में कैसे आ गई है, आई गेस मैं जगह जगह नेशनल कांग्रेस कह दे रहा हूँ, फ्लो फ्लो में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, तो वो पावर में कैसे आ गई। अ पॉपुलर रेजेंटमेंट हैड ऑलरेडी बीन ब्रिविंग इन द स्टेट अगेंस्ट द इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिंस अर्ली 1980s के टाइम पीरियड से ही इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के चलते क्या क्या देखने को मिल रहा है, इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के चलते लोग बहुत ज्यादा डिसकंटेंटेड फील कर रहे थे कि कुछ हो ही नहीं रहा है। कॉमनली प्रिवेलिंग फीलिंग दैट डेमोक्रेटिक प्रोसेस वर बीइंग अंडरमाइंड एट द बिहेस्ट ऑफ द सेंटर, ठीक है, एक आपको क्या देखने मिल रहा है कि कॉमनली प्रिवेलिंग फीलिंग ऐसी कैसी वाली फीलिंग कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इसको बहुत ज्यादा अंडरमाइंड किया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रही है। इसके चलते क्या होता है, इसके चलते जो पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस डेवलप हुए ना सिंस 1948 जो भी ये पॉलिटिकल क्राइसिस डेवलप हो रहे थे, उन पॉलिटिकल क्राइसिस का इंपैक्ट क्या हुआ कि आपको कश्मीर में इंसर्जेंसी बढ़ते देखने को मिलती है। व्हाट डू यू मीन इंसर्जेंसी, मतलब कश्मीर के अंदर लोग जो थे, जो नाखुश थे, उन लोगों ने हथियार उठाना शुरू कर दिए, जो नाखुश थे उन लोगों ने डेमोक्रेटिक सेटअप के अगेंस्ट में, सिस्टम के अगेंस्ट में आवाज उठाना चालू कर दिए, एंड दिस लेड टू द प्रॉब्लम ऑफ इंसर्जेंसी, काउंटर मतलब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और ये सारी प्रॉब्लम्स जो है। अब दिखती बात है कि उधर वायलेंस था तो फिर गवर्नमेंट ने भी आयरन हैंड इस्तेमाल किया, सरकार भी स्ट्रिक्ट हुई, जनता जनार्दन भी स्ट्रिक्ट हो गई, कैसे कि बहुत सारे लोग जो मिसलीड हो गए उन्होंने हथियार उठा लिए, टेररिज्म को अडॉप्ट कर लिया, इंसर्जेंसी को अडॉप्ट कर लिया, तो दी प्रॉब्लम गेट वर्स्ट, ठीक है, यहां पे प्रॉब्लम और बिगड़ती चली गई। इसी के चलते फिर क्या इसको रिलीजियस कलरिंग दे दी गई, रिलीजियस कलरिंग दे दी गई, जैसे रिलीजियस कलरिंग में क्या है कि जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी, जो जहां जहां माइनॉरिटी में थी वहां उन्हें सफर करना पड़ा, और यही कश्मीरी पंडित जो था, तो मतलब वो पूरा एपिसोड पूरा इस तरह से, फिर कश्मीर जो है तो वो कश्मीर वैली जो जन्नत कही जाती थी वो झुलस रही थी, ठीक है, जो कश्मीरी वैली जन्नत कही जाती थी वो झुलस रही थी। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट बना इंसर्जेंसी कैसे डेवलप हुई, समझ में आया। उसके बाद में क्या हुआ, तो बाय 1989 जैसे अगर आप देखोगे, स्टेट हैड कम इन द ग्रिप ऑफ मिलिटेंट मूवमेंट मोबिलाइज अराउंड द कॉज ऑफ सेपरेट कश्मीरी नेशन, ठीक है। तो अब क्या है कि अब मैंने बताया ना, जब लोग नाखुश रहते हैं, परेशान रहते हैं किसी चीज से, उन्हें मिसलीड करना उतना ही आसान होता है, और वही यहां किया गया। कैसे मिसलीड किया गया, तो आपको देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है क्या कि स्टेट हेड केम इन द ग्रिप ऑफ मिलिटेंट मूवमेंट मोबिलाइज अराउंड द कॉज ऑफ सेपरेट कश्मीरी नेशन, सेपरेट कश्मीरी नेशन के चलते क्या है, जब ये डिमांड उठाई गई कि नहीं नहीं सेपरेट कश्मीरी नेशन चाहिए, तो पूरा का पूरा स्टेट जो है वो एक मतलब इंस्टेबिलिटी की उसमें आ गया, स्टेज में आ गया, मिलिटेंट मूवमेंट स्टार्ट हो गया, किस चीज के लिए, उन्हें सेपरेट आजाद कश्मीर चाहिए, इस तरह से इंसर्जेंट जो थे। अब दिखती बात है पाकिस्तान को ज्यादा मजा आ रहा था, आप लोग अपने दुख से ज्यादा दूसरों के सुख से परेशान होते हैं, उन्होंने जब देखा इंडिया तो प्रॉस्परस हो रहा है, सब कुछ सही है इंडिया में, तो पाकिस्तान को बहुत बुरा लगता था, तो पाकिस्तान ने यहां क्या करना स्टार्ट कर दिया, जो वो लोग खास करके जिनका जिनकी रोटी रोजी रोटी उस चीज पर चलती, इंडिया पाकिस्तान को लड़ाकर, ठीक है, तो पाकिस्तानी ऐसे पाकिस्तानी लीडर्स ने, पाकिस्तान के जो मिलिटेंट ऑपरेटर्स थे उन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, दे स्टार्टेड गिविंग मॉरल मटेरियल एंड मिलिट्री सपोर्ट टू दी इंसर्जेंट्स, ठीक है, जो मिलिटेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जो गुमराह हुआ जो युवा था कश्मीर का, उसको मॉरल मटेरियल और मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, किसने, पाकिस्तान ने। पाकिस्तान को मजा आ रहे थे कि इंटीग्रेट करवा लेंगे पाकिस्तान के साथ कश्मीर को, कश्मीर को आजाद करवा देंगे। तो फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स द स्टेट वॉज अंडर प्रेसिडेंट रूल, और जब स्थिति इतनी बिगड़ती चलेगी 1989 के बाद में, तो सरकार वरकार तो एक तरफ, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया, ठीक है, और प्रेसिडेंट रूल लगाने के साथ साथ में आर्मी उतार दी। अब देखो यहां पे भी मतलब
इन्होंने एक चाटा मारा, इन्होंने दो चाटे मारे, तो वो दो चाटे इनको और बुरे लग गए, तो उन्होंने फिर और तीसरा चाटा मारा, तो लड़ाई ऐसी तो बढ़ती है। अब क्या हो रहा है कि जब इनस्टेबिलिटी बढ़ी, मिलिटेंट मूवमेंट बढ़े, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए क्या, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट रूल लगा के आर्मी उतार दी, आफ्सपा लग गया। तो आर्मी जब उतार दी गई तो वो लोगों को ऐसा दिखने लगा कि ह्यूमन राइट्स के वायलेशन और सारी चीजें, लेकिन वो समय की क्या थी, नीड ऑफ द आवर था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। तो मतलब एक बड़ा ऐसा सा सिचुएशन आ गया था कि आप जहां पे सही और गलत डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। चाहा हर इंसान ये रहा था शांति हो, स्टेबिलिटी हो, पीस हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, लेकिन वो निकल के नहीं आ पा रहा था बाहर। ठीक है, तो फिर क्या होता है, असेंबली इलेक्शंस इन स्टेट वर हेल्ड ओनली 1996। तो 1989 के बाद से 1996 में इलेक्शन होते हैं जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड बाय फारूक अब्दुल्ला केम टू पावर। ठीक है, नेशनल कांग्रेस लेड बाय फारूक अब्दुल्ला केम टू पावर विद अ डिमांड फॉर रीजनल ऑटोनॉमी फॉर जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो 1996 के जो चुनाव होते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि अब तक, अब क्योंकि शेख अब्दुल्ला और लीडरशिप थोड़ी बदलती चले गई ना, सिचुएशंस बदलती चले गई, तो फारूक अब्दुल्ला ने डिमांड क्या करी कि लीडरशिप में बदलाव आना चाहिए। मतलब लीडरशिप में बदलाव आया और नेशनल कांग्रेस जो है, तो नेशनल कांग्रेस के द्वारा इलेक्शन जीता गया और नेशनल कांग्रेस ने रीजनल ऑटोनॉमी फॉर जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे पे ही चुनाव जीता। ठीक है, जम्मू कश्मीर एक्सपीरियंस अ वेरी फेयर इलेक्शन इन 2002। फिर क्या होता है, लेकिन फिर अब वही है, ऑटोनॉमी ऑफ जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट वगैरह उसको हवा तेज मिलती रही, फारूक अब्दुल्ला के फिर इस सरकार में उतरा लेकिन पॉपुलर सपोर्ट भी नहीं था। तब 2002 आता है, 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की टाइम पीरियड में आपको क्या देखने को मिलता है कि द मोस्ट फेयर इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर टुक प्लेस। इनफैक्ट बहुत अच्छी कंटेक्स्ट में अटल बिहारी वाजपेयी खुद क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत। ठीक है, तो ये चीजें कश्मीर की प्रॉब्लम का सलूशन दे सकती है हमें, मतलब डेमोक्रेसी, ठीक है, और कश्मीर के लोगों की रीजनल ऑटोनॉमी की कंडीशन। देखो, रीजनल एस्पिरेशन के लिए हम आगे चैप्टर में और पढ़ेंगे, लास्ट में, और मैंने आपको पहले भी बताया थोड़ा सा कि रीजनल एस्पिरेशन आर वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो क्या कहते हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो कहते हैं क्या कि कश्मीरियत को कंसिडर किया जाएगा, जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी को कंसिडर किया जाएगा और इंसानियत को देखा जाएगा और फिर उस तरह से समाधान निकाला जाएगा। तो नेशनल कांग्रेस फेल टू विन मेजोरिटी एंड वॉज रिप्लेस्ड बाय पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। तो अब क्या होता है, 2002 में जो बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाते हैं तो उसमें क्या होता है, फारूक अब्दुल्ला वाली जो सरकार थी वो मेजोरिटी गेन नहीं कर पाती है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी जो है, ठीक है, तो पीडीपी मतलब जैसे क्या देखोगे तो पीडीपी अभी आप जानते होंगे क्योंकि आज के कॉन्टेक्स्ट में जैसे न्यूज़पेपर पर पढ़ते हो आप, तो महबूबा मुफ्ती के पिताजी की जो पार्टी थी, ठीक है, वो पीडीपी जो है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, वो पावर में आती है कांग्रेस के साथ। देखो, कांग्रेस इज ऑलवेज देयर इन, मतलब वो सरकार में रहना चाहती बस, तो वो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी सरकार बना रही है, पीडीपी के साथ भी सरकार बना रही है, तो कोलिजन गवर्नमेंट के साथ में क्या होता है, आपको देखने को मिलता है कि पीडीपी पावर में आती है। अब 2002 में जब पीडीपी पावर में आती है तो एज पर द कोलिजन गवर्नमेंट, मुफ्ती मोहम्मद जो थे, ठीक है, तो ही हेडेड द गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट थ्री ईयर, सक्सीडेड बाय गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने अभी अभी कांग्रेस छोड़ी, अगर आपको ध्यान हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, करंट अफेयर पढ़ते हो, तो इस तरह से मुफ्ती मोहम्मद, उनके बाद में गुलाम नबी आजाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो थे, ठीक है, तो मुफ्ती मोहम्मद किसके थे, पीडीपी पार्टी के थे, गुलाम नबी आजाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जैसे सरकार चलाई, लेकिन फिर कुछ समय के बाद में प्रेसिडेंट रूल फिर इम्पोज कर दिया जाता है स्टेट में, ठीक है, कब तक, जुलाई 2008 तक। फिर उसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट इलेक्शन जो होते हैं नवंबर दिसंबर 2008 में जो होते हैं, अनदर कोलिजन गवर्नमेंट यहां पे बनती है अगेन। अब कोलिजन गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में ही थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हाथ मिला लिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलके फिर सरकार बनाई, दे केम इनटू पावर हेडेड बाय उमर अब्दुल्ला, ठीक है। अब उमर अब्दुल्ला जो है, तो उमर अब्दुल्ला जो, मतलब आप ये देख रहे हो, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, फिर यहां पे आप जैसे देखेंगे तो क्या है, मुफ्ती मोहम्मद, महबूबा मुफ्ती, तो एक जो है, तो एक पार्टी जो है वो एक तरह से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पीडीपी जो है, तो पीडीपी एक अलग अप्रोच के साथ में पावर में आती है। मतलब लोगों के पास ऑप्शन थे, जैसे बीजेपी कांग्रेस कंट्री में है, वैसे आप क्या देख रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ये कश्मीर में ये दो पार्टीज का आपको फैमिली लीनियज इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। 2000 एंड बियॉन्ड, 2000 के बाद क्या हो रहा है, 2000 के बाद में ये हो रहा है कि जो सरकार बनती है 2002 के इलेक्शन के बाद में जो सरकार बनती है, तो 2002 के इलेक्शन का जो सरकार बनती है वो कुछ समय चलती है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। फिर उसके बाद में जब इलेक्शन 2008 में होते हैं तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस पावर में आती है, उमर अब्दुल्ला की सरकार। हाउएवर द स्टेट कंटिन्यू टू विटनेस डिस्टर्बेंसेस लेड बाय हुरियत कॉन्फ्रेंस। अब क्या हो रहा है, आपको ये हुरियत कॉन्फ्रेंस समझना है, तो ये अलग अलग छोटे मोटे टेररिस्ट ग्रुप जो होते हैं, इन सबने मिलकर, जैसे अगर आप देखेंगे तो ये हुरियत कॉन्फ्रेंस जो है,
ठीक है, इट कंटिन्यूअसली प्रमोटेड इंसर्जेंसी, इट कंटिन्यूअसली प्रमोटेड टेररिज्म, उसके चलते इंस्टेबिलिटी रही है। फिर 2014 में आपको क्या देखने को मिलता है, ठीक है, स्टेट वेंट इनटू अनदर इलेक्शंस, और 2014 में जो दूसरे इलेक्शन होते हैं जो कि विच रिकॉर्डेड दी हाईएस्ट वोटर्स टर्नआउट इन 25 ईयर, पिछले 25 सालों में सबसे ज्यादा लोगों ने वोट किया 2014 में, और 2014 के चुनाव के परिणाम ये निकल के आते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद ऑफ पीडीपी केम इनटू पावर विद बीजेपी एज इट्स पार्टनर। तो महबूबा मुफ्ती के जो पिताजी हैं वो बीजेपी के साथ अब कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो देखो एक चीज आपको ये भी ऑब्जर्व करना होगी कश्मीर के पॉलिटिक्स में कि सरकारें जो बन रही तो कोलिशन पॉलिटिक्स से बनती है, बीजेपी या कांग्रेस से, तो उनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस का, विथ ठीक है विथ दी ड्राइविंग सीट और दी स्टेयरिंग इनटू दी हैंड्स ऑफ दी रीजनल पार्टीज सच एज पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो अब 2014 में आपको देखने को मिल रहा है कि बीजेपी विथ कोलिशन गवर्नमेंट ऑफ पीडीपी केम इनटू पावर। अब फिर क्या है, मुफ्ती मोहम्मद सैयद की डेथ हो जाती है और उनकी डॉटर जो है महबूबा मुफ्ती वो पहली विमेन चीफ मिनिस्टर बनती है स्टेट की इन अप्रैल 2016 में वो पहली विमेन चीफ मिनिस्टर बनती है। अब 2016 से 2019 तक वो अपना टर्म चला ही रही थी, लेकिन 2019 में क्या होता है कि बीजेपी जो है सपोर्ट हटाती है अपना, किसको, जो पीडीपी पार्टी को सपोर्ट देके कोलिजन गवर्नमेंट बनाई थी, महबूबा मुफ्ती की सरकार गिर जाती है। अब सरकार गिर जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन के नाम पे, फिर क्या होता है वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। तो ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ महबूबा मुफ्ती मेजर एक्ट ऑफ टेररिज्म, माउंटिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल टेंशन वर विटनेस्ड, समस्या का समाधान मिला नहीं था, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर लिया जाता है। कब, जून 2018 में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर लिया जाता है जब बीजेपी अपना सपोर्ट हटा लेती मुफ्ती गवर्नमेंट से, ठीक है, पीडीपी और बीजेपी का जो कोलिजन था उससे। तो अब क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है और उसी केस में, प्रेसिडेंट रूल के केस में क्या होता है, 5th ऑफ अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को अबॉलिश कर दिया जाता है जम्मू एंड कश्मीर से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नाम पे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नाम पे, मतलब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जहां पे आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया जाता है एक तरीके से, एंड द स्टेट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इंटू टू यूनियन टेरिटरीज विद जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ये दो यूनियन टेरिटरीज के फॉर्म में स्टेट जो है इमर्ज होकर आता है फिर, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको कहानी बताई कश्मीर की। आई होप यू पीपल आर नाउ क्रिस्टल क्लियर विद द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स व्हिच टुक प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर सिंस इंडिपेंडेंस। पूरी कहानी आपको वो नजरों के सामने दौड़ लगा गई है, क्या इशू है वो समझ में आया। मैंने आपको क्या बताया, मेजर प्रॉब्लम ये नहीं है कि कश्मीर और गवर्नमेंट और पाकिस्तान और ये, मेजर प्रॉब्लम ये है कि वहां की जो मासेज है उनके बीच में अगर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो इंडियन गवर्नमेंट के साथ में, ठीक है, देन दी थिंग्स विल टर्न आउट वेरी पॉजिटिवली। बट द इशू इज कि वो कॉन्फिडेंस दोनों एंड पे डेवलप नहीं होता है। यहां से सेंट्रल गवर्नमेंट जो रहती है तो अलग अलग तरीके से अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए दे ट्राई, जैसे आप देखेंगे तो दैट टाइम पीरियड व्हेन अटल बिहारी वाजपेयी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, दैट वाज द टाइम पीरियड जब थोड़ा सा पीस, जैसे 2002 के इलेक्शंस और सारी चीजें, थोड़ा सा पीस वॉज बिंग ऑब्जर्व। लेकिन फिर वही वाली प्रॉब्लम है कि शांति, कश्मीर में शांति पाकिस्तान को अच्छी लगती है तो वो हमेशा आग देता रहता है वहां से। तो देर आर मल्टीपल एंगल्स, वी कैन नॉट जस्ट क्लियरली आइडेंटिफाई कि हाँ इसको ब्लेम कर दो या फिर ये कारण है। आप कहोगे लैक ऑफ लीडरशिप भी एक प्रॉब्लम रहा है, लैक ऑफ विजन एक प्रॉब्लम रहा है, मिसट्रस्ट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो देर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स विच आर नीडेड टू बी वर्कड अपॉन सो दैट पीस एंड स्टेबिलिटी कैन बी इंश्योर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर अबव ऑल, ठीक है। ऑल दीज फैक्टर्स लेड टू द रीजनल एस्पिरेशंस, और इन्हीं कारणों से रीजनल एस्पिरेशंस की डिमांड जो जम्मू कश्मीर में स्टार्ट होती है। जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलता है सेपरेटिज्म या फिर कह सकते हैं वायलेंस, इंसर्जेंसी, ये सारी समस्याएं जन्म लेती है। समझ में आया? तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आर लिविंग एग्जांपल ऑफ प्लूरल सोसाइटी इन इंडिया। नॉट ओनली आर देयर डायवर्सिटी ऑफ ऑल काइंड, मतलब वहां रिलीजियस, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, एथनिक, ट्राइबल, हर सेंस में डायवर्सिटी है, बट देयर आर ऑल्सो डायवर्जेंट पॉलिटिकल एंड डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस, ठीक है। तो रीजनल एस्पिरेशन में, कश्मीर और लद्दाख के रीजनल एस्पिरेशन में डाइवर्स पॉलिटिकल और डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस भी है। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से, कोई ऑटोनॉमी चाह रहा है, कोई इंटीग्रेशन चाह रहा है, कोई कुछ चाह रहा है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के एस्पिरेशंस है विच हैव बीन सॉट टू बी अचीव्ड बाय द लेटेस्ट एक्ट। और अब ये जो कदम उठाया गया तो दिस इज समथिंग सेड टू बी वॉटरशेड स्टेप, ठीक है, क्योंकि इसके पहले तक कश्मीर कुछ और था, इसके बाद में कश्मीर कुछ और है। तो अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस एक्ट से शायद चीजें सुधरे, रीजनल एस्पिरेशन को प्रॉपरली एड्रेस किया जाए। तो दिस वाज द स्टोरी, आई होप यू पीपल गॉट इट। इस चैप्टर से एक कश्मीर इशू करके एडिशनल टॉपिक और है, उसमें भी यही चीजें बताइए जो मैंने आपको बताई है, लेकिन एक वीडियो और उस पर दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो अब हम आगे जो पढ़ेंगे तो आगे हम पंजाब वाला पार्ट पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है।
कहानी यहीं से हमारी आगे बढ़ेगी कि मतलब रीजनल एस्पिरेशन तो हमारा कोर इशू रहेगा ही रहेगा, मुद्दा रहेगा ही रहेगा। तो अब वो पंजाब के कंटेक्स्ट में, जैसा कश्मीर के कंटेक्स्ट में पढ़ा है, चैप्टर में आ गया, अब हम पंजाब के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे कि वहां क्यों रीजनल एस्पिरेशंस ग्रो करती है, और ये सारी चीजें अब हम पंजाब के पंजाब पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, पंजाब पॉलिटिकल कंटेक्स्ट अगर आप यहां से अगर चीजों को समझे ना, तो पंजाब में किस तरह से रीजनल एस्पिरेशंस की डिमांड स्टार्ट होती है, वो जो है वो हमारा यहां से चैप्टर का आगे का पार्ट रहने वाला है। फाइन, तो कश्मीर का जैसे आपने मुद्दा देखा, ठीक उसी तरह से पंजाब में भी क्या रहे हैं, प्रॉब्लम्स रहे, रीजनल एस्पिरेशंस रहे, कैसे इमर्ज हुए, कैसे एड्रेस किया गया, ये सारी चीजें आप चैप्टर के इस पार्ट में पढ़ते हो। क्लियर हुआ? तो द डिकेड ऑफ 1980s आल्सो विटनेस मेजर डेवलपमेंट इन द स्टेट ऑफ पंजाब। 1980s में रीजनल एस्पिरेशन का जो मतलब कह सकते हैं ना, रीजनल एस्पिरेशन की जो परेशानी थी उसने अपना सर ज्यादा तेजी से ऊपर उठाया था, लेकिन प्रॉब्लम हमेशा से रही है। क्लियर हुआ? जैसे हमने आपको बताया था कि जो डिकेड समझाए थे मैंने कि 60s के समझ में हम क्या है, लड़ाई दंगों में ही परेशान थे, 70s के टाइम पीरियड में इमरजेंसी वगैरह उसमें परेशान थे, 80s का टाइम पीरियड जो रहा ना, तो उसमें रीजनल एस्पिरेशन की प्रॉब्लम ज्यादा रही। क्लियर हुआ? तो वही 80s के अगर टाइम पीरियड की बात करें, तो द डिकेड ऑफ 1980s आल्सो विटनेस्ड मेजर डेवलपमेंट्स इन द स्टेट ऑफ पंजाब। एंड व्हाट वर दोज मेजर डेवलपमेंट्स, क्या थे वो मेजर डेवलपमेंट्स? तो द सोशल कंपोजिशन ऑफ स्टेट चेंज वेरियस टाइम्स। ठीक है, देखो तो 1980s के पहले ही आपको रूट्स मिल जाएगी व्हाई द रीजनल एस्पिरेशंस इमर्ज्ड इन पंजाब। तो सोशल कंपोजिशन जो रहा ना स्टेट का, वो बहुत बारी बदला है, और बहुत बारी बदला उस कारण से क्या हुआ आपको देखने को मिलता है कि समस्याएं जो है तो वो बहुत डीपली रूटेड है। थोड़ा सा आपको बुक के बाहर लेके चल रहा हूं, ठीक है, गदर 2 लगेगी जब देख लेना, लेकिन गदर 1 को याद करो। तो आपने देखा होगा पार्टीशन के टाइम पीरियड में ही पंजाब वाले रीजन में बहुत ज्यादा क्या हुए थे, बहुत ज्यादा मतलब आप जैसे देखेंगे तो क्राइसिस डेवलप हुए थे। पार्टीशन हुआ, हिंदू मुस्लिम और सिख इन कम्युनिटीज के बीच में आप जैसे देखेंगे तो पार्टीशन सिर्फ देश का नहीं हुआ था, पार्टीशन हर एक चीज का हुआ था। लोग इस बॉर्डर इस पार से उस पार जा रहे थे, उस पार से इस पार आ रहे थे, उस बीच में हजारों लाखों लोगों की जाने गई। क्लियर हुआ? पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस देखने को मिला, कम्युनल डिसहार्मनी बढ़ी, वो सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जो सोशल कंपोजिशन है स्टेट का, वो एट टाइम्स आपको बहुत सी बार बदलते देखने को मिला। पूरी कंट्री में स्टेट रिओर्गनाइजेशन 1956 में हो गया था, लेकिन पंजाब में स्टेट रिओर्गनाइजेशन लेट होता है, लेटर ऑन कार्विंग आउट ऑफ हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। तो पंजाब जैसे आप देखेंगे लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्या हुआ, लिंग्विस्टिक बेसिस पे आपने स्टेट रिओर्गनाइजेशन किया। चैप्टर 1 रिकॉल करो, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर क्या है, स्टेट्स का रिओर्गनाइजेशन हुआ 1956 में। लेकिन हमने कुछ बाइलिंगल स्टेट्स भी बनाए थे वहां पे। कौन कौन से थे बाइलिंगल स्टेट्स? तो बाइलिंगल स्टेट्स में जैसे आप देखेंगे तो बॉम्बे प्रोविंस जहाँ था जिसमें गुजराती स्पीकिंग मराठी स्पीकिंग लोगों को जोड़ दिया था, लेकिन बाद में अलग करना पड़ा था। वैसे ही बाइलिंगल स्टेट्स का एक एग्जांपल ये भी था पंजाब। तो उस टाइम पीरियड पे पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश सब मिला हुआ था। लेकिन फिर क्या होता है, फिर वही है सोशल कंपोजिशन जो स्टेट का, तो ओवर वेरियस पीरियड ओवर वेरियस टाइम्स बदला है। तो जैसे पार्टीशन के टाइम पीरियड में बदला था, फिर आप देखेंगे कि 1966 ठीक है, हाँ 1966 में क्या होता है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को अलग किया जाता है, कॉमन कैपिटल रख दिया थी चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश तो शुरुआत में और क्या था, यूनियन टेरिटरी ही था, यूनियन टेरिटरी था। तो हरियाणा और पंजाब को अलग किया गया, ठीक है, हिंदी स्पीकिंग और पंजाबी स्पीकिंग को। तो व्हाइल द रेस्ट ऑफ द कंट्री वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस इन 1950s, पंजाब हैड टू वेट टिल 1966 फॉर द क्रिएशन ऑफ पंजाबी स्पीकिंग स्टेट्स। ठीक है, पंजाबी स्पीकिंग स्टेट्स के क्रिएशन के लिए पंजाब को वेट करना पड़ा, लंबा वेट करना पड़ा। कब तक वेट करना पड़ा, तो जैसे अगर आप देख रहे हैं 1966 तक करना पड़ा। ठीक है, अकाली दल हैड लेड द मूवमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पंजाबी सूबा, द सिख नाउ वर अ मेजोरिटी इन ट्रंकेटेड स्टेट ऑफ पंजाब। ट्रंकेटेड स्टेट ऑफ पंजाब मतलब जिसे छोटा कर दिया गया हो। ठीक है, तो पूरा स्टेट जो था पंजाब का, जिसमें हरियाणा हिमाचल प्रदेश सब थे, तो उनको जब अलग करते चले गए, और फिर जो कोर पंजाब आज जो आप देखने को मिल रहा है आपको, वो पंजाब जो रह गया। तो अब 1966 के बाद में वो जो पंजाब था, उस पंजाब में सिख कम्युनिटी जो है वो मेजोरिटी में आ गई। नाउ सिख वर इन नाउ द सिख्स वर नाउ अ मेजोरिटी इन द ट्रंकेटेड स्टेट ऑफ पंजाब। और ये जो डिमांड थी कि पंजाबी स्पीकिंग पंजाबी पॉपुलेशन जो है, पंजाबी पॉपुलेशन इन द सेंस कि देखो पंजाब में रहने वाले पंजाबी होंगे, वो पाकिस्तान के भी होंगे, लेकिन यहाँ पे जो डोमिनेंस था तो वो सिख डोमिनेंस जो आपको देखने को मिलता, तो उसको लीड किया अकाली दल ने। तो अकाली दल हैड लेड द मूवमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पंजाबी सूबा। ठीक है, पंजाबी सूबा पिंड उस तरह से क्या है, उस चीज की डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए आपको क्या देखने को मिलता है, कौन लीड करता है पूरे के पूरे मूवमेंट को, अकाली दल। अकाली दल क्या है,
तो अकाली दल इज अगेन वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी इन द कंट्री, 1920s में एस्टैब्लिश की गई है। आज आप देखते हो शिरोमणि अकाली दल, ठीक है, तो सुप्रीम अकाली दल जो है, तो इसके बहुत सारे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्रैक्शंस निकलते गए, कभी एक्सट्रीमिस्ट फ्रैक्शन भी निकला, जैसे अभी पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है, जो खालिस्तान की डिमांड कर गया, मॉडरेट अकाली दल भी रहा जो पॉलिटिक्स में आज भी एक्टिव है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, अकाली दल का बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन होता है, तो आपको भी उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री में, अकाली दल की में नहीं जाना, लेकिन इतना समझना है कि अकाली दल वॉज द पोलिटिकल पार्टी विच लेड द मूवमेंट फॉर द पंजाबी सूबा, और उसी के चलते 1966 में क्या होता है, पंजाब बना दिया जाता है, जिसमें सिख जो है वो मेजोरिटी कम्युनिटी हो जाती है इन द ट्रंकेटेड स्टेट ऑफ पंजाब। आर दी थिंग्स क्लियर टिल हियर, ठीक है, लाइव नहीं चल रहा लेकिन मुझे आदत है पूछने की बार बार, तो मन में जवाब देना, मन से जुड़ो मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे आपको समझ में आ गया क्या कि हाँ ये स्थिति थी, क्या स्थिति थी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पंजाब का जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट रहा वो ऐसा रहा कि पंजाब अंडरवेंट वेरियस सोशल कंपोजिशन चेंजेस, ठीक है, ड्यूरिंग पार्टीशन, ड्यूरिंग द कार्विंग आउट ऑफ स्टेट्स आउट ऑफ इट, जैसे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, और अल्टीमेटली 1906 आते आते ये है कि जो वहां की पॉलिटिकल पार्टी की डिमांड थी, वहां के जो कह सकते हैं लीडर्स की एस्पिरेशन थी, वो सक्सेसफुल होते दिख रही थी, ठीक है। तो सिख वर नाउ अ मेजोरिटी इन द ट्रंकेटेड स्टेट ऑफ पंजाब, एकदम यहां तक क्लियर है, तो हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो नाउ द अकाली केम टू पावर इन 1967 एंड देन इन 1977 कोलिजन गवर्नमेंट। तो अब देखो क्या हो रहा है ना कि अकाली पार्टी ने पंजाब सूबा की डिमांड रखी, पंजाब सूबा एक तरह से अलग पंजाब स्टेट मिल गया पंजाबी पॉपुलेशन के लिए, वो सारा सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी अकाली पार्टी जो है तो उतना ज्यादा ब्रॉड बेस तुरंत के तुरंत नहीं बना पाई थी। 66 में उसने डिमांड रखी थी, पंजाब बनवाया था, माहौल गरम गरम था, तो इसके लिए चुनाव में जीत जाते हैं, लेकिन क्या होता है 67 में जीतने के बाद में क्या होता है 72 आते आते चले भी जाते हैं। 72 में फिर जैसे अगर आप देखोगे तो अकाली पार्टी किसी भी तरह से पावर में नहीं आती है। अब ये 67 और 77 में दो बार पावर में आती है, तो ये दो बार भी कैसे पावर में आती है पता है, दो बार भी एक कोलिजन गवर्नमेंट बना के आती है, मतलब खुद मेजोरिटी गवर्नमेंट से नहीं आती है, उसको क्या करना पड़ता है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट लेना पड़ता है और सरकार बनाना पड़ती है। तो इसके चलते आपको क्या देखने को मिलता है, द अकाली इज डिस्कवर्ड दैट डिस्पाइट द रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज देयर पॉलिटिकल पोजीशन रिमेन प्रिकेरियस। ठीक है, क्या हो रहा है यहां पे कि बाउंड्रीज रीड्रॉ कर ली है, अब तो हमारा पंजाब सूबा भी बन गया, मतलब एक तरह से जो डिमांड थी अकाली पार्टी की उनके लिए सेपरेट यूनिट, सेपरेट यूनिट इन द सेंस कि सिख मेजोरिटी पॉपुलेशन वाला एक स्टेट हो, तो वो भी बन गया है, लेकिन उसके बावजूद भी व्हाट दे वर फाउंडिंग कि मेजोरिटी में सरकार नहीं बना पा रहे थे, पॉलिटिकल पोजीशन जो रही तो वो इट रिमेन्ड प्रिकेरियस। क्यों? क्योंकि लोग उसके बावजूद भी अकाली पार्टी को उतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे जो कि एक्सक्लूसिवली सिख कम्युनिटी के लिए बात कर रही थी। ठीक है, तो अकाली पार्टी को लोग तब भी उतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसके पीछे का कारण समझाता हूं, बड़ी अच्छी इनसाइट देता हूं। देखो क्या है, अकाली दल जो था ना, तो अकाली दल में पता है डोमिनेंस किसकी थी, एलाइट सिख कम्युनिटी की। एलाइट सिख कम्युनिटी मतलब क्या है कि अपर कास्ट सिख कम्युनिटी के लोग थे, और जो पंजाब में फिर जैसे अगर आप देखेंगे दलित सिख कम्युनिटी के लोग थे, ठीक है, कह सकते हैं दूसरे रिलीजन के लोग थे, तो दे वर मोर टिल्टेड टुवर्ड्स कांग्रेस। उस समय पे कांग्रेस का जैसे डोमिनेंस था 1972 के, और तब तो इंदिरा लहर भी थी, ठीक है, तो इंदिरा गांधी की लहर भी थी, तो उसके चलते क्या है कि अकाली पार्टी का पॉलिटिकल पोजीशन उतना कंसोलिडेटेड नहीं था कि सब पे बस अपना चार्म फैला दिया हो, समझ में आया, तो वो चल नहीं पाया। तो उसके चलते क्या, उसके चलते जैसे अगर आप देखेंगे तो फर्स्टली द गवर्नमेंट वॉज डिसमिस्ड बाय सेंटर मिडवे थ्रू इट्स टर्म। अब क्या होता था उस समय पे, खींचातानी ऐसी चलती थी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, ध्यान करो, तो क्या है कि पॉलिटिकली वो फेडरलिज्म उतना स्ट्रेंथन नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट पे जब पावरफुल गवर्नमेंट रहती है तो स्टेट गवर्नमेंट पे अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है तो उनके बीच में रिलेशन हमेशा क्या रहेंगे, सार्ड ही रहेंगे, मतलब एक तरह से रिलेशन में खटास बनी ही रहती है, क्लियर हुआ। तो उसी के चलते क्या होता है कि अकाली पार्टी ने ये क्यों फील किया कि उनकी पॉलिटिकल पोजीशन जो है बहुत प्रिकेरियस रही है, मतलब बहुत डगमगाती सी रही है, क्यों, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट मिड टर्म में बहुत बार क्या कर दी गई, डिसमिस कर दी गई है पंजाब में, ठीक है, फ्रीक्वेंटली जैसे प्रेसिडेंट रूल लगता रहा, और इनफैक्ट आप देखोगे कि जब प्रॉब्लम अपने चरम पे होती है 1980s के टाइम पीरियड में, तब क्या है सालों तक प्रेसिडेंट रूल लगा रहा था, ठीक है। तो सेकेंडली दे डिड नॉट एंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अमंग हिंदूज, वही वाली बात मैंने आपको बताया कि हिंदूज जो है तो दे वर नॉट सपोर्टिंग अकाली दल, ठीक है, विद फुल एंथुसियाज्म, क्लियर हुआ। फिर दूसरी चीज, मतलब दो पॉइंट हो गए, क्यों उनकी पॉलिटिकल पोजीशन जो थी तो अनसर्टेन थी। इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है कि डिस्पाइट रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज व्हाई अकाली दल और अकाली फेल्ट दैट देयर पोजीशन वॉज प्रिकेरियस, their political position was uncertain, तो ये point ध्यान रखना है क्या, कि their government was dismissed by the center midway through its term,
सेकेंडली दे डिड नॉट एंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अमंग हिंदूज, हिंदूज में उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंजॉय करते नहीं थे. द सिख कम्युनिटी लाइक ऑल अदर रिलीजियस कम्युनिटीज वॉज इंटरनली डिफ्रेंशिएटेड ऑन द कास्ट एंड क्लास लाइन. ठीक है, कास्ट और क्लास लाइन पे बहुत ज्यादा क्या थी, आपको क्या देखने को मिल रहा है, कास्ट और क्लास लाइन पे बहुत ज्यादा डिवाइडेड थी सिख कम्युनिटी. और इसके चलते मैंने आपको बताया कि अकालीज जो थे तो दे वर बीइंग सपोर्टेड बाय द अलाइट सिख कम्युनिटी. ठीक है, जो कह सकते हैं सो कॉल्ड लोअर कास्ट के सिख कम्युनिटी थी वो उतना ज्यादा क्या कर रही थी, सपोर्ट नहीं कर रही थी अकालीज को. द कांग्रेस गॉट मोर सपोर्ट अमंग द दलित्स वेदर हिंदू और सिख देन द अकालीज. ठीक है, तो चाहे हिंदू दलित हो या सिख हो, ठीक है, कांग्रेस अपने वोट ज्यादा बटोर ले गई थी. तो ये सारे कारणों से आपको क्या देखने को मिल रहा कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज रीड्रॉ करने के बाद भी अकालीज वर फीलिंग और देवर फीलिंग कि वो पॉलिटिकली उतना कंसोलिडेट नहीं कर पाए हैं. ठीक है, और फिर क्या होता है, जब आदमी डरा हुआ रहता है, जब आदमी अपनी पोजीशन को वीक होते हुए पाता तो फिर वो और अपने पत्ते खोलने की कोशिश करता है, वही हुआ. सो इन दिस कंटेक्स्ट ड्यूरिंग द 1970s अ सेक्शन ऑफ अकालीज बिगेन टू डिमांड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी फॉर द रीजन. और यहां पे उन्होंने बोलने लगा कि नहीं, तुमने स्टेट बना दी लेकिन हमारी तो पोजीशन कंसोलिडेट ही नहीं हो रही. तो कुछ अकाली लीडर्स जो थे, ठीक है, कुछ अकाली लीडर्स जो थे वो क्या डिमांड करने लगे, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी टू द रीजन. उन्होंने बोलने लगा कि जैसे कश्मीर के केस में था क्या कि पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दो, हमें तो क्या चाहिए, आजादी चाहिए, एक आजाद पंजाब चाहिए, आजाद पंजाब चाहिए, उस टाइप से. समझ में आया, 1970s से ही माहौल बनने लगा था. इनफैक्ट आप थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे ना खालिस्तान मूवमेंट को पूरा पढ़ेंगे तो खालिस्तान मूवमेंट के जो सीड्स हैं वो इंडिया से पहले फॉरेन कंट्रीज में जैसे कनाडा हो गया, लंदन हो गया, वहां पे ही सो कर दिए गए थे. वहां से लीडर्स ने क्या किया, यहाँ के लीडर जैसे चौहान वगैरह जो थे तो इन लोगों को क्या किया, कोऑर्डिनेट करवाया. ठीक है, मतलब आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जाके थोड़ा सा बता रहा हूं मैं आपको, इन लोगों को कोऑर्डिनेट करवाया तो डिमांड जो है ना वो आउट ऑफ द कंट्री से, ठीक है, जो कह सकते हैं सिख डायस्पोरा था तो उन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, एक तरह से आपको देखने को मिलेगा. तो ऑटोनॉमस पंजाब की डिमांड को एक तरह से हवा देना शुरू कर दिया था. ठीक है, हवा देना शुरू कर दिया था 1970s से. और दिखती बात है कि पॉलिटिकल कंटेक्स्ट भी ये बन रहा था. क्लियर हुआ, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट भी ये बन रहा था. आगे अगर बढ़ते हैं तो डिमांड फॉर ऑटोनॉमी इज रिफ्लेक्टेड इन आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन ऑफ 1973 का जो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास किया जाता है. आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन क्या था, तो जैसे अगर आप देखेंगे तो अकाली पार्टी के लीडर्स, टॉप लीडर्स जो थे, तो दे सेट टुगेदर एंड दे डिस्कस्ड दैट व्हाट शुड बी दी एजेंडा फॉर दी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ सिख कम्युनिटी इन पंजाब. ठीक है, अब एक और चीज बता रहा हूं, सारे सिख कम्युनिटी के जो भाई थे वो ये नहीं चाह रहे थे कि जैसे अकाली चाह रहे हैं उसी लाइन पे काम हो, ऑटोनॉमस पंजाब चाहिए. ठीक है, इनफैक्ट इफ यू विल लुक इन टू दिस यू विल फाइंड दी कंटेक्स्ट क्या, कि दो जो ब्रेवेस्ट रेजिमेंट्स Among the Indian Army is the Sikh regiment in which majority of the soldiers are from Punjab region. ठीक है, पंजाब रीजन से हैं और वो लोग जो है तो they feel their identity more associated with India rather than Punjab. ठीक है, लेकिन अब क्या है कि वही रहता है कि सबको अपनी अपनी political रोटियां सीखनी रहती है और उसी के चलते आपको क्या देखने को मिलता है कि जो अकाली लीडर्स थे कुछ उस टाइम पीरियड में, तो उनके चलते उन्होंने क्या डिमांड रखी, उन्होंने डिमांड यही रखी क्या कि ऑटोनॉमस रीजन बना दिया जाए पंजाब को. और उन्हीं इस ऑटोनॉमी की डिमांड का रिफ्लेक्शन आपको आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में देखने को मिलता है. नोट डाउन दिस पॉइंट, क्वेश्चन बनता है यहां पे क्या कि व्हाट आर द डिमांड्स इन द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन ऑफ 1973. तो द रेजोल्यूशन असर्टेड रीजनल ऑटोनॉमी एंड वांटेड टू रीडिफाइन द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप इन कंट्री. मतलब एक चीज ध्यान रखना, ये रेजोल्यूशन जो है ना, तो रेजोल्यूशन पास किया गया था कि फेडरलिज्म स्ट्रेंथन हो, फेडरलिज्म का हवाला देते हुए रेजोल्यूशन पास किया गया था आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन अकाली पार्टी और सिख लीडर्स के द्वारा. लेकिन उसका जो जैसे देखोगे ना क्रक्स जो था, उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा था कि दे वर असर्टिंग मोर ऑन ऑटोनॉमस पंजाब रादर देन डिमांडिंग द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म. ठीक है, फेडरलिज्म की स्पिरिट को डिमांड करने से ज्यादा ऐसा दिख रहा था जैसे ये लोग बात किस चीज की कर रहे कि ऑटोनॉमी दे दो पंजाब को. ठीक है, मैं समझा दूं क्या है. तो रेजोल्यूशन जो था आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, तो रेजोल्यूशन असर्टेड रीजनल ऑटोनॉमी एंड वांटेड टू रीडिफाइन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप इन द कंट्री. कंट्री के अंदर सेंटर स्टेट रिलेशनशिप जो होना चाहिए वो रीडिफाइन होना चाहिए, जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलना चाहिए, उसमें कुछ चेंज आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, पंजाब को पावर मिलना चाहिए, स्टेट्स को पावर मिलना चाहिए, ये बात रखी. ऑल्सो स्पोक ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ सिख कॉम, सिख कॉम के एस्पिरेशन जो है कि कम्युनिटी और नेशन जो है, कॉम यानी बोलते ना कि हमारी कॉम, जैसे कौमी एकता सुना होगा आपने कि अलग अलग कौम के कम्युनिटी के लोग जो उनके बीच में हारमनी बनी रहे, तो वैसे ही दे जो सिख आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन जो था, तो इट ऑल्सो स्पोक ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ सिख कॉम.
सिख कॉम मतलब सिख कम्युनिटी एंड डिक्लेयर इट्स गोल एज अटेनिंग दी बोलबाला। बोलबाला मतलब क्या होता है, बोलते ना कि वहां पे उनका बोलबाला चलता है बहुत ज्यादा। बोलबाला वर्ड का मतलब होता है डोमिनेंस, हेजेमनी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के अंदर मतलब ये पॉइंट क्लियरली हाईलाइट किया गया कि सिख कम्युनिटी जो हो तो सिख कम्युनिटी का मतलब सिख कॉम जो हो तो सिख कॉम की डोमिनेशन बोलबाला स्टैब्लिश हो, ठीक है, बोलबाला स्टैब्लिश हो पंजाब में। द रेजोल्यूशन वॉज अ प्ली फॉर स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म, फेडरलिज्म को मजबूत किया जाए इस चीज की एक डिमांड की तौर पर रेजोल्यूशन पास किया गया था। बट इट कुड ऑल्सो बी इंटरप्रिटेड एज अ प्ली फॉर सेपरेट सिख नेशन। तो ऑन पेपर मतलब विंडो ड्रेसिंग कैसे की गई थी कि ये रेजोल्यूशन एक तरह से क्या है, एक अर्जी है फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए, लेकिन उसको ऐसे भी इंटरप्रेट किया जाता था कि वो एक अर्जी लगाई जा रही थी कि एक सेपरेट सिख नेशन चाहिए किन्हें, इस समय के लीडर्स को जो ये आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को पास कर रहे हैं। समझ में आया? तो ये आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन ऐसा नहीं कोई लॉ था ये, लेकिन ये डिमांड थी, और उस डिमांड को कैसे इंटरप्रेट किया गया, इट वॉज कंसिडर्ड एज अ प्ली फॉर सेपरेट सिख नेशन, सेपरेट सिख नेशन की तरह उसे कंसिडर किया गया। तो द रेजोल्यूशन हैड अ लिमिटेड अपील अमंग द सिख मासेस। अब ये पॉइंट भी समझ लेना, मैंने आपको बताया क्या कि हर इंसान इससे एसोसिएट नहीं कर रहा था, बहुत एक मेजोरिटी लेवल पे आप जिसे देखोगे तो सिख मासेस जो थी तो देवर टोटली अगेंस्ट इट, उन्होंने बोला कुछ भी नॉनसेंस चल रहा है, क्यों, क्योंकि देवर मोर हैप्पी विद द इंडियन यूनियन। लेकिन वही वाली बात है कि अब अगर उस समय के अकाली लीडर्स जो थे, ठीक है, जो एक्सट्रीम लीडर्स थे, वो इस एजेंडा को नहीं रखेंगे तो फिर उनका घर कैसे चलेगा, मतलब रोजी रोटी वो थी ना। तो इसके लिए क्या, इसके लिए मेजोरिटी ऑफ दिस सिख मासेस जो थी वो उस चीज से अप्रूव नहीं कर रहे थे, ठीक है। दिस रेजोल्यूशन हैड लिमिटेड अपील अमंग द सिख मासेस, कुछ ही लोग इससे एग्री कर रहे थे, उसके बावजूद भी क्या है वो रेजोल्यूशन था, मुद्दा था, तो मुद्दा जिंदा रहा। और मैंने आपको भी बताया कि ये जैसे 73 तो 1970s के टाइम पीरियड में तो अभी इमरजेंसी लगाई गई, तो अभी तो देश में किसी को और कुछ समझ बैठे गई नहीं, ठीक है। तो 1980s में लेकिन कुछ चीजें बदलती है, तब मतलब नई लीडरशिप के अंडर में नई तरीके से क्या होता है मूवमेंट में जान आती है और फिर सारी चीजें बिगड़ती है, ठीक है। तो इतना यहां तक समझ में आया, एक बार फिर से रिकैप करवा देता हूं, कनेक्ट करवा देता हूं, देखो कहानी है बस क्या हो रहा है। तो आपने पंजाब का पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट देखा कि क्या स्थिति थी पंजाब में, आप देखेंगे तो सोशल कंपोजिशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बदलते रहा। सिख कम्युनिटी अकाली दल के लीडर्स चाहते थे कि उनके डोमिनेंस एस्टैब्लिश हो, तो रीड्रॉ करने के बावजूद भी बाउंड्रीज डोमिनेशन का एस्टैब्लिश नहीं हो पाया, ठीक है। देवर मोर एनरिज्ड, ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। तो उसके चलते क्या है, तो डिमांड थोड़ी सी और ऑटोनॉमी के लिए बदलती चलेगी, और उसी में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन ने जो है तो एक तरह से क्या कर दिया, नमक मिर्च मसाला डाल दिया कि सिख कम्युनिटी के लीडर्स ये चाह रहे हैं, ठीक है। फिर आगे होता क्या है, देखो तो इन 1980s अकाली गवर्नमेंट हैड बीन डिसमिस्ड, लेकिन अब क्या होता है, जैसे 1977 में मैंने आपको बताया कि अकाली गवर्नमेंट जीतती है, ठीक है, अकाली पार्टी जीतती है, लेकिन 1977 में जीतने के बावजूद क्या होता है, पूरा टर्म कंप्लीट नहीं कर पाती है। मैंने बताया ना क्या कि पॉलिटिकल, वो इसलिए लगता था उन्हें कि पॉलिटिकल बॉर्डर जो है बाउंड्रीज रीड्रॉ होगी, लेकिन उनके उनके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस जो है वो उतने स्टेबल नहीं हो पाते हैं, क्यों, क्योंकि सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट से उनके ऊपर बार बार प्रेसिडेंट रूल लगा देती थी पंजाब के वहां जो अकाली लीडर्स थे। तो 1980 में क्या होता है, अकाली गवर्नमेंट हैड बीन डिसमिस्ड। 1980 में फिर क्या होता है, 1977 में जो अकाली गवर्नमेंट कोलिजन गवर्नमेंट बना के अकाली दल पार्टी में आता है, पावर में आता है अकाली पार्टी, ठीक है, तो उसको लेकिन डिसमिस कर दिया जाता है। अब इसके बाद में क्या, इसके बाद में व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ अकाली दल, मतलब वही है, हम सरकार बनाते हैं सरकार गिर जाती है, सरकार बनाते हैं सरकार गिर जाती है। तो द अकाली दल लॉन्च अ मूवमेंट ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो अकाली दल ने फिर क्या किया, फिर उन्होंने नरेटिव क्या बताया, फिर उन्होंने और मुद्दे उठाए, मतलब यही होता है, देखो ये जनरल पॉलिटिक्स का है कि एक पॉलिटिकल पार्टी अगर वो पॉलिटिकल पार्टी को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए आगे नहीं बढ़ने देती है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी है फिर वो क्या अपना विक्टिम कार्ड खेलती है, वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी जो भी टैक्टिक्स है, उनके पास जो भी दाव पैच मिलते हैं, ठीक है, उन इश्यूज को रेज करके पब्लिक सपोर्ट जो गेन करने की कोशिश करती है। अब इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, आप ये बीजेपी के कॉन्टेक्स्ट में देख लो, कांग्रेस के कॉन्टेक्स्ट में देख लो, आम आदमी पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में देख लो, हर पॉलिटिकल पार्टी को क्या चाहिए रहता है, एक पॉइंट चाहिए रहता है जहां पे वो क्या कर सके, विक्टिम कार्ड खेल ले, जिस पॉइंट को वो बार बार हाईलाइट कर सके, जिस पॉइंट की मदद से वो क्या कर सके पब्लिक सपोर्ट जो गेन कर सके। और वही यहां पे हुआ क्या कि अकाली दल लॉन्च्ड अ मूवमेंट ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बिटवीन पंजाब एंड इट्स नेबरिंग स्टेट्स, ठीक है। तो पंजाब और उसके नेबरिंग स्टेट्स जो है उनके बीच में क्या होता है, ये मूवमेंट लॉन्च किया जाता है। क्या मूवमेंट लॉन्च किया जाता है, अकाली दल ये बोलता है कि तुम हमारी सरकार बार बार गिरा दे रहे हो लेकिन हमारी डिमांड समझो। तो अब क्या है, जेन्युइन डिमांड से उनके साथ में जरूर पब्लिक सपोर्ट जुड़ जाएगा। तो उन्होंने डिमांड ये रखी अकाली दल ने क्या कि जो पानी है ना, ठीक है, पंजाब 5 नदियों का प्रदेश है वो, लेकिन हमारा पूरा पानी क्या है, आप इधर हरियाणा में चले जा रहा है, राजस्थान में चले जा रहा है, तो
तो ये पंजाब और उसके नेबरिंग स्टेट्स में जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है वो फिर से रीड्रॉ होना चाहिए। अ सेक्शन ऑफ रिलीजियस लीडर्स रेज द क्वेश्चन ऑफ ऑटोनॉमस सिख आइडेंटिटी। ठीक है, ऑटोनॉमस सिख आइडेंटिटी की डिमांड भी उठा दी गई कुछ लीडर्स ने। ठीक है, तो सिख रिलीजियस लीडर्स में कौन थे, तो जैसे आप देखेंगे जरनैल सिंह ब्रिंदनवाल। ठीक है, तो जरनैल सिंह ब्रिंदनवाल जो थे तो ही वॉज कंसिडर्ड एज द मेन मास्टरमाइंड बिहाइंड द डिमांड ऑफ खालिस्तान इन इंडिया। ठीक है, जैसे अगर ऑपरेशन ब्लू स्टार देखोगे तो ऑपरेशन ब्लू स्टार में मेनली ये जो थे तो प्रोवोक करने वाले थे उसे। ठीक है, आगे भी समझाऊंगा थोड़ा सा और मैं। तो द मोर एक्सट्रीम एलिमेंट स्टार्टेड एडवोकेटिंग सक्सेशन फ्रॉम इंडिया एंड द क्रिएशन ऑफ खालिस्तान। अब ये खालिस्तान क्या है समझ लेना अच्छे से। क्या है, आपने देख लिया कि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास किया गया था, अकाली दल अपना कह सकते हैं अपना प्रचार प्रसार कर रही है कि उन्हें पब्लिक सपोर्ट मिले। ठीक है, लेकिन ये जो रेजोल्यूशन था तो दिस हैड अ लिमिटेड अपील अमंग द सिख मासेस। सिख मासेस में अपील जो थी वो लिमिटेड थी, उतने ज्यादा लोगों तक वो पहुंच नहीं पाए थे। ठीक है, फिर 1980 आते आते क्या होता है, अकाली गवर्नमेंट जो थी, जो कोलिजन गवर्नमेंट में थी, उसको डिसमिस कर दिया जाता है पंजाब में। तो अब अकाली दल का रिएक्शन ये था कि उन्होंने और नई नई डिमांड्स उठाई। तो जैसे क्या है, सतलज यमुना लिंक जो हुआ, जिससे पानी क्या हो, सतलज का पानी आप देखेंगे तो किधर जा रहा है, सतलज का पानी इधर पूरा दिल्ली वगैरह यमुना में मिला दिया जा रहा है। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में SYL गाना सुना आपने भी आया था रिसेंटली, सिद्धू मूसेवाला का। ठीक है, तो वो सतलज यमुना लिंक जो उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया। ठीक है, मतलब मुद्दा बनाया उसको। देखो हर चीज के क्या होता है ना, हम सब पढ़ते चले जाते हैं, चीजों को देखते चले जाते हैं, समझते जाते हैं, जरा पीछे मुड़ के एक बार जस्ट यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स, देन यू विल गेट कि हाँ ऐसे चीजें चले आ रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि अकाली दल लॉन्च द मूवमेंट ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। वही बताया पंजाब और नेबरिंग स्टेट्स के बीच में वाटर शेयरिंग जो हो रहा है वो, उसमें उन्होंने बोला कि पंजाब इज ऑन दी कह सकते हैं डिसएडवांटेजियस साइड। फिर जो रिलीजियस लीडर्स थे उन्होंने ऑटोनॉमी ऑफ सिख आइडेंटिटी की डिमांड रेस करी। ऑटोनॉमी ऑफ सिख आइडेंटिटी मतलब क्या है कि हिंदुइज्म से सिखिज्म को अलग निकाला जाए। ठीक है, उस तरह की। फिर उसके बाद क्या है, मोर एक्सट्रीम एलिमेंट स्टार्टेड एडवोकेटिंग सक्सेशन फ्रॉम इंडिया एंड द क्रिएशन ऑफ खालिस्तान। खालिस्तान की क्या समस्या है देखो, तो जैसे अगर आप देखेंगे क्या देखोगे कि ये हमारा प्यारा पंजाब, ठीक है, और अब क्या हो रहा है कि एक पंजाब यहां भी है, किधर एक पंजाब यहां भी है, एक पंजाब जैसे अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान का भी पंजाब है। ठीक है, पाकिस्तान का भी पंजाब है। तो खालिस्तानी लीडर्स जो हैं, तो खालिस्तानी लीडर्स हु आर ऑपरेटिंग बैक देयर फ्रॉम कनाडा एंड लंदन। ठीक है, तो वो लोग जो थे तो उन लोगों ने क्या किया, ये खालिस्तान का आइडिया जो है, ये खालिस्तान का आइडिया जो है पिच किया, और उस खालिस्तान के आइडिया के सपोर्टर्स जैसे आप इंडिया में भी ग्रो होने लगे। एंड इनफैक्ट पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के उस समय पे लीडरशिप जो थी, पॉलिटिकल लीडर्स थे, तो उन्होंने सपोर्ट किया इस चीज को, क्या कि खालिस्तान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देवर मोर हैप्पी। 71 में हमने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए थे, कैसे, ईस्ट पाकिस्तान आजाद हो गया था बांग्लादेश। तो पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडरशिप को लग रहा था कि खालिस्तान की बात को हवा देके वो इंडिया को भी कमजोर कर देंगे। तो दिस वॉज द आइडिया कि एक इंडिया का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब, ये मिला के खालिस्तान बनना चाहिए। ठीक है, खालिस्तान बनना चाहिए, और इसके फिर मतलब वही कि सिख कौम जो है तो सिख कौम के लिए एक अलग इंडिपेंडेंट नेशन होना चाहिए। और प्रॉब्लम ये हो रही है कि जैसे आप देखोगे तो इसका डिमांड जो है, तो इसका डिमांड क्या है, फॉरेन कंट्रीज में बेस बना के वहां से फॉरेन डायस्पोरा जो है फंड पहुंचा के ये सारी चीजें हो रहा था। अब जब ये सारी स्थिति हो रही थी तो ये खालिस्तान मूवमेंट की रेडिकल डिमांड भी उठी, और इस तरह के रेडिकल लीडर जो थे जैसे जरनैल सिंह ब्रिंदनवाल, ठीक है, तो इन्हें क्या किया गया, इन्हें सपोर्ट मिला। अब क्या होता है, डिमांड आपको समझ में आई गई थी डिमांड क्या थी, अब वो डिमांड को पूरी करने के लिए क्या हो रहा है, वो डिमांड को पूरी करने के लिए एक तरह से मिलिटेंट्स तैयार हो गए थे कैसे, कि आर्मी लाइन पे, ठीक है, आर्मी लाइन पे तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्या कहेंगे कि आर्म्ड मिलिटेंट्स रेडी हो गए थे। ठीक है, तो अकाली मूवमेंट चला दिया गया, और ये जो अकाली मूवमेंट चलाया गया, खालिस्तानी मूवमेंट जो चलाया गया, तो दिस लीडरशिप वॉज पास फ्रॉम मॉडरेट अकालीस टू द एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स। ठीक है, तो अभी तक जो पहले तक अकाली लीडर्स रहते तो वो पॉलिटिकल सोल्यूशन चाह रहे थे, लेकिन अब जब ये अकाली मूवमेंट जो है, खालिस्तान मूवमेंट जो है, आई गेस हाँ अकाली मूवमेंट जिसे खालिस्तान मूवमेंट कह लो आप, तो इसमें अब लीडरशिप जो है, तो मॉडरेट अकाली जो थे ना, जो पॉलिटिकल सोल्यूशन चाह रहे थे प्रॉब्लम का, तो उनसे ये पास ऑन होके मूवमेंट किसके पास चले गया, वो मूवमेंट उनसे पास ऑन होके चले गया एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स के पास, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स के पास चले गया, जो कि मिलिटेंट वो थे, कह सकते हैं ग्रुप्स थे, जो कि मिलिटेंट ग्रुप्स थे, जिन्होंने हथियार अपने हाथ में उठा लिए थे। ठीक है, अकाली इंसर्जेंसी आपको देखने को मिल रही थी, जहां पे दीज मिलिटेंट मेड देयर हेडक्वार्टर्स इनसाइड दी सिख होली श्राइन द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। ठीक है, तो अब जैसे आपको बताया कि क्या हो रहा है, अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल है, होली श्राइन जो है, ठीक है, सिख कम्युनिटी और वी कैन से दी ऑल द कम्युनिटीज थ्रू आउट द कंट्री हैव फेथ इन दैट कह सकते हैं
मतलब एक तरह से तीर्थ है ना वो, तो उस तीर्थ में जहां पे हर एक इंसान की क्या है श्रद्धा थी, तो इन्होंने क्या कर लिया, जैसे बोलते हैं ना कि सॉफ्ट टारगेट बना लिया, तो उन्होंने मंदिर का सहारा लेते हुए क्या है, अमृतसर मंदिर का सहारा लेते हुए वहीं को, उसी श्राइन को, होली श्राइन को अपना क्या बना लिया, बेस बना लिया। सारे मिलिटेंट्स वहीं से ऑपरेट करने लगे, सारे मिलिटेंट्स वहीं से ऑपरेट करने लगे, और गवर्नमेंट को ना चाहते हुए फिर क्या करना पड़ा, उस होली श्राइन में मिलिट्री ऑपरेशन चलाना पड़ा। कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है, देखो एक तो सेंसिटिव इशू है तो बहुत वर्ड चूज कर करके बोलना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या हो रहा है कि आप यहां जो मिलिटेंट्स को देखोगे, तो अ सेक्शन ऑफ रिलीजियस लीडर्स रेज द क्वेश्चन ऑफ ऑटोनॉमस सिख आइडेंटिटी, एक्सट्रीम एलिमेंट जो थे, तो एक्सट्रीम एलिमेंट्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है, जैसे यहां पे जैसे आपको देखो जरनैल सिंह ब्रिंदनवाला मैंने बताया, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने मूवमेंट को अपनी इंसर्जेंसी को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए बेस कहां बनाते हैं, बेस बना लेते हैं सिख होली श्राइन द गोल्डन टेंपल को। अब क्या है, अब दिखती बात है कि अगर टेररिस्ट वहां पे है तो वहां तक पहुंचने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन चलाना पड़ेगा, तो सरकार ने यहां पे गलती कर दी। मतलब इसको सिख कम्युनिटी एक तरह की गलती की तरह कंसिडर करती है क्या, कि गवर्नमेंट शुड नॉट हैव कैरी आउट दी मिलिट्री ऑपरेशन इन दी होली श्राइन, ठीक है। और हुआ भी वहां पे क्या, तो जैसे इन्होंने एक आर्म्ड फोर्ट्रेसेस बना लिया आतंकवादियों ने, जैसे अगर आप देखोगे तो पूरा सब हथियार वगैरह वहीं पे और वहां से ऑपरेट करने लगे गुरुद्वारा से। अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को चाहते हुए ना चाहते हुए क्या करना पड़ा, गवर्नमेंट का रिएक्शन ये हुआ कि जून 1984 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैरिड आउट ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कैरी आउट करना पड़ा, जहां पे अमृतसर के अंदर क्या करा, जैसे अगर आप देखेंगे तो जो प्रांगण है, ठीक है, गुरु गोविंद कह सकते हैं जो गोल्डन टेंपल का, तो गोल्डन टेंपल के प्रांगण में जब मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया, तो उसके चलते क्या है कि आपको क्या देखने मिलते हैं कि आर्मी एक्शन एट गोल्डन टेंपल टू फ्लश आउट द मिलिटेंट्स, बट इट आल्सो डैमेज द हिस्टोरिक टेंपल एंड डीपली हर्ट द सेंटीमेंट ऑफ सिख। अब जो भी है, ठीक है, वी आर लिविंग इन अ कंट्री फुल ऑफ रिलीजियस सेंटीमेंट्स, हर धर्म और हर धर्म को अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने का, अपने धर्म के साथ सेंटीमेंट जोड़ने का अधिकार है पूरा पूरा। और वही यहां पे हुआ कि वॉट एवर दी केस वॉस हियर, ठीक है, स्ट्रेटेजिक टर्म्स में जैसे देखें तो गवर्नमेंट ने वो अप्रोच रखी कि मिलिटेंट्स को खत्म करना है, लेकिन उस पूरी प्रोसेस में मिलिट्री ऑपरेशन जब चलाया गया गोल्डन टेम्पल में टू फ्लश आउट द मिलिटेंट्स, यहाँ पे क्या होता है कि हिस्टोरिक टेम्पल जो है, अब वही है कि ऐसा थोड़ी ना कि आम छुरी चप्पन छुरी खेल रहे हैं, वहां पे मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, बम गोले बारूद चलेंगे, ठीक है, मिलिटेंट्स भी और आर्मी भी, तो उसके चलते क्या होता है कि हिस्टोरिक टेम्पल का एक पार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है, और जो सिख कम्युनिटी थी ऑल ओवर द कंट्री दे गॉट डीपली हर्ट, ठीक है, फ्रॉम दिस। और इसी के चलते क्या, लार्ज प्रपोर्शन ऑफ सिख इन इंडिया एंड अब्रॉड सॉ द मिलिटेंट ऑपरेशन एज एन अटैक ऑन देयर फेथ एंड दिस गेव फर्दर इंप्यूटस टू मिलिटेंट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। और फिर वही है कि अब क्या, आप सिचुएशन बिगड़ती जा रही थी, कैसे बिगड़ती जा रही थी, तो जो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे क्या है, द रेजोल्यूशन, ये जो पूरी बात थी ऑटोनोमस कह सकते हैं ऑटोनोमस सिख रीजन की, और ये वो सारी चीजें, तो शुरुआत में दिस रेजोल्यूशन हैज लिमिटेड अपील टू द सिख मासेस, लेकिन आफ्टर ऑल दीज इवेंट्स, ठीक है, ये ऑपरेशन ब्लू स्टार वगैरह इन सारी चीजों के बाद आपको क्या देखने को मिलता है कि लार्ज प्रपोर्शन ऑफ सिख इन इंडिया एंड अब्रॉड, फिर उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि नहीं, ठीक है, मतलब वो न्यूट्रल साइड से किस तरफ होने लगे थे, न्यूट्रल साइड से, जैसे अगर आप देखेंगे तो लार्ज प्रपोर्शन ऑफ सिख कम्युनिटी इन इंडिया एंड अब्रॉड, ठीक है, दे स्टार्टेड टिल्टिंग टुवर्ड्स, आपको क्या देखने को मिलता है, मतलब एक तरह से मिलिटेंट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप खालिस्तान की मूवमेंट के टुवर्ड्स, या फिर कह सकते हो आप क्या कि अकाली इंसर्जेंसी के टुवर्ड्स क्या होने लगा, उनका टिल्टेशन होने लगा, और उसके चलते क्या होने लगा, उसके चलते आप सिचुएशन बिगड़ती चले गई। अब आप सोच रहे होंगे सर, अब जब सिचुएशन बिगड़ गई तो फिर सिचुएशन सुधरी कैसे, ठीक है, ये सब खत्म कैसे हुआ, हाउ डिड ऑल दिस एंड, ठीक है, ये पूरा का पूरा खत्म कैसे हुआ एपिसोड, तो एपिसोड इतनी आसानी से खत्म नहीं हुआ, एपिसोड ने बहुत खून पिया है, ठीक है, तब जाके कहीं ना कहीं शांति आई है, तो शांति कैसे आई बताता हूँ, देखो शांति अभी आई नहीं है, तो अब फिर क्या हो रहा है, ये पूरी सिचुएशन होगी समझना, 1984 इस टाइम पीरियड पे प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री की थी इंदिरा गांधी, ध्यान करो, टॉपिक्स कनेक्ट करते चलो, मैं एक भी डेट आपको इसलिए याद नहीं करवाता हूँ, क्यों, क्योंकि वो जो पैटर्न पढ़ोगे तो पैटर्न में अपने आप समझ में आएगा, जनता गवर्नमेंट हार जाती, मतलब जनता गवर्नमेंट को डिसमिस करना पड़ता है, चौधरी चरण सिंह जो थे, चौधरी चरण सिंह जो थे तो चौधरी चरण सिंह को सपोर्ट देके कांग्रेस ने सरकार बनाई 1980 में, वो भी गिर गई धड़ाम से, वो जब गिर जाती है तो फिर फ्रेश चुनाव जो होते तो उसमें कांग्रेस जीत जाती है 1980 में, ध्यान आ रहा है, अब 1980 में जो कांग्रेस जीतती तो इंदिरा गांधी फिर प्राइम मिनिस्टर बनती है इमरजेंसी के एपिसोड के बाद, तो 1980 से अब इंदिरा गांधी का टर्म पीरियड चल रहा है, और ये सब कुछ 82 जैसे ब्रिंदनवाला जो थे क्या नाम इनका, हाँ जरनैल सिंह ब्रिंदनवाला, तो 1980 के बाद में 82 के बाद में ही ये एक्टिव होते हैं, 80s के बाद में जो डिमांड थी खालिस्तान की वो और तेज होती है, उसी टाइम पीरियड में जैसे अगर आप देख रहे हो जून 84
84 में, जून 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता था, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, ये सारी चीजें होती है। तो अब यहां पे क्या पॉइंट है कि इंदिरा गांधी जो थी, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो गया, ठीक है। अभी भी आप जैसे देखेंगे तो एवरीथिंग वॉज नॉट सेटल्ड इन पंजाब, जो सेंटिमेंट्स थे, फेथ थे लोगों के, वो हर्ट हुए थे। तो वहां पे कहीं ना कहीं एक ये चीज थी, मतलब कह सकते हैं एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन वॉज देयर, ठीक है, डर का माहौल, शक का माहौल बना हुआ था। उस बीच में एक इंसिडेंट क्या होता है, देखो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड, असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी फर्दर कॉम्प्लिकेटेड द पंजाब प्रॉब्लम। कॉम्प्लिकेट कैसे कर दी वो बताता हूं। तो इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलवाया, अब इंदिरा गांधी से बदला लेने की भावना से, जो इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड थे जो कि सिख थे, सिख कम्युनिटी के थे, तो इंदिरा गांधी के दोनों बॉडीगार्ड ने इंदिरा गांधी को क्या कर दिया, गोलियों से छलनी कर दिया, ठीक है। तो ऑन 31 अक्टूबर, ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया था कब, जून में, जून के बाद में जुलाई, और जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ऑन 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड आउटसाइड हर रेसिडेंस बाय हर बॉडीगार्ड। बोथ द असैसिन्स, ठीक है, वर सिक्स एंड वांटेड टू टेक रिवेंज फॉर ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब इसके चलते क्या हुआ, देखो सिख कम्युनिटी गवर्नमेंट से नाराज थी और सिख कम्युनिटी के बॉडीगार्ड्स ने गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया। तो कंट्री में क्या है, कंट्री में सिख कम्युनिटी, ठीक है, गवर्नमेंट के सपोर्टर्स, झड़प हो गई, एक तरह से झड़प हो जाती है। तो इसका रिएक्शन क्या होता है, अल्टीमेटली आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी वायलेंस ब्रोक आउट इन दिल्ली एंड मेनी पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया अगेंस्ट द सिख कम्युनिटी। तो जहां जहां सिख कम्युनिटी रहती थी, तो वही होता है कि फिर मतलब दंगे ऐसी, आग ऐसी कह सकते ना, भड़कती है, तो वो आग भड़क गई यहाँ पे, ठीक है। मोर देन 2000 सिख वर किल्ड इन नेशनल कैपिटल, द एरिया वर्स्ट अफेक्टेड बाय दिस वायलेंस एंड दिस वॉज द वर्स्ट। मतलब यूजुअली क्या देखा जाता है कि दंगों को हिंदू मुस्लिम के साथ जोड़ दिया जाता है, लेकिन दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द वर्स्ट फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, बेगुनाह हिंदू, बेगुनाह सिख, दोनों ही लोगों की बहुत ज्यादा जाने गई, ठीक है। और कारण बस वही पॉलिटिकल रोटियां सेकने के चक्कर में, ठीक है, हंड्रेड ऑफ सिख वर किल्ड इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, स्पेशली इन प्लेसेस लाइक कानपुर, बोकारो एंड चास, ठीक है। तो वो हुआ अमृतसर में, हुआ दिल्ली में, सारा सब कुछ है, लेकिन पूरा का पूरा देश झुलस रहा था, बहुत सारे सिख भाइयों की, बहुत सारे हिंदू भाइयों की क्या हो रही थी, जाने जा रही थी। मेनी सिख फैमिलीज लॉस्ट देयर मेल मेंबर्स एंड दस सफर्ड ग्रेट इमोशनल एंड हैवी फाइनेंशियल लॉसेस, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे तो सिख कम्युनिटी वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस कम्युनिटी, ठीक है, स्टिल इट इज द वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस कम्युनिटी इन द रीजन ऑफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ठीक है। और उस टाइम पीरियड में क्या हुआ, दंगे के नाम पे बहुत सारे घरों में मेल मेंबर्स जो उनकी डेथ होती है दंगों के नाम पे, क्या है, बहुत सारी फैमिलीज ने इमोशनली फाइनेंशियली लॉसेस बियर किए, दुकानें जला दी गई, ये सारा सब कुछ, ठीक है। और ये पूरा जो सब कुछ हो रहा था, व्हाट हर्ट द सिख मोस्ट वाज दैट द गवर्नमेंट टुक अ लॉन्ग टाइम इन रिस्टोरिंग नॉर्मलसी, ठीक है। और यहाँ पे सिख कम्युनिटी फेल्ट दिस कि जो सब पूरा जब जल रहा था, पंजाब जल रहा था, दिल्ली जल रहा था, देश के अलग अलग हिस्से जल रहे थे, सरकार जलने दे रही थी, सरकार ने नॉर्मलसी को रिस्टोर करने में बड़ा समय ले लिया। अब जब सरकार ने नॉर्मलसी को रिस्टोर करने में समय लिया, तो दिस हर्ट द मोस्ट द सिख कम्युनिटीज, ठीक है, एंड दैट द परपेट्यूएट्स ऑफ दिस वायलेंस वर नॉट इफेक्टिवली पनिश्ड, ठीक है। और जो परपेट्यूएट्स थे, मतलब कहा जाता है क्या, जैसे कि संजय गांधी जो थे, तो संजय गांधी ने उस समय में बहुत त्राही त्राही मचाई, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऐसा था ना कि क्या, नहीं संजय गांधी नहीं, I am not specific about this, तो अभी आप इसको यहां तक सीमित रखो, क्या किस टाइम पीरियड तक, जैसे अगर आप देखोगे तो इस टाइम पीरियड तक क्या हो रहा था कि बहुत ज्यादा क्या हुआ, इमरजेंसी के टाइम में त्राही त्राही मचाई थी, ठीक है। संजय गांधी आई गेस जब तक उनकी डेथ हो चुकी थी इस टाइम पीरियड तक, तो संजय गांधी की पहली डेथ हो गई थी। तो कुल मिला के ये है कि जब ये सारा इंसिडेंट हुआ, असैसिनेशन हुआ इंदिरा गांधी का, ये सारा सब कुछ पार्ट हुआ, ठीक है, तो उसके चलते आपको क्या देखने को मिल रहा था कि पीपल वर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने चीजों को वापस कह सकते हैं पीस एस्टैब्लिश करने में बहुत ज्यादा, रिस्टोर करने में बहुत ज्यादा टाइम ले रही थी, वायलेंस जो था इफेक्टिवली, जो लोग वायलेंस कंडक्ट कर रहे थे दे वर नॉट पनिश्ड, ये सारी चीजें हो रही थी, ठीक है। और आप जिससे देखोगे ना, तो पंजाब क्राइसिस जो पंजाब रॉयट्स का वो रहा, तो 20 साल बाद 20 इयर्स लेटर स्पीकिंग इन द पार्लियामेंट इन 2005 की घटनाएं थी, 2005 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एक्सप्रेस्ड रिग्रेट ओवर द किलिंग्स एंड अपोलोजाइज टू द नेशन फॉर द एंटी सिख वायलेंस, जो एंटी सिख वायलेंस पूरे देश में हुए थे उसके लिए, उस फिर 2005 में सिख प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो थे, तो उन्होंने उस चीज के लिए रिग्रेट और अपोलोजाइज भी किया कि जो हुआ वो गलत हुआ, देश में नहीं होना चाहिए था ऐसा, ठीक है। तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ पंजाब,
ठीक है। अब पॉइंट देखो, पंजाब का पूरा क्राइसिस समझ में आया, पंजाब की रीजनल एस्पिरेशंस, रीजनल एस्पिरेशन के बाद में कैसे वो रीजनल एस्पिरेशन जो है तो उसके चलते क्या कॉस्ट पे करना पड़ी, वायलेंस वगैरह वो सारी चीजें, अब अगर वो पूरा समझ में आया तो अगर एक कदम और आगे बढ़े तो सवाल ये आता है कि हाउ दी पीस वॉज रिस्टोर्ड, देन शांति कैसे स्थापित की, ठीक है। तो वायलेंस, हाउ दी पीस वॉज रिस्टोर्ड, तो द न्यू प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बाद में राजीव गांधी, ठीक है, इनिशिएटेड अ डायलॉग विद मॉडरेट अकाली लीडर्स। तो एक्सट्रीमिस्ट अकाली लीडर्स जो थे तो मेनी ऑफ देम वर बीइंग किल्ड, ठीक है, कुछ देश से बाहर निकल गए सारी चीजें। और अब जो मॉडरेट अकाली लीडर्स थे, तो देखो खून किसी को भी पसंद नहीं आता, तो मॉडरेट अकाली लीडर्स भी चाहते थे कि शांति स्टैब्लिश हो जाए जल्दी से, ठीक है, शांति स्थापित हो जाए। तो उस समय उसके बाद में जो प्राइम मिनिस्टर आए राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बाद में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायलॉग स्टार्ट किया किसके साथ में, देखो राजीव गांधी को इस चीज के लिए क्रेडिट दिया जाता है क्या, कि सिर्फ यहां से मतलब नहीं है, जैसे अगर आप आगे देखोगे अभी कहां आगे नॉर्थ ईस्ट में भी उन्होंने पीस एस्टैब्लिश करने के लिए इंपॉर्टेंट डायलॉग्स चलाए, ठीक है। तो यहां पे मतलब, और यही एक हिस्ट्री से लेसन सीखने का क्या, कि व्हेन द थिंग्स आर नॉट गुड द ओनली वे टू मेक देम गुड इज टू हैव अ फ्रूटफुल कन्वर्सेशन, हैव हेल्दी डायलॉग्स। गवर्नमेंट इधर से अगर रिप्रेशन दिखाएगी, उधर से एक्सट्रीमिस्ट जो है वो रिटेलिएट करेंगे, तो कभी आप शांति स्टैब्लिश नहीं कर पाओगे, ठीक है, ईंट के बदले वही है कि पत्थर वाला काम चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, द ओनली वे आउट वॉज टू हैव फ्रूटफुल डायलॉग्स एंड नेगोशिएशंस। तो वही होता है, मॉडरेट अकाली लीडर्स जैसे हरचंद सिंह लोंगवाल जो थे, तो इनके साथ में नेगोशिएशन टेबल पर बैठते हैं राजीव गांधी। जुलाई 1985 जो है, तो जुलाई 1985 में ही रीच्ड एन एग्रीमेंट विद हरचंद सिंह लोंगोवाल, ठीक है, द देन प्रेसिडेंट ऑफ अकाली दल। तो जब अकाली दल के जो मॉडरेट लीडर्स थे, तो उनमें प्रेसिडेंट थे हरचंद सिंह लोंगोवाल, ठीक है, तो इनके साथ में नेगोशिएशन होता है और राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड साइन होता है, या फिर जिसे पंजाब अकॉर्ड कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है, ठीक है, व्हेन एंड बिटवीन हूम द पंजाब अकॉर्ड वॉज साइन, व्हाट वर द प्रोविजंस इन इट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मॉडरेट लीडर थे सिख लीडर, सिख अकाली दल के, ठीक, इनका नाम क्या था, संत हरचंद सिंह लोंगोवाल, सिख पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर, बिगेन हिज पॉलिटिकल करियर इन द मिड 60s एज अकाली लीडर, बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ अकाली दल इन 1980, रीच्ड एन एग्रीमेंट विद प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ऑन द की डिमांड्स ऑफ अकालीज, असासिनेटेड बाय अनआइडेंटिफाइड सिख यूथ। फिर देखो क्या है, अब मतलब यही है कि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे वो शांति थोड़ी ना चाहते थे, तो इन्हें इनका असासिनेशन भी हो जाता है, क्या बोल सकते हैं, पंजाब अकॉर्ड के बाद में, कि इन्होंने राजीव गांधी के साथ में जब चीजों को एस्टैब्लिश करने का कुछ अकाली दल की डिमांड को माना गया और कुछ डिमांड कैंसिल भी करी, तो लेकिन जो खालिस्तान की डिमांड थी, मतलब किसी भी कंटेक्स्ट में हम कंट्री को अलग, कंट्री से एक भी हिस्सा, एक इंच भी जमीन किसी और को थोड़ी ना देंगे या फिर अलग थोड़ी ना करेंगे, तो वही पॉइंट था, खालिस्तान की डिमांड को हम कभी भी एक्सेप्ट करना चाह नहीं रहे थे। अकाली लीडर्स ने कुछ मॉडरेट डिमांड्स मॉडरेट लीडर्स की मान के इस तरह से पंजाब अकॉर्ड के थ्रू पीस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी थी, लेकिन ये कुछ सिख यूथ, अनआइडेंटिफाइड सिख यूथ को पसंद नहीं आया। And we can say these unidentified Sikh youth, maybe those who were extremists, those who were not in support of this peace accord, उन लोगों ने ही शायद इन्हें assassinate कर दिया हो, ठीक है। तो संत हरचंद सिंह लोंगोवाल ध्यान रखना है। तो कहानी अगर ध्यान आ रही है, तो पीस कैसे आई, राजीव गांधी ने डायलॉग किया विद दी मॉडरेट लीडर्स इन जुलाई 1885 और अल्टीमेटली साइन होता है पंजाब अकॉर्ड, जिसे राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या प्रोविजन थे देखो, तो इट वॉज एग्रीड दैट चंडीगढ़ वुड बी ट्रांसफर टू पंजाब, ये एग्री कर लिया गया कि चंडीगढ़ जो है पंजाब को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अभी तक नहीं हुआ, ठीक है, दैट इज द बॉटलनेक आज भी, जैसे अगर आप देखोगे दैट इज द बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है, इट वॉज एग्रीड दैट चंडीगढ़ वुड बी ट्रांसफर, लेकिन आपको ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल दोनों का है और उसको यूनियन टेरिटरी बना के चला रहे हैं काम, ठीक है। अ सेपरेट कमीशन वुड बी अपॉइंटेड टू रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब और हरियाणा के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने के लिए सेपरेट कमीशन कंस्टिट्यूट किया जाएगा, जो कि किया गया है, लेकिन वो कभी कह सकते हैं कि कंक्लूसिव नहीं हो पाया है किसी भी सेंस में। अ ट्रिब्यूनल वुड बी सेट अप टू डिसाइड द शेयरिंग ऑफ रावी ब्यास रिवर वाटर अमंग पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान, पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच में जो वाटर शेयरिंग को लेकर डिमांड उठाई थी, तो उस पर हम बात करेंगे, इस तरह से एक ट्रिब्यूनल सेटअप किया जाएगा, ये चीज हो गई। द एग्रीमेंट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द कंपनसेशन टू द बेटर ट्रीटमेंट ऑफ दोज अफेक्टेड बाय द मिलिटेंसी इन पंजाब, तो जो ये दंगे हुए सब 84 के बाद में, ठीक है, सन 84 के जो दंगे हुए पंजाब में, तो उससे जिन लोगों के, मतलब वही वाली बात है ना, जब दंगे होते हैं तो ये थोड़ी देखा जाता है कि कौन बेगुनाह है कौन गुनाहगार है, हर इंसान का घर जलता है, हर इंसान को सफर करना पड़ता है, तो जो इनोसेंट्स थे, ठीक है, जो अफेक्टेड थे इस मिलिटेंसी से पंजाब में, उन लोगों को क्या दिया जाएगा, प्रॉपर कंपनसेशन दिया जाएगा। अगली चीज, द विड्रॉल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट,
ठीक है, आफ्सपा लगा हुआ था। आफ्सपा मतलब क्या है कि अब क्योंकि इनस्टेबिलिटी बहुत थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्मी उतार दी थी। यूजुअली स्टेट में आर्मी का क्या काम, बॉर्डर्स पे रहता है, लेकिन कंट्री के अंदर की सिचुएशन जब हद से बाहर चली जाती तो आफ्सपा लगाया जाता, जैसे नॉर्थ ईस्ट में है, जैसे कश्मीर में है, जैसे पंजाब में लगाया गया था। तो ये बात की गई कि वी विल विड्रॉ द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जो आफ्सपा लगा था तो उसको हम क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये पंजाब अकॉर्ड के प्रोविजंस थे। व्हाट वाज पंजाब अकॉर्ड, बिटवीन हुम इट वाज साइंड एंड व्हाट वर द प्रोविजंस, ध्यान आ गया। अब पॉइंट ये आता है कि पंजाब अकॉर्ड जो है या फिर राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड जो है, तो उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि पीस रिस्टोर की जाए। तो क्या पीस रिस्टोर हो गई तुरंत बाद? नहीं, 1985 में जैसे अकॉर्ड साइन होता है तो 1985 में ही पीस रिस्टोर नहीं होती है। क्यों? तो पीस डिड नॉट कम इजीली और इमीडिएटली, आती है शांति। आज जैसे आप देखोगे पंजाब इज वन ऑफ द प्रॉस्परस स्टेट, चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, लेकिन वो पीस इमीडिएटली नहीं आई थी। कैसे? तो द साइकिल ऑफ वायलेंस कंटिन्यूड नियरली फॉर अ डिकेड, मिलिटेंसी एंड काउंटर इंसर्जेंसी वायलेंस लेड टू एक्सेसेस बाय पुलिस एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो एक तरह से वही जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स थे, मिलिटेंट्स जो थे, वो मानने को तैयार नहीं थे, ठीक है, और उनको पकड़ने के लिए इंसर्जेंसी ऑपरेशंस वगैरह चलते रहते थे, और उसके चलते क्या होता था, ह्यूमन राइट्स का और वायलेंस और पुलिस का एक्सेसेस, ये सारी चीजें देखने को मिलती थी। तो पीस इमीडिएटली नहीं आई है। इस साल का जो सैंपल पेपर आया है तो उसमें क्वेश्चन आया है, क्या क्वेश्चन आया कि वॉज द पीस रिस्टोर्ड इमीडिएटली आफ्टर द पंजाब अकॉर्ड? तो नो, इट वॉज नॉट रिस्टोर्ड। क्यों? क्योंकि साइकिल ऑफ वायलेंस चलता रहा एक दशक तक, ठीक है, और साथ ही साथ क्या मिलिटेंसी चलती रही, उसके अगेंस्ट में इंसर्जेंसी चलती रही और सारा सब कुछ चलता रहा। ठीक है, अगर आप पॉलिटिकल सिचुएशन को समझोगे तो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ अकाली दल, पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी रही है कि अकाली दल बहुत ज्यादा क्या रहा है, फ्रेगमेंटेड रहा है। अकाली दल बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड रहा है। कैसे फ्रेगमेंटेड रहा है अकाली दल? मतलब कि मैंने आपको बताया ना कि कहीं एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं, कहीं मॉडरेट लीडर्स हैं, उनके अलग डिमांड, इनके अलग डिमांड, तो उस कारण से भी क्या है कि एक वननेस नहीं देखने को मिली कि वो क्या चाह रहे हैं। क्लियर हुआ? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू इंपोज प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट एंड द नॉर्मल इलेक्टोरल प्रोसेस एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस वर सस्पेंडेड। ठीक है, तो अब लंबे समय तक क्या है, प्रेसिडेंट रूल लगा के रखा। प्रेसिडेंट रूल अगर आप जैसे देखोगे इमरजेंसी के केस होते हैं, नेशनल इमरजेंसी लगती है जो हमने इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में देखी, उसके अलावा स्टेट इमरजेंसीज भी लगती है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को अगर उठा के देखोगे। तो स्टेट इमरजेंसीज में क्या होता है, स्टेट इमरजेंसीज की अगर बात की जाए तो स्टेट इमरजेंसीज में अगर किसी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ब्रेकडाउन होते दिखता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इंपोज प्रेसिडेंट रूल इन दैट स्टेट। मतलब अब उस राज्य में संवैधानिक रूप से क्या है, स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, स्थिरता नहीं है, तो इस कारण से क्या हो रहा है कि प्रेसिडेंट जो है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वहां का कंट्रोल टुक ओवर कर रही है। तो वही होता रहा यहाँ पे, क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज कर देती थी प्रेसिडेंट रूल को, तो नॉर्मल इलेक्टोरल और पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो सस्पेंड हो जाती थी वहां की। क्लियर हो गया? इट वाज नॉट इजी टू रिस्टोर द पॉलिटिकल प्रोसेस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड वायलेंस। तो ये जो पूरा एटमॉस्फेयर था, एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन और वायलेंस, इस पूरे टाइम पीरियड में इट वॉज नॉट इजी टू हैव द पॉलिटिकल प्रोसेस, चुनाव वगैरह हो नहीं रहे थे, लोगों की एस्पिरेशन एड्रेस हो नहीं पा रही थी। तो पीस डिड नॉट कम इजीली और इमीडिएटली, पांच नंबर में आता तो ये सारी चीजें लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल सिचुएशन ये थी जिसके कारण से हम बोल सकते हैं कि पीस इमीडिएटली नहीं आई। ठीक है, व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड इन पंजाब इन 1992, तो 1992 में जब प्रेसिडेंट रूल वगैरह खत्म करके इलेक्शन हुए ना, तो वोटर टर्नआउट कितना रहा पता है? मात्र 24%। लोगों को डर लग रहा था वोट देने जाएंगे, पता नहीं क्या गोलियां वोलियां चल जाए कब, तो इस कारण मात्र 24% वोटर्स टर्नआउट रहा 1992 में। ठीक है, वो तो अल्टीमेटली क्या होता है, इवेंचुअली मिलिटेंसी वॉज इरेडिकेटेड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस। तो लंबे समय तक सिक्योरिटी फोर्सेस 84 में दंगे हुए थे, 92-95 तक लगभग एक दशक ही आ गया था। 95 तक क्या होता रहा, सिक्योरिटी फोर्सेस पंजाब में कोवर्टेड ऑपरेशंस चलाते रही हैं और उसके चलते मिलिटेंसी को खत्म किया गया। लेकिन इस मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए एक ह्यूज कॉस्ट पे करना पड़ी, वो क्या थी कि राज्य 10 सालों तक क्या रहा, एक तरह से जलता रहा, वायलेंस, ह्यूमन राइट वायलेशन प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, फोकस वॉज शिफ्टेड फ्रॉम डेवलपमेंट टूवर्ड्स दी लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर में परेशान रह गए, डेवलपमेंट की बात ही नहीं हुई है। क्लियर हुआ? तो पीस रिटर्न टू पंजाब बाय द मिडिल ऑफ 1995 तक आते आते क्या होता है, पीस रिस्टोर होती है। ठीक है, फिर पीस रिस्टोर होती है तो द अलायंस ऑफ अकाली दल बादल, अब देखो वही मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि अकाली दल में बहुत सारे फ्रेगमेंटेशन है, तो आज जो जैसे देखेंगे ना बादल दल भी कहा जाता है जिसे, तो अकाली
द अलायंस ऑफ अकाली दल बादल एंड बीजेपी स्कोर्ड मेजर विक्ट्री 1997 के चुनाव में, द फर्स्ट नॉर्मल इलेक्शंस इन द स्टेट इन द पोस्ट मिलिटेंसी एरा। तो 1997 में अकाली दल, जिसे बादल दल भी कहा जाता है, और बीजेपी के साथ एसोसिएशन बना के उन्होंने क्या करा, फिर सरकार बनाई। द स्टेट इज वंस अगेन प्री ऑक्यूपाइड विद द क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज। तो फिर इसके बाद में क्या होता है कि स्टेट में फिर वही अब फोर फ्रंट पे मिलिटेंसी, लॉ एंड ऑर्डर को हटा के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सारी चीजों का मुद्दा वापस आता है। थ्रू रिलीजियस आइडेंटिटी, दो रिलीजियस आइडेंटिटीज कंटिन्यू टू बी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल, पॉलिटिक्स हैज ग्रेजुअली मूव्ड बैक अलोंग सेक्युलर लाइंस। ठीक है, तो रिलीजियस आइडेंटिटी आज भी जरूरी है। आज भी आप जैसे देखोगे तो बहुत सारे क्या है, रिलीजियस लीडर्स जो है तो उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, वहां पे रिलीजियस लीडर्स का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, लेकिन उसके बावजूद क्या है, पॉलिटिक्स जो है तो वो अब आपको सेक्युलर लाइंस पे देखने को मिलती है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है तो डेवलपमेंट की बात करती है रदर देन रिलीजन। ठीक है, वो कहने के लिए, लेकिन फाइन, दिस वॉज दी स्टोरी अबाउट पंजाब। ठीक है, पंजाब का पूरा केस था जो मैंने आपको समझाया। आई होप यू पीपल गॉट इट। पंजाब के पूरे क्राइसिस, क्या समस्या थी, क्या रीजनल एस्पिरेशन थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार के पहले और बाद का कंटेक्स्ट, और कैसे नॉर्मलसी को वहां पे रिस्टोर किया गया, इतना पूरा पार्ट हो गया हमारा। अब क्या हो रहा, देखो कश्मीर देख लिया हमने, पंजाब देख लिया, और कहां से रीजनल एस्पिरेशंस निकल के आती है। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में नॉर्थ ईस्ट की कहानी। नॉर्थ ईस्ट की जो कहानी पढ़ेंगे ना, वो बड़ी मजेदार है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आपको असम का, मणिपुर का, ठीक है, नागालैंड का, तो दो तीन स्टेट्स के बारे में जानने को मिलेगा। तो पूरा नॉर्थ ईस्ट एक साथ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में रीजनल एस्पिरेशंस वाले चैप्टर का पार्ट 4 लेकर आया हूं। बेसिकली हम लोगों ने चैप्टर में क्या क्या आइडियाज जो हमने डिस्कस कर लिया है, तो रीजनल एस्पिरेशंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या थे, क्या स्थिति थी, इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, क्या समस्याएं, क्या चैलेंजेस, वो सब कुछ। फिर एक एक करके जो सारे पार्ट्स उठाए हमने, तो उन सारे पार्ट्स में जैसे कश्मीर वाला इशू, पंजाब वाला इशू, आई नो कश्मीर वाले के लिए आप अभी कमेंट सेक्शन में फिर लिखना चालू कर देंगे, तब वो बाद में आ जाएगा, मतलब उससे हम कवर कर लेंगे, क्योंकि फिर वो क्या होता है, जब मर्ज होता है तो उसमें कहानी में कंटिन्यूटी में, मतलब वो मैं अपने एंड पे संभाल लूंगा, बेफिक्र रहो, वो आ जाएगा पार्ट। पंजाब वाला क्राइसिस हमने समझ लिया है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि पंजाब के क्राइसिस के बाद में एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो कंट्री का रहा है, जहां पे आपको रीजनल एस्पिरेशंस देखने को मिली, वो कौन सा सेगमेंट रहा है, वो रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का। तो स्पेसिफिकली जैसे आपने कश्मीर इशू देखा, तो आप वो कश्मीर को पूरा देख रहे हैं कि क्या स्थिति रही है, क्यों रीजनल एस्पिरेशंस वहां पे रोज होती है, किस तरह से गवर्नमेंट एड्रेस करती है, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद में आप पंजाब की बात देखते हैं, तो पंजाब में भी आपने पूरी स्थिति समझी कि क्या स्थिति रही है, क्यों कॉन्फ्लिक्ट्स वहां पे, मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट्स का ग्राउंड कैसे क्रिएट होता है, कैसे गवर्नमेंट एड्रेस करती है, तो अल्टीमेटली जो पंजाब पीस अकॉर्ड साइन होता है, वो सारा सब कुछ। अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर हम बात करें ना, तो पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक जगह से नहीं, मतलब पूरे नॉर्थ ईस्ट को एज अ वन यूनिट अगर आप देखोगे, तो वहां पे अलग अलग, नागालैंड में अलग समस्या थी, मिजोरम में अलग समस्या थी, आसाम में अलग समस्या थी, तो और वो अलग अलग समस्याएं जो है, तो वहां पे रीजनल एस्पिरेशंस कैसे राइज होती है, ये सारी चीजें जो है इस टॉपिक में, इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो आई होप आपको वो क्रक्स समझ में आ गया जो आपको एक्सप्लेनेशन देखने से पहले समझ में आना चाहिए। अगर आगे बढ़े तो अब बारी आती है द नॉर्थ ईस्ट। द नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें हम, तो द नॉर्थ ईस्ट में क्या कहानी है, देखो तो द रीजन नाउ कंसिस्ट ऑफ 7 स्टेट्स, ऑल्सो रेफर्ड एज 7 सिस्टर्स। फाइन, कंटिन्यूटी अगर मेंटेन करें तो पंजाब के बाद में अगला जो इस चैप्टर का एसेंस है वो क्या है, अगला जो इस चैप्टर का एसेंस है वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट में भी आपको रीजनल एस्पिरेशन देखने को मिलती है। नॉर्थ ईस्ट क्या है, तो इंडियन मेनलैंड जो है, तो इंडियन मेनलैंड का एक अभिन्न अंग, ठीक है, इंडियन मेनलैंड का एक अभिन्न पार्ट, हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा जो नॉर्थ ईस्ट के नाम से कहलाया जाता है, वो ये रहा। जैसे अगर ये इधर इंडिया है पूरा, जैसे अगर आप यहां देखोगे, यहां पे हमारा प्यारा देश भारत का, अगर ये कह सकते हैं नॉर्थ, नॉर्थ वेस्टर्न, साउथ वाला हिस्सा है, तो एक कंट्री का एक, मतलब ऐसे मान लो अगर मैं हाथ ऐसा कर दूंगा, तो ये थोड़ी ना है कि ये अलग थोड़ा दिख रहा है, तो ये शरीर का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये एक इंटीग्रल पार्ट है ना। तो वैसे ही नॉर्थ ईस्ट भी हमारी कंट्री का ये इंटीग्रल पार्ट है, जो कहां पे है, जो आपको इस तरफ की इस तरफ देखने को मिलेगा। फाइन, अब नॉर्थ ईस्ट में रीजनल एस्पिरेशंस के मल्टीपल रीजंस रहे हैं, वो सारे रीजंस मैं आपको समझाऊंगा, आपको एक बहुत अच्छा इंसाइट जानने को मिलेगा इस पार्ट में चैप्टर के, कि नॉर्थ ईस्ट में रीजनल एस्पिरेशंस क्यों अरोज होती है, उसका सोल्यूशन क्या निकल के आया, और वो सिर्फ रीजनल एस्पिरेशन तक सीमित नहीं है, वहां पे अलग अलग मूवमेंट चले, जैसे मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स, या आउटसाइडर्स कौन थे वो भी समझाऊंगा, फिर वहां पे ऑटोनॉमी की भी बात की गई, वहां पे सेपरेशन की भी बात की गई। तो कुल मिला के लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूं, तो नॉर्थ ईस्ट में आपको अच्छा इंसाइट जानने को मिलेगा
अकॉर्डिंग टू द थीम ऑफ द चैप्टर रीजनल एस्पिरेशंस। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट क्या है, दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ 7 स्टेट्स। तो ये जो 7 स्टेट है हमारे, 28 स्टेट्स है हमारी कंट्री के, 28 स्टेट्स में से 7 हमारे स्टेट जो है नॉर्थ ईस्ट के। देखो कौन कौन से, तो जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे सिक्किम भी है, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक सिक्किम 7। तो इन 7 स्टेट्स को मिलाकर क्या कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट या फिर 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। ठीक है, द रीजन हैज ओनली 4% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। तो कंट्री की जो पॉपुलेशन है हमारी पूरी, उस पूरी पॉपुलेशन का मात्र 4% हिस्सा नॉर्थ ईस्ट में रहता है, लेकिन एरिया जो है नॉर्थ ईस्ट का तो वो कितना है, डबल है। ठीक है, कंट्रीज पॉपुलेशन इज अबाउट 4% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव इन दिस एरिया, बट अबाउट ट्वाइस एज मच शेयर ऑफ इट्स एरिया। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखोगे, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जहां जितनी जगह पे 8% पॉपुलेशन रह रही होगी देश की, उतनी जगह है, ठीक है, उतनी जगह है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन पॉपुलेशन 4% है। मतलब क्या है कि पॉपुलेशन डेंसिटी, जिन बच्चों का ज्योग्राफी है जरा रिलेट करो, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, रिलेटिवली यहाँ पे कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी रिलेटिवली कम है। कारण है कि हिली फॉरेस्टेड ट्रैक्स है, रेन फॉरेस्ट रीजन में आता है, खूब बारिश होती है। तो आपने टेंगो चार्ली एक मूवी देखी है, तो वहां पे बहुत अच्छा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का एक वो दिया गया डिपिक्शन, क्या समस्याएं हैं वो भी बताई गई है। तो ऐसा नहीं है कि मूवी देख रहे हैं तो बस हाँ देख लिया, ताली बजा दी, पॉपकॉर्न खत्म कर दिया, आ गए। पुरानी मूवी है टेंगो चार्ली, लेकिन उसमें देखोगे तो आपको समझ में आ गया कि नॉर्थ ईस्ट का एक अच्छा डिपिक्शन दिया गया है। क्लियर हुआ? फिर आप देखोगे तो क्या है, स्मॉल कॉरिडोर ऑफ अवर 22 किलोमीटर कनेक्ट्स द रीजन टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, एंड दिस इज द चिकन स्नैक, जिसे बोलते हैं ना बॉटल स्नैक। ठीक है, तो यहां पे चिकन स्नैक की कहानी क्या है, क्या हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट, जैसे अगर आप देखोगे ना, अच्छे से समझना, मैप है अगर तो और बढ़िया काम होगा आपके पास में, कि ये इंडिया है जैसे, ठीक है, ओ सॉरी, मतलब ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है और ये इंडिया का ये पार्ट है जो कलरफुल दिख रहा है ना आपको, और उसके साथ साथ में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इंडिया का एक हिस्सा ये भी है। कहां पे, तो ये जो आपको इधर ये वेस्ट बंगाल की बॉर्डर दिख रही है, वेस्ट बंगाल की बॉर्डर ये ऐसे, तो ये रेड के ऊपर जो येलो कलर मैंने किया है, तो ये वेस्ट बंगाल यहां पे ऐसा है, ये येलो कलर में, तो वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट। बीच में बांग्लादेश आ गया। अब बीच में बांग्लादेश कैसे आ गया, तो बांग्लादेश पहले क्या हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान, वो ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ 1971 में, तो अब देश अलग हुआ तो ऐसे भाग के थोड़ी ना कहीं चले जाएगा, वो वहीं रहेगा। तो ये बांग्लादेश यहां पे है और बांग्लादेश बीच में एक तरह से फंसा हुआ, और फिर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारी कनेक्टिविटी जो है ना, तो सी रूट के थ्रू तो चलो ऐसा है कि ऐसा घूम के चले जाएंगे हम वाया म्यांमार, लेकिन लैंड रूट के थ्रू मात्र ये 22 किलोमीटर का एक छोटा सा कॉरिडोर जो है, ठीक है, ये कॉरिडोर जो है, तो इधर आने के बाद में फिर पूरा कंट्री हमारा है ये, लेकिन ये कनेक्टिविटी के नाम पे क्या है, ये छोटे से कॉरिडोर से होके निकलना पड़ता है 22 किलोमीटर का, ठीक है। और यही कॉरिडोर जो है, तो इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है, या फिर चिकन स्नैक भी कहा जाता है। चिकन स्नैक क्यों कहा जाता है समझते हो ना, ये पहले भी समझाया मैंने आपको, जैसे चिकन है, ठीक है, तो चिकन का ये बॉडी है, ठीक है, और ये गर्दन पतली सी रहती, फिर ऊपर सिर जरूर बड़ा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये जो पार्ट रहता है ये बहुत ज्यादा क्रूशियल रहता है ना चिकन की बॉडी में, क्यों, क्योंकि वही सबसे वल्नरेबल है। तो वैसे ही हमारी कंट्री के केस में भी क्या होगा कि नॉर्थ ईस्ट जो है, तो नॉर्थ ईस्ट का एरिया बता रहे 8% है, लेकिन आपको क्या देखने को मिल रहा है कि उसमें कनेक्टिविटी की जब बात आती है, तो कनेक्टिविटी मात्र एक छोटे से कॉरिडोर से जो कि 22 किलोमीटर का है लेंथ, मतलब विड्थ में, तो वो वहां पे बहुत स्ट्रेटेजिक हो जाता है। अब क्या हो रहा है कि समस्या में और समस्या कहां बढ़ जा रही है कि कॉरिडोर, चलो कनेक्टिविटी कम है, कोई दिक्कत नहीं, कम कनेक्टिविटी में भी काम चल जाएगा, 22 किलोमीटर बहुत होता है, लेकिन ऊपर कौन बैठा है, ऊपर जैसे अगर देखोगे तो ये यहां ये गलवान वैली तक ये आ गए चाइना वाले, ठीक है, नीचे बैठे बांग्लादेश, तो बांग्लादेश चलो आज तो अब ठीक है, हमारे रिलेशन अच्छे, एक समय पर जब पाकिस्तान के साथ में, ठीक है, एकदम मतलब ऐसे लड़ाइयां आमने सामने थी, तो उस समय ये डर रहता था कि इधर ये चाइना और पाकिस्तान, अस्वाइल जो ईस्ट पाकिस्तान था, ये दोनों ने दोस्ती कर ली तो कहीं हमारी चिकन स्नैक को दबा ना दे, तो सॉरी, बड़ा स्ट्रेटेजिकली क्रूशियल पॉइंट था ये, ठीक है, वो केस यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। फाइन, तो मैं अब इतना डिटेल में इसलिए जा रहा हूं कि आपको इससे समझ में आएगा कि रीजनल एस्पिरेशंस की समस्या नॉर्थ ईस्ट में निकल के कैसे आई। क्लियर हुआ? तो स्मॉल कॉरिडोर ऑफ 22 किलोमीटर कनेक्ट्स द रीजन टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, अदरवाइज द रीजन शेयर्स बाउंड्रीज विद चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश, and serves as India's gateway to Southeast Asia. ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि India's gateway to Southeast Asia की तरह सर्व करता है ये, कैसे कि अगर आपको Southeast Asia में पहुंचना, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के थ्रू ही आपको फिर म्यांमार और आगे जो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, उन सारी कंट्रीज में कनेक्टिविटी लैंड रूट के थ्रू ऐसे ही मिलेगी। तो इट इज एक्टिंग एज द गेटवे फॉर द नॉर्थ ईस्ट टू इंडिया। तो इसलिए
साउथ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, दे आर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस टू मेंटेन द रिलेशन विद द साउथ ईस्टर्न स्टेट्स. इनफैक्ट जैसे आप देखोगे जो लुक ईस्ट पॉलिसी हमारी, ध्यान आ रहा है कुछ, तो लुक ईस्ट पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाने में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल रोल रहेगा. क्लियर हुआ? तो ये मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बता दिया. आगे बढ़े अगर, तो द रीजन हैज विटनेस्ड अ लॉट ऑफ चेंज सिंस 1947 से. अगर आप इस देखोगे, आजादी मिली, आजादी के बाद से, जैसे इंडिया के मैप पे अगर आप देखोगे तो ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है. 1947 के बाद से आपको क्या देखने को मिलता है कि रीजन जो है, तो रीजन ने बहुत कुछ चेंजेस विटनेस किए हैं. बहुत कुछ चेंजेस कैसे विटनेस किए रीजन ने, तो इस रीजन में आपको देखने को मिलता है कि जैसे त्रिपुरा, मणिपुर एंड खासी हिल्स ऑफ मेघालय वर ईस्ट वाइल प्रिंसली स्टेट्स विच मर्ज्ड विद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो जैसे त्रिपुरा, मणिपुर, ध्यान है मणिपुर, आप मणिपुर आपने कहां पढ़ा है, वो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के पहले प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन में पढ़ा है, महाराजा बोधा सिंह, ध्यान है. तो वहां पे आपने क्या देखा था, वहां पे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे नॉर्थ ईस्ट में, जैसे त्रिपुरा में, मणिपुरा में, खांसी हिल ऑफ मेघालय, तो ये सब अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्हें मर्ज किया गया है, ठीक है. तो 1947 से आपको क्या देखने को मिलेगा कि मल्टीपल चेंजेस जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, मल्टीपल चेंजेस जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है. मल्टीपल चेंजेस आते रहते हैं. बाकी पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो जब देश आजाद हुआ, तो देश के आजाद होने के बाद ही पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन हुआ. फाइन, देश के आजाद होने के बाद ही पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन हुआ ना, तो क्या हुआ, जैसे आप देखेंगे तो नागालैंड क्रिएट किया गया 1963 में. अगेन, अगर आपने चैप्टर वन बहुत अच्छे से पढ़ा है तो अब आपको बोलोगे हाँ सर सब कुछ करण अर्जुन की तरह ध्यान आने लगा हमें भी. फाइन, क्या हो रहा है, तो नागालैंड जो है, तो नागालैंड स्टेट बनाया गया 1963 में. मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय जो 1972 में स्टेटहुड दे दिया गए. तो पहले क्या था ये, तो पहले जैसे अगर आप देखोगे तो पहले इनको क्या है, असम. जब आप देखोगे 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो एक स्टेट था असम, असम में इन सबको जोड़ दिया गया था. फिर क्या होता है, रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड होती है, आगे बताऊंगा. तो उसके चलते असम से अलग किया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया, फिर यूनियन टेरिटरी से स्टेटहुड दिया गया. स्टेटहुड देने के बाद में भी कुछ जगह डिमांड ये चलती रही कि हमें कंट्री बनाओ अलग, तो वो सक्सेशन की डिमांड भी हुई रीजनल एस्पिरेशंस में, जैसे हमने खालिस्तान के केस में देखा, जैसे हमने कश्मीर के केस में देखा. तो आपको आगे अभी कनेक्ट करवाता हूं मैं, ठीक है. तो पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टेट का, तो नागालैंड को स्टेट की तरह पहली बार बनाया गया. पूरे नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड पहला स्टेट बना, जैसे अलग स्टेट, असम तो था ही, नागालैंड को अलग स्टेट बनाया गया 1963 में. फिर आपको क्या देखने को मिलता है, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय जो है, तो 1972 में इन्हें स्टेट्स बनाया गया. फिर क्या है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जो है, तो इन्हें सेपरेट स्टेट बनाया गया 1987 में. नहीं तो पहले क्या थे, ऑटोनोमस प्रोविंस के तरह थे, या फिर कह लो कि कोई यूनियन टेरिटरी की तरह था, वो सारा सिस्टम चल रहा था. समझ में आया? तो 1947 से ही देखोगे तो रीऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनॉमी ग्रांट करना, कोई यूनियन टेरिटरी, किसी को स्टेट, ये जोड़ तुगड़ा चलती रही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में. क्लियर हुआ? ये सारी कहानी रही है. फिर जैसे अगर हम देखेंगे ना, तो पार्टीशन के बाद से स्टेट में और क्या क्या चीजें रही है, समस्याएं क्या क्या रही है, तो देख लो प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स, ठीक है, विच द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, प्रॉब्लम्स विच द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सफर्ड सिंस द पार्टीशन ऑफ इंडिया. तो पार्टीशन रिड्यूस द नॉर्थ ईस्ट टू लैंडलॉक्ड रीजन एंड अफेक्टेड इट्स इकोनॉमी. पार्टीशन के बाद से क्या देखने को मिला आपको, कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक लैंडलॉक्ड स्टेट की तरह बीच में धंसा रह गया. कैसे? क्योंकि इधर देखोगे तो ये पूरा इधर क्या फैला हुआ है, इधर देखोगे जैसे अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा क्या, कि ये बे ऑफ बंगाल है, ओशियन से कनेक्टिविटी है नहीं, क्योंकि ये बांग्लादेश की बॉर्डर्स पूरी फैली हुई है. पहले पार्टीशन नहीं हुआ था तो ये भी इंडिया था, ये भी इंडिया था, सब इंडिया ही इंडिया था, तो कनेक्टिविटी थी वहां तक. लेकिन पार्टीशन के बाद से क्या है कि इधर से कनेक्टिविटी मात्र 22 किलोमीटर की रह गई, इधर समुद्र का रास्ता मिला नहीं है, इधर म्यांमार आ गया, ऊपर चाइना आ गया, तो इतना ये पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा एक लैंडलॉक्ड, मतलब चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ हिस्सा रह गया. उसकी कनेक्टिविटी इंडियन मतलब कह सकते हैं इंडियन नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है ना, तो उस पार्ट से क्या रह गई, थोड़ी सी कम रह गई, उस पार्ट से कनेक्टिविटी कम रह गई. फाइन, तो एक ये प्रॉब्लम हुई. तो पार्टीशन के बाद में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वॉज रिड्यूस टू द लैंडलॉक रीजन एंड दिस अफेक्टेड इट्स इकोनॉमी. अब क्या है कि उतना ट्रेड नहीं हो पा रहा, उतनी कनेक्टिविटी नहीं है, तो समझ में आया. अगला क्या है, कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया एंड द रीजन सफर्ड नेग्लेक्ट इन डेवलपमेंटल टर्म्स. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि क्योंकि कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, तो वो रेस्ट ऑफ द इंडिया का जो पार्ट है उससे थोड़ा सा कट ऑफ सा रहा. उस कारण से क्या हुआ कि डेवलपमेंट के टर्म्स में नेग्लेक्ट होता चले गया वो क्षेत्र. फाइन, इट्स पॉलिटिक्स टू रिमेन इंसुलेटेड. पॉलिटिक्स जो है तो
कह रहा है, देखने को मिल रहा है कि कोई पॉलिटिकली भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, आपने देखा? मतलब ये दिस इज समथिंग टू लुक इनटू, आपको देखने को मिलता है कि जो, और ये साउथ इंडिया की भी शिकायत रहती है कि इंडिया की नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में मोस्ट ऑफ द लीडर्स आर फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट या फिर सेंट्रल इंडिया, ठीक है, साउथ इंडिया नॉर्थ ईस्ट जो रहता है तो वहां वो पॉलिटिकली नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में उतना वाइब्रेंट नहीं होता है, ठीक है, वो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में उतना वाइब्रेंट नहीं होता है। सो दिस इज द क्वेश्चन मार्क कि ऐसा क्यों। फाइन, तो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स पे कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ इंडिया जो है तो उतना वाइब्रेंट नहीं रहा। इनफैक्ट साउथ इंडिया जो है तो इंडिपेंडेंस के बाद थोड़े समय तक रहा भी, लेकिन फिर धीरे धीरे धूमिल होते चले गई, वो स्ट्रेचर जो है वो नहीं मिल पाया साउथ इंडिया के लीडर्स को नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में, है ना। एट द सेम टाइम मोस्ट स्टेट्स इन दिस रीजन अंडरवेंट मेजर डेमोग्राफिक चेंजेस ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स एंड कंट्रीज। अब क्या हो रहा है, परेशानी पे और परेशानी क्या बढ़ गई कि कनेक्टिविटी नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है उतना ज्यादा, कह सकते हो डेवलपमेंटल टर्म्स में जो इंडिया का रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, पॉलिटिक्स इंसुलेटेड रही है। साथ ही साथ आपको क्या देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ आपको देखने को मिल रहा है कि जो दूसरे स्टेट्स थे, ठीक है, एट द सेम टाइम मोस्ट स्टेट्स इन दिस रीजन अंडरवेंट मेजर डेमोग्राफिक चेंज ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स एंड कंट्रीज। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं एग्जांपल क्या हो रहा है कि बांग्लादेश से हमारी बॉर्डर जो है तो पोरस है, ओपन बॉर्डर है, ठीक है, नदी नाले डेल्टा रीजन है तो कोई बॉर्डर उतनी ज्यादा क्लियरली डिफाइंड नहीं है, तो बहुत ज्यादा माइग्रेशन होता है बांग्लादेश से। लोग क्या करते हैं, बांग्लादेश में क्योंकि गरीबी समस्या तो वो लोग छोड़ छोड़ के कहे अमार सोनार बांग्ला जो है, तो वो बांग्लादेश को छोड़ छोड़ के किधर जाना चालू कर देते हैं, असम की तरफ, ठीक है, तो असम की तरफ वो आपको इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलता। फाइन, तो अब क्या हो रहा था, अब आपको देखने को मिल रहा था कि असम के जो लोग थे, लोकलाइट थे, उन्हें ऐसा लगता था कि यार हमारा डेमोग्राफिक कंपोजिशन बदलते जा रहा है, मुस्लिम पॉपुलेशन, जैसे अभी आप चैप्टर में पढ़ोगे आगे क्या है कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन फ्रॉम बांग्लादेश, ठीक है, बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हुआ टुवर्ड्स असम एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उस कारण से आउटसाइडर मूवमेंट्स भी चले, मूवमेंट्स अगेंस्ट द आउटसाइडर्स। फाइन, तो ये समस्याएं रही है दूसरे स्टेट्स से आ रहा है, इन द सेंस क्या है कि अब जैसे नागालैंड के लोग थे तो नागालैंड के लोगों को लगता था कि बांग्लादेश से असम में और असामीज जो है नागालैंड की तरफ आ रहे हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम थी। तो दूसरी कंट्री से, दूसरे स्टेट से जब इन्फिल्ट्रेशन, फॉर एग्जांपल म्यांमार से भी बहुत सारे क्या कह सकते हो आप रोहिंग्यास वगैरह आना स्टार्ट हो गए, वो प्रॉब्लम आज भी जैसे जाती है, ठीक है, चकमा ट्राइब्स के बारे में बताया गया जो इन्फिल्ट्रेट करने लगे, चकमा दे के इंडिया के बॉर्डर में घुस जाते थे, बताओ। फाइन, तो ये सारी प्रॉब्लम्स रही, तो एट द सेम टाइम मोस्ट स्टेट्स इन दिस रीजन अंडरवेंट अ मेजर डेमोग्राफिक चेंजेस ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ माइग्रेंट फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स एंड कंट्रीज। क्लियर हुआ, ठीक है, तो व्हाट आर द रीजंस फॉर राइज इन रीजनल एस्पिरेशन इन नॉर्थ ईस्ट। अब हम आते हैं, देखो मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी, उसका डेमोग्राफिक कंपोजिशन वगैरह बता दिया, क्या स्थिति थी क्या नहीं थी, तो इन्हीं सारी परेशानियों के कारण क्या है, रीजनल एस्पिरेशन स्टार्ट होती है। फाइन, तो रीजंस फॉर द राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस, मतलब उस क्षेत्र के लोगों ने अपनी डिमांड को इसी कारण रेज करना स्टार्ट कर दिया, तो व्हाट आर द रीजंस, समझो यहाँ पे, तो आइसोलेशन ऑफ द रीजन, इट्स कॉम्प्लेक्स सोशल कैरेक्टर। अब दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स रहते थे बहुत सारे, ट्राइबल ग्रुप्स एक तो अपना वो क्लोज सर्कल में रहना पसंद करते हैं, ठीक है, ऊपर से इतना इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, आप जैसे देखोगे तो गवर्नमेंट की तरफ से एज सच कोई बहुत ज्यादा कह सकते ना कनेक्शन नहीं था वहां पे, तो मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेशन नहीं हो पाना, ठीक है, वहां का सोशल कैरेक्टर अलग था, लोग ऑटोनॉमी ज्यादा डिमांड करते थे, लेकिन हाँ कंट्री बनाना है जब तो आप पूरे एरिया को कंट्रोल में लेने की कोशिश करोगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट, व्हेन इट कम्स टू कनेक्टिविटी तो वो नहीं था, तो उस कारण से क्या है, आइसोलेशन ऑफ द रीजन, इट्स कॉम्प्लेक्स सोशल कैरेक्टर एंड इट्स बैकवर्डनेस कंपेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एंड दिस इज विजिबल। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, कुछ किया होता तो दिखता, क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो आप जिस देखोगे कंट्री के रेस्ट ऑफ द पार्ट से आजादी के आज 70 साल हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, आज भी आप देखोगे तो क्या है, बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के रीजन में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। फाइन, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, देर आर अदर रीजंस आल्सो कि टेक्निकली वहां पे जो टेरेन है, वहां पे जो कह सकते हैं ज्योग्राफिकल फीचर्स है, वो अलाउ नहीं करते कि वहां डेवलपमेंट हो पाए उस लेवल पे, लेकिन फिर भी कंपेरिजन करता है कि इंसान जब वो पिक्चर में देखता है कि यार दिल्ली तो ऐसा डेवलप्ड है कि मानो पेट का पानी ना हिले, इतने अच्छे रोड है सारी चीजें, और यहाँ इतनी संघर्ष है समस्याएं हैं, तो लोगों को ऐसा लगता था कि बैकवर्डनेस का कारण यह है कि वी आर नॉट बीइंग गिवन प्रॉपर अटेंशन। तो इन सारी चीजों के कारण, एक तो आइसोलेशन है रीजन का, कॉम्प्लेक्स सोशल कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ बैकवर्डनेस ऑफ रीजन कंपेयर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिजल्टेड इन द कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ डिमांड इन दिस रीजन, और इसी के चलते क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ डिमांड जो इस रीजन में उठना शुरू हो जाती है, ठीक है, द वास्ट इंटरनेशनल बॉर्डर एंड वीक कम्युनिकेशन बिटवीन द नॉर्थ ईस्ट एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया। और फिर क्या देखो दूसरी चीज,
आपका घर अगर बिगड़ने की कगार पे है तो जो आपके पड़ोसी रहेंगे अगर उनसे आपके संबंध अच्छे नहीं है तो वो घर को पूरी तरह बिगाड़ देंगे। मतलब ये बहुत मैं आपको बेसिक क्या बोलते हैं लाइफ लेसन बता रहा हूं, लेकिन ये रियलिटी है। अगर आपका घर बिगड़ने की कगार पे है इंटरनल डिस्प्यूट से और अगर आपके पड़ोसी अच्छे नहीं है तो वो पूरा प्रयास करेंगे कि इनका घर तोड़ दिया जाए। होते ही है ना ऐसा गली मोहल्ले कॉलोनी में परिवार में। बट वही चीज यहां पे भी थी क्या कि एक तो ऑलरेडी पीपल वर हैविंग कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ डिमांड्स, ठीक है, रीजन वॉज आइसोलेटेड, देर वॉज द कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर ऑफ दिस रीजन, बैकवर्डनेस थी व्हेन कंपेयर्ड टू द डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री, तो पीपल वर नॉट ऑलरेडी सो हैप्पी अबाउट द गवर्नमेंट, दे वर नॉट सो हैप्पी अबाउट द इंटीग्रेशन विद कंट्री, ये सारी चीजें। साथ ही साथ क्या है, इंटरनेशनल बॉर्डर इतनी ज्यादा थी कि चाइना के साथ कंट्री कनेक्ट हो रहा है, म्यांमार के साथ कनेक्ट हो रहा है, उस समय पे तो ईस्ट पाकिस्तान था तो चाइना और पाकिस्तान तो ऐसे दांत पीस ही रहे थे देख के। फाइन, तो वास्ट इंटरनेशनल बॉर्डर, वीक कम्युनिकेशन, और ऐसा भी नहीं कि हम लोगों तक बहुत स्विफ्टली पहुंच पा रहे थे, कम्युनिकेशन कमजोर था नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ में, ठीक है, फर्दर एडेड टू दी डेलिकेटेड नेचर ऑफ पॉलिटिक्स देयर, ठीक है। तो इन सारी चीजों के चलते, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, व्हाट वर द रीजंस फॉर द राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस। तो आप ये सारे पॉइंट लिख सकते हो कि इंटरनेशनल बॉर्डर वास्ट थी, कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं थी, आइसोलेशन था रीजन का, कॉम्प्लेक्स सोशल कैरेक्टर, साथ ही साथ क्या देखने को मिल रहा है कि रीजन का बैकवर्डनेस। तो ऑल दीज फैक्टर्स, ठीक है, ऑल दीज फैक्टर्स लेड टू द राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस। ठीक है, आज आपको थोड़ा आवाज जो है वो ऐसी एको सी आती लग रही होगी, लेकिन प्लीज टॉलरेट विद इट। मैं सोच रहा था ठीक होगी तभी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो डिले होते जा रहा था, मैं सोचा बना दो। और देखो अगेन वही वाला पॉइंट मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, घबराओ मत, सब कंप्लीट हो जाएगा। मुझे हर चीज ध्यान है कि ज्योग्राफी के भी कुछ चैप्टर्स हैं और वाली बुक के भी कुछ है, और वो आपको ऐसा भी नहीं कि बोर्ड के एक दिन पहले करके दूंगा, बहुत पहले कर दूंगा, कवर सारा हो जाएगा, तो डोंट पैनिक अबाउट दैट, ठीक है, वो हुआ। तो अब जैसे अगर देखोगे तो रीजन फॉर द राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशन इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, थ्री इशूज डोमिनेटेड द पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, थ्री इशूज डोमिनेटेड द पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे आपको तीन मुद्दे देखने को मिलते हैं जो नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते हैं। क्या तीन मुद्दे देखने को मिलते हैं, तो डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, मूवमेंट फॉर सक्सेशन, अपोजिशन टू आउटसाइडर्स, ये तीन मुद्दे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन्हीं सारी चीजों के चलते नॉर्थ ईस्ट की जो रीजनल एस्पिरेशन देखने को मिलती है, तो नॉर्थ ईस्ट की रीजनल एस्पिरेशन में तीन प्रोमिनेंट इशूज आपको हाईलाइट होते देखने को मिलते हैं। वो तीन प्रोमिनेंट इशूज क्या क्या है, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, यहाँ ऑटोनॉमी की डिमांड की गई, किस तरह की ऑटोनॉमी की डिमांड की गई है, क्या कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए थोड़ी, तो वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में पहले से अलाउड है। ठीक है, हर स्टेट ने ऑटोनॉमी जहां मांगी है तो गवर्नमेंट ने उसको एड्रेस किया है ना किसी तरह से, जैसे जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया था। ठीक है, तो ये तो ठीक है सर, इसमें कोई बड़ा मतलब ऐसे ऐसे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी तो है ही। मूवमेंट्स फॉर सक्सेशन, मूवमेंट्स फॉर सक्सेशन में क्या आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ मूवमेंट फॉर सक्सेशन की अगर बात करें हम, तो मूवमेंट फॉर सक्सेशन ये एक समस्या का मुद्दा था कि उंगली पकड़ाते पकड़ाते पूरा पोचा खींचने लगे, हाथ खींचने लगे। तो उसमें क्या है, उसमें यह है कि एट टाइम्स आपको देखने को मिला कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में जैसे नागालैंड मिजोरम के हम आगे पढ़ेंगे, वहां पे सक्सेशन की बात हुई कि हमें देश से अलग कर दो, अलग कंट्री बनाना है, एज वी हैव सीन इन द केस ऑफ खालिस्तान, तो वो दैट वाज नॉट एट ऑल टॉलरेटेड। तो वहां पे फिर क्या है, वहां पे उस तरीके से सरकार ने टैकल किया। ठीक है, तो रीजनल एस्पिरेशन जो है, तो नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स वॉज डोमिनेटेड बाय दी थ्री इशूज, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, मूवमेंट फॉर सक्सेशन, ऑपोजिशन टू आउटसाइडर्स। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, ये ऑपोजिशन टू आउटसाइडर क्या, ये टॉपिक जब हम आगे कवर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पूरी स्थिति रही है, ये पूरा क्रक्स है ऑफ द रीजनल एस्पिरेशंस इन नॉर्थ ईस्ट। फाइन, तो मेजर इनिशिएटिव्स ऑन द फर्स्ट इशू इन द 1970s सेट द स्टेज फॉर द ड्रामेटिक डेवलपमेंट फॉर द सेकंड एंड द थर्ड इन 1980s। मतलब ऐसा होता ना, वही वाली बात है, जैसे उंगली पकड़ाइए तो फिर वो पूरा हाथ खींचने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हुआ। क्या कि ये जो तीन मुद्दे मैं आपको बता रहा हूं नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स में जो डोमिनेट करे, या फिर नॉर्थ ईस्ट के रीजनल एस्पिरेशन का क्रक्स, ये जो तीन मुद्दे हैं, तो ऑटोनॉमी की डिमांड 1970s से चालू होती है और ऑटोनॉमी धीरे धीरे ग्रांट भी की गई, जैसे 1972 में मेजर रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। ठीक है, 1972 में क्या होता है, मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है किसका, नॉर्थ ईस्ट का। लेकिन उसके बावजूद भी आपको क्या देखने को मिलता है कि जो पहली डिमांड को जब एक्सेप्ट किया गया तो उसी के ऊपर फर्दर दो और डिमांड्स जो है वो डेवलप होती है। क्या दो और डिमांड्स डेवलप होती है, तो जैसे अगर आप देखेंगे कि ये सक्सेशन के और आउटसाइडर्स के अगेंस्ट में 1980s में ये जो मुद्दे थे ये ज्यादा फोरफ्रंट में आते हैं पॉलिटिक्स में। कहां की पॉलिटिक्स में, नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स में। गॉट माय पॉइंट, ठीक है, तो ये कहानी है पूरी। अगर आगे बढ़े तो डिमांड फॉर ऑटोनॉमी में क्या बताया गया, तो नॉर्थ ईस्ट एट इंडिपेंडेंस,
जब आजादी मिल रही है तो आजादी के समय पर नॉर्थ ईस्ट कैसे काम चल रहा है, क्या हो रहा है वहां पर, क्या स्थिति देखो। तो द एंटायर रीजन एक्सेप्ट मणिपुर एंड त्रिपुरा कॉम्प्राइज द स्टेट ऑफ असम। तो ये पूरा का पूरा जो एंटायर रीजन है, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है, ठीक है, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, एक्सेप्ट मणिपुर एंड त्रिपुरा। क्यों? क्योंकि मणिपुर और त्रिपुरा जो है, तो जिसमें बताया ये प्रिंसली स्टेट्स थे, ये इंडिया के साथ में मर्ज हुए थे विद सम एक्सेप्शंस। तो अगर आपको ध्यान हो, थोड़ा सा रिकॉल करवाऊंगा, रिकॉल करना, क्योंकि पढ़ाया आपने चैप्टर वन में, हमने क्या पढ़ा था कि मणिपुर जो है, फाइन, तो मणिपुर के राजा ने इंडिपेंडेंस के पहले ही क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक तरह से साइन कर लिया था। मणिपुर में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो जाती है, लेकिन वो बिना असेंबली के, कंसेंट के, राजा बोधा सिंह जो थे, तो उन्होंने क्या कर लिया था, मणिपुर के राजा ने इंडियन यूनियन के साथ में एग्रीमेंट साइन कर लिया था, स्टेट की तरह मर्ज हो गए थे, तो वहां प्रोटेस्ट वगैरह, तो फिर हमने उसको स्पेशल स्टेटस दे दिया था। ध्यान आ रहा है? तो मणिपुर और त्रिपुरा तो ऑलरेडी क्या है, स्पेशल स्टेटस लेके बैठे थे, लेकिन उसके अलावा जो पूरा रीजन था, ठीक है, उसके अलावा जो पूरा रीजन था ये, तो ये स्टेट ऑफ आसाम की तरह बनाया गया था। समझ में आया? तो नॉर्थ ईस्ट जैसे देखेंगे तो इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में ऐसा था कि पूरा स्टेट जो है तो आसाम था, एक स्टेट में सबको समा दिया गया था। तो डिमांड फॉर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी अरोज व्हेन नॉन असामीज फेल्ट दैट द असामी गवर्नमेंट वाज इंपोजिंग असामीज लैंग्वेज ऑन देम। लैंग्वेज पता है बहुत क्रूशियल रोल होती है, जैसे आपने छोटी क्लासेस में भी सिन्हाला श्रीलंका के केस में पढ़ा था, बेल्जियम में डच, फ्रेंच और ये सारी लैंग्वेजेस के मुद्दे देखे थे। हमारी कंट्री में भी जैसे आपने चैप्टर वन में पढ़ा क्या कि लैंग्वेज के बेसिस पे कितना प्रोटेस्ट हुआ, विशाल आंध्रा से लगाकर पूरे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन। तो लैंग्वेज एक बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। अब क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में अगर बात करें हम किसकी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की, तो ये स्थिति थी कि एक स्टेट था आसाम। अब जब आप स्टेट को ही आसाम के नाम से बना रहे थे, तो जो नॉन आसामीज थे, अब उस आसाम स्टेट के अंदर मणिपुरी बोलने वाले लोग भी थे, ठीक है, मिजो लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी थे, नागा ट्राइब भी थे वहां पे, वहीं पे मेघालय के अलग अलग ट्राइब्स थे, फाइन। तो इस तरह से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि स्टेट एक था लेकिन उसके अंदर मल्टीपल डाइवर्स ग्रुप्स थे। अब वो मल्टीपल डाइवर्स ग्रुप के ऊपर लेकिन हो क्या रहा था कि जिस नाम से स्टेट बनाया गया था, जिस गवर्नमेंट का डोमिनेशन था, वो आसामीज गवर्नमेंट थी। तो अब क्या देखने को मिल रहा है कि आसामीज लैंग्वेज को जब नॉन आसामीज के ऊपर इंपोज किया जाने लगा, तो डिमांड फॉर ऑटोनॉमी स्टार्ट हो गई। डिमांड फॉर ऑटोनॉमी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, अपोजिशन एंड प्रोटेस्ट राइट्स देखने को मिलते लगे। लीडर्स ऑफ द मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज वांटेड टू सेपरेट फ्रॉम आसाम। तो जो मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज के लीडर्स थे, जिसमें बताया नागाज, मिजोज, ठीक है, तो ये सारे मेजर जो अलग अलग नॉन आसामी ट्राइब्स के लीडर्स थे ना, वो आसाम से क्या होने चाहते थे, अलग होना चाहते थे। एंड दे फॉर्म द ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन, ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल ग्रुप भी बना लिया उन्होंने। लेटर ऑन दिस वॉज ट्रांसफर, मतलब कह सकते हो कि अपलिफ्टेड टू ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस 1960 में इसी चीज को अपलिफ्ट कर दिया जाता है। ये जो सारे लीडर्स जो थे, जो डिमांड कर रहे थे ना कि नॉन आसामीज को अलग कर दो या फिर उनके ऑटोनॉमी होना चाहिए, तो इस तरह से क्या देखने को मिलता है आपको कि ये ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस जो 1960 में बनाई जाती थी, जिसमें सारे अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स के लीडर जो इकट्ठे होते हैं, गवर्नमेंट से अपनी डिमांड मनवाना चाहते हैं, ठीक है। तो दे डिमांडेड ट्राइबल स्टेट्स टू बी कार्व्ड आउट ऑफ द असम। तो उन्होंने डिमांड किया कि ट्राइबल स्टेट्स को असम से अलग निकाल दो, क्योंकि असम में उनका कल्चर जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, बन नहीं रही है, सीधी सी बात है, ऐसे बोलते ना घर में कि अब बंटवारा कर दो, अब नहीं बन रही है, तो वाली केस यहां पे हो गई थी। तो फाइनली इंस्टेड ऑफ वन ट्राइबल स्टेट, सेवरल स्टेट गॉट कार्व्ड आउट ऑफ असम। और फिर क्या है, जब ये इस तरह से जैसे आपको देखने को मिल रहा है कि ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन, ऑल पार्टी हिल लीडर कॉन्फ्रेंस जो बनाई गई, तो इन्होंने डिमांड रखी, गवर्नमेंट ने भी फिर उस चीज को ऑब्जर्व किया, और उसके बाद में एक स्टेट की जगह मल्टीपल ट्राइबल स्टेट्स जो है वो आसाम से काव आउट कर दिए गए। तो आज जो आप देखते हो, देखो ये यही तो एक खूबसूरती है इस बुक की, जो मैं आपको हमेशा से पहले चैप्टर से कहते आया हूं, क्या कि इसमें बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग एस्पेक्ट्स आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे, फाइन। तो आगे क्या होता है, देखो, तो द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट वॉज कंप्लीटेड बाय 1972। 1972 आते आते क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट का रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। 1972 होते आते पूरा नॉर्थ ईस्ट का रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। जैसे अगर आप ध्यान करोगे तो 63 में बताया नागालैंड बनता है, ठीक है, 63 में नागालैंड बनने के बाद में फिर क्या होता है, सब्सिक्वेंटली 72 में आप देख रहे हैं तो और स्टेट्स को अलग किया जाता है। क्या स्टार्टिंग में पढ़ा, त्रिपुरा कौन कौन से थे, ठीक है, तो जैसे अगर आप देखोगे तो हाँ, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय 1972 में बन जाता है। फर्दर 87 में क्या होता है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है तो उनको सेपरेट स्टेट बना दिया जाता है। पहले वो अलग स्टेटस था, कभी यूनियन टेरिटरी तो कभी स्पेशल स्टेटस के साथ में वो सारी चीजें, ठीक है। तो रीऑर्गेनाइजेशन जो है नॉर्थ ईस्ट का, तो 72 तक पूरा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होने के बावजूद भी अलग अलग जो मैंने बताया, आसाम से आपने स्टेट्स कार्व आउट कर दिए। आसाम से कैसे स्टेट कार्व आउट कर दिए, तो आपने अलग अलग ट्राइबल स्टेट्स बना दिए। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे अगर हम यहां देखेंगे तो क्या हो रहा है कि ऑल पार्टी लीडर्स ने डिमांड करी थी कि नॉन आसामी स्टेट्स को अलग स्टेटहुड दे दिया जाए, मतलब पॉपुलेशन को अलग स्टेटहुड दे दिया जाए, तो वो होता भी है। कैसे 72 में जैसे अगर आप देखोगे तो त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर अलग अलग स्टेट बना दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, उसके बावजूद भी नॉट द एंड ऑफ ऑटोनॉमी डिमांड्स इन दिस रीजन। क्यों? क्योंकि वो ऐसी समस्या है, जैसे क्या है कि घर में अगर 10 बच्चे हैं, होना नहीं चाहिए आज की तारीख में, लेकिन 10 बच्चे हैं, दो बच्चों को अगर आपने कुछ उनकी डिमांड पूरी कर दी तो वो बचे जो 8 हैं वो भी चिल्ला चोट मचाना चालू कर देंगे। ठीक है, तो जब क्या हुआ कि कुछ स्टेट्स को ऑटोनॉमी दी, तो इन आसाम फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटीज लाइक बोडोस, कर्बीज, ठीक है, दिमासास वांटेड सेपरेट स्टेट्स, तो उन्होंने सेपरेट स्टेट की डिमांड फिर इनने भी चालू कर दी कि नहीं हमें भी अब सेपरेट स्टेट चाहिए। फाइन, तो बट दीज डिमांड्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन ये डिमांड्स एक्सेप्टेबल नहीं है कि ऐसा अगर सबको स्टेट देते चलेंगे तो फिर तो क्या है, कंट्री क्या रह जाएगा, मतलब नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी अगर आप जैसे देखोगे तो 7 स्टेट्स आर देयर, और अगर हम इस पे और छोटे छोटे स्टेट बनाते चले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा छोटे स्टेट्स हो जाएंगे, विच विल बी एडमिनिस्ट्रेटिवली नॉट सो गुड। ठीक है, तो वो समस्या थी। ऑफन द सेम एरिया वॉज क्लेम्ड बाय, मतलब व्हाई दीज डिमांड्स वर नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट विच वॉज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड बाई 1972, स्टिल द डिमांड फॉर ऑटोनॉमी इन दिस रीजन वॉज नॉट एंडेड, डिस्पाइट दिस द न्यू स्टेट्स वर नॉट बीइंग कार्व्ड आउट और नॉट क्रिएटेड, व्हाई वॉज, व्हाट वर द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, तो फिर उसके बावजूद भी ऑटोनॉमी डिमांड खत्म नहीं, उसके बावजूद भी स्टेट्स क्यों नहीं बना के दिए, तो कारण सिंपल सा है, क्या, क्योंकि जो एरिया बोडोस क्लेम कर रहे हैं वही एरिया कर्बीज भी क्लेम कर रहे हैं, कर्बी ट्राइब्स भी कर रहे हैं, तो अब बताओ इनको दे कि इनको दे, तो ना किसी को मत दो, उससे बेहतर ये होगा किसी को मत दो। तो ये कारण रहे थे कि हर डिमांड को एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता, क्योंकि मेनी ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज क्लेम्ड द सेम एरिया, अब इनको दे दे वो नाराज, उनको दे दे ये नाराज, तो बेहतर है किसी को मत दो, स्टेट ही मत बनाओ, एक ही के अंदर बैठे रहो। ठीक है, ऑफन द सेम एरिया वॉज क्लेम्ड बाय मोर देन वन कम्युनिटी, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो ऑन मेकिंग स्मॉलर एंड येट स्मॉलर स्टेट्स, स्टेट पे स्टेट, स्टेट पे स्टेट, कितना स्टेट बनाए, तो वो भी एक कारण था कि इस कारण से दीज डिमांड्स वर नॉट एक्सेप्टेबल, समझ लेना। और क्या है, कर्बीज एंड दिमासास हैव बीन ग्रांटेड ऑटोनॉमी अंडर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल व्हाइल बोडोस वर रिसेंटली ग्रांटेड ऑटोनॉमी काउंसिल। फिर एक समाधान ये निकला कि स्टेट बनाने से अच्छा क्या है कि इनको डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ऑटोनॉमी दे दो, डिस्ट्रिक्ट बराबर के तो डिमांड कर रहे हैं, तो इससे बेहतर ये होगा क्या कि स्टेट उसी स्टेट के अंदर रह लो, जैसे मेघालय है तो मेघालय के अंदर ही रह लो, आसाम है तो आसाम के अंदर ही रह लो, लेकिन क्या है, लेकिन आपको थोड़ी ऑटोनॉमी और दे देंगे, ठीक है, आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑटोनॉमी दे देंगे, उसमें खुश, ऐसा। तो अदर वे अराउंड, मतलब सोल्यूशन समस्या पे नहीं समाधान पे फोकस किया गया, तो उस तरह से क्या है कि कुछ सोल्यूशन निकालने का प्रयास किया गया। क्लियर हुआ? आगे अगर जैसे बढ़े, तो जैसे मैंने आपको क्या बताया यहां पे कि नॉर्थ ईस्ट का रीजनल एस्पिरेशन समझना है तो मेनली तीन डिमांड्स, मतलब तीन मुद्दों पे, या फिर कह सकते हैं कि जो इश्यूज रहे, तो डोमिनेटेड द पॉलिटिक्स इन द इश्यूज विच डोमिनेटेड द पॉलिटिक्स इन नॉर्थ ईस्ट वर बेस्ड ऑन दीज थ्री पॉइंटर्स। क्या क्या? डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, वो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे ऑटोनॉमी की डिमांड उठी गई, क्योंकि वो एक ही स्टेट में थे, तो जो नॉन आसामीज स्पीकिंग ट्राइब्स थे उन्होंने बात करी क्या कि उन्हें आसाम से अलग निकाल दिया जाए। ठीक है, दूसरा क्या है, मूवमेंट्स फॉर सक्सेशन। अगली समस्या क्या थी, सक्सेशन की डिमांड। सक्सेशन की डिमांड क्या होता, देखो सक्सेशनिस्ट मूवमेंट समझा रहा हूं मैं, कि ऑटोनॉमी की डिमांड करोगे तो वहां तक तो हम खुशी खुशी ऑटोनॉमी देंगे, क्यों, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ फेडरल कंट्री, फेडरल कंट्री में जो फेडरल यूनिट्स है, कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स है, तो उनके पास डिमांड होती है, मतलब उनके पास पावर होती है टू डिमांड स्पेसिफिक पावर्स, एंड वी यूजुअली ग्रांट देम, फाइन। लेकिन अगर आप जैसे देखेंगे तो डिमांड फॉर ऑटोनॉमी वर इजियर टू रिस्पॉन्ड, एज आई टोल्ड यू कि वो इट इज इजी टू रिस्पॉन्ड, कि आप उसमें अकोमोडेट कर लेते हो किसी ना किसी तरह से, लेकिन बट इट वॉज मच मोर डिफिकल्ट वेन सम ग्रुप्स डिमांडेड अ सेपरेट कंट्री। लेकिन जब कुछ ग्रुप्स सेपरेट कंट्री ही डिमांड करने लगे तो दिस इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट, ये एक बड़ा वो रहता है, क्या रहता है कि क्रिटिकल इशू सा हो जाता है, कि अब क्या है, आप डिमांड कर रहे हो क्या चीज, आप लोग डिमांड कर रहे हो जैसे सेपरेट कंट्री, तब तो ठीक है सेपरेट कंट्री, मतलब आप ऑटोनॉमी डिमांड कर रहे हो तो रिस्पॉन्ड कर देंगे, लेकिन आप बोल रहे हो क्या, वही उंगली पकड़े पूरा हाथ खींचने की कोशिश कर रहे हो कि पूरा का पूरा कंट्री अलग कर दो, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक इशू रहता था, बिकॉज नाउ इट कम्स टू दी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, तो ऐसे हम कंट्री से अलग करके किसी को नहीं निकाल सकते ना, वो तो आप कंट्री को डिसइंटीग्रेट कर दे रहे हो फिर, तो ऑटोनॉमी डिमांड करना, उसको अकोमोडेट करना वॉज इजियर, ठीक है, लेकिन सेपरेट कंट्री बना देना, दैट वॉज समथिंग वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, दैट वॉज समथिंग वेरी डिफिकल्ट। तो डिमांड फॉर सेपरेट कंट्री कहां कहां उठी, देखो नागालैंड में और मिजोरम में। अगेन 1970s में ऑटोनॉमी मांगी, उन्होंने देखा कि यार अपनी ऑटोनॉमी की बात तो मान ली, पूरी हो गई,
फिर क्या है उसी के ऊपर, जैसे अगर आप देखोगे तो उसी के ऊपर आपको क्या देखने को मिलता है कि 1980s आते आते द स्टेज वॉज सेट फॉर द स्टेट्स टू डिमांड सेपरेट कंट्रीज, ठीक है, तो स्टेट्स जो थे वो जो रीजन जो थे ट्राइब जो थे सेपरेट कंट्री डिमांड करने लगे, और ऐसे समस्याएं आपको दो जगह देखने को मिली, नागालैंड में और मिजोरम में। तो कंट्रीज लीडरशिप फेस दिस प्रॉब्लम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन एटलीस्ट टू स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के दो स्टेट जो है नागालैंड मिजोरम, यहाँ पे आपको ज्यादा समस्या देखने को मिली। अगर हम बात करें मिजोरम की तो डिमांड फॉर द सेपरेट कंट्री इन मिजोरम, ठीक है, तो हिस्ट्री थोड़ी सी अगर समझाऊं मैं तो इंडिपेंडेंस, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो मिजो हिल एरिया है जो आज मिजोरम है, ठीक है, उसे एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था विद इन आसाम, आसाम के अंदर ही क्लब करके उसको एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। लेकिन वहां की जनता अलग ही, मतलब उस समय के जो लोग थे, ठीक है, लीडर्स वगैरह थे, उनका अलग ही क्लेम था। क्या some Mizos believed that they were never a part of British India and therefore did not belong to the Indian Union. उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जो ब्रिटिशर्स ने कब्जा नहीं किया तो हम इंडियन यूनियन में क्यों मिले, ठीक है, पॉइंट था। तो उसके चलते क्या है, बट आफ्टर द मूवमेंट फॉर सक्सेशन गेन पॉपुलर सपोर्ट आफ्टर द आसाम गवर्नमेंट फेल्ड टू रिस्पॉन्ड एडिक्वेटली टू द ग्रेट फेमाइन ऑफ 1959 इन मिजो हिल्स। देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, कोई भी बागी बनता है ना तो वो बागी यूं शौक में नहीं बनता है, कारण रहता है उसके पीछे हमेशा, अब वही यहाँ पे कारण समझना। तो ऐसे डिमांड ही थी क्या कि मिजोस का ये मानना था कि जब हम वी वर नेवर द पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जब ब्रिटिश इंडिया के पार्ट ही नहीं थे तो इंडियन यूनियन में कैसे मिल जाए, ठीक है, ये डिमांड थी। लेकिन उस डिमांड को सक्सेशन मूवमेंट में कब बदला गया पता है, जब क्या होता है 59 में वहां पे क्या होता है अकाल पड़ता है, एक तरह से ग्रेट फेमाइन जब आती है, और अब क्योंकि वो ऑटोनोमस पार्ट था आसाम का तो कायदे से आसाम गवर्नमेंट का वहां पे जिम्मेदारी बनती थी कि आसाम गवर्नमेंट बुरे समय में उस जगह का भी ध्यान रखे। लेकिन जो मिजो ट्राइब थी उन्हें ये मिजो हिल एरिया में ऐसा एहसास हुआ कि आसाम गवर्नमेंट है नॉट एडुकेटली रिस्पॉन्डेड टू द ग्रेट फेमाइन, मेनी पीपल डाइड इन दैट रीजन, उन्होंने बोला कि अब तो हम लेके रहेंगे आजादी उस टाइप से, ठीक है। तो बट द मूवमेंट फॉर सक्सेशन गेन्ड पॉपुलर सपोर्ट आफ्टर द आसाम गवर्नमेंट फेल्ड टू रिस्पॉन्ड एडुकेटली टू द ग्रेट फेमाइन ऑफ 1959 इन द मिजो हिल्स, समझ गए, ठीक है। तो द मिजोस एंगर लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मिजो नेशनल फ्रंट MNF अंडर द लीडरशिप ऑफ, ठीक है, लालदेंगा, ठीक है। तो ये जैसे आप देखोगे तो L कहीं साइलेंट भी होता है, तो लालदेंगा जो है, तो लालदेंगा वॉज द लीडर, ठीक है, लालदेंगा जो लीडर थे, ठीक है, उन्होंने मिजो नेशनल फ्रंट बनाया। मिजो नेशनल फ्रंट का काम क्या था कि इंडियन यूनियन से हमें क्या करना है, ऑटोनॉमी लेना है। सक्सेशनिस्ट मूवमेंट के चलते उन्होंने ये तय कर लिया था कि हमें आजाद होकर रहना है, अलग करना है, सॉरी, ठीक है, ये स्थिति बनी। तो द मिजोज एंगर लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मिजो नेशनल फ्रंट अंडर द लीडरशिप ऑफ लालदेंगा, ठीक है, लालदेंगा, और उसके चलते मिजो नेशनल फ्रंट बनाया गया। एंड यू नो द हिस्ट्री कि क्यों ये पूरी स्थिति, क्यों ये सारे डेवलपमेंट हुए। तो उन्होंने बोला कि बदला लेंगे, कैसे लेंगे, कि अपनी एक पार्टी बनाते हैं और उससे आजादी क्लेम करेंगे मिजोरम के लिए, फाइन। तो लालदेंगा का थोड़ा सा मैं आपको इतिहास बनाऊं, तो ये वॉज द फाउंडर एंड द लीडर ऑफ मिजो नेशनल फ्रंट, टर्न इन टू अ रेबल आफ्टर द एक्सपीरियंस ऑफ फेमाइन इन 1959 के फेमाइन के बाद में एक रेबल, वही होता है ना, बागी बन गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरे लोगों के लिए मुझे हथियार उठाना पड़ेंगे ऐसा, ठीक है। लेड एन आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट इंडिया फॉर टू डिकेड्स, तो ये 59 से 60 से 70, 70 से 80, 20 साल तक क्या है, आर्म्ड स्ट्रगल, हथियार उठा के लड़ते रहे आजादी के लिए मिजोरम की, कि हमको अलग कर दो बस ऐसा, ठीक है। रीच्ड अ सेटलमेंट साइन बिटवीन द एग्रीमेंट विद प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, अल्टीमेटली क्या होता है 86 में जाके टेबल पर बैठते हैं ये किसके साथ में, इंडियन यूनियन के लीडर के साथ में, राजीव गांधी वाज़ द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। और फिर क्या होता है, समस्या का समाधान निकाला जाता है, बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ न्यूली क्रिएटेड स्टेट ऑफ मिजोरम। फिर बोला कि जब मतलब शांति सुलह हो गई ना सबको, तो इन्हें तिलक लगा दिया, बोलते कि तुम ही लीडर बन जाओ, ठीक है, तुम ही लीडर बन जाओ, ठीक। और देखो 86 में नेगोशिएशन टेबल पे क्यों आ गए, उसके कारण भी आगे समझाऊंगा क्यों, क्योंकि इनका सपोर्ट खत्म हो गया था जहां से इन्हें सपोर्ट मिल रहा था, कैसे क्लियर करते देखो। तो मिजो नेशनल फ्रंट एंड सक्सेशनिस्ट मूवमेंट्स, मिजो नेशनल फ्रंट एंड सक्सेशनिस्ट मूवमेंट जो है MNF एंड सक्सेशन मूवमेंट। तो इन 1966 द MNF स्टार्टेड एन आर्म्ड कैंपेन फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो बढ़िया, लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी, गोरिला वॉरफेयर स्ट्रेटजी से वो तैयार किए जाते थे, एक तरह से क्या कहेंगे आप, नक्सलाइट कहना चाहिए नहीं कहा उसको, क्या कह रहेंगे कि इंटरनली रिवॉल्ट करने के लिए एक आर्मी पैरेलल बनाना चालू कर दी, फाइन। तो ये जो लोग थे तो हथियार उठाए, दी MNF फॉट अ गोरिला वॉर, गॉट सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तानी गवर्नमेंट। तो अब क्या है, 66 के टाइम पीरियड तक पाकिस्तान यूनाइटेड था, एक वेस्ट पाकिस्तान था और एक ईस्ट पाकिस्तान था। तो ईस्ट पाकिस्तान से क्या होता था, मिजोरम को सपोर्ट मिल जाता था। एग्जाम्पल यहां देखो क्या हो रहा है कि ये ईस्ट पाकिस्तान ये रहा, ठीक है, ये ईस्ट पाकिस्तान रहा,
ये बॉर्डर लग रही है मिजोरम के साथ, तो यहां से हथियार बम गोला बारूद खुद खाने के लाले पड़ रहे थे पाकिस्तान के, ईस्ट पाकिस्तान के उस टाइम पीरियड में। लेकिन क्या है, वो मिजोरम को बराबर हथियार बम गोले बारूद देता था, क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया में इंस्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है, और मिजोरम वॉज मोर कनेक्टेड विद ईस्ट पाकिस्तान देन फ्रॉम द इंडिया। इंडिया से मिजोरम कनेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है, लेकिन वो बांग्लादेश से, मतलब ईस्ट पाकिस्तान से उस समय कनेक्टेड था, तो यहां से पूरा इंप्यूटस मिल रहा था उन्हें मिजोरम में जो मिजो नेशनल फ्रंट के रेबल्स थे उन लोगों को, समझ में आ रहा है? तो अब मैंने आपको वही कहा ना कि 1986 में नेगोशिएशन टेबल पे फिर कैसे आ गए, क्योंकि उस समय तक तो क्या है, पाकिस्तान स्प्लिट हो गया था, बांग्लादेश के साथ हमने रिलेशन अच्छे कर लिए थे, बांग्लादेश ने फिर मिजोरम की पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरफेयर करना भी बंद कर दिया, समझ में आ रहा है? वो केस रहा। तो द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस काउंटर्ड इट विद द सीरीज ऑफ रिप्रेसिव मेजर्स ऑफ विच कॉमन पीपल वर विक्टिम्स, ठीक है। और अब जैसे दिखती बात है कि उधर से जब गोलियां चलेंगी, उधर से रेबल्स जब हथियार चलाएंगे, तो हमारे आर्मी पर्सनल्स ने भी चूड़ियां थोड़ी ना पहन के रखी थी, इधर से इन्हें भी रिस्पॉन्ड किया। लेकिन वही वाली बात है कि जब भी लड़ाइयां होती है, जब इंसर्जेंसी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चलते हैं, तो उसका सबसे जो बोलते ना डार्क साइड रहता है, वो ये रहता है कि इनोसेंट जो रहते हैं दे बिकम द विक्टिम्स, ठीक है, इनोसेंट्स को सफर करना पड़ता है, और वही हुआ। तो अब जब इनोसेंट्स की जाने जा रही थी, तो जो लोग न्यूट्रल थे ना, वो भी मिजो नेशनल फ्रंट को सपोर्ट करने लगे। तो दीज मेजर्स कॉज्ड मोर एंगर एंड एलिनेशन अमंग द पीपल, तो जो न्यूट्रल पीपल थे दे ऑल्सो स्टार्टेड हिटिंग द इंडियन गवर्नमेंट, एंड दिस क्रिएटेड अ वेरी वर्स्ट सिचुएशन, ठीक है, एक मतलब खराब सी सिचुएशन बनने लगी फॉर इंडियन गवर्नमेंट टू हैव सपोर्ट इन द मिजोरम। फाइन, तो हाउ डिड द इशू रिजॉल्व? तो अब समस्या ये है कि सर ये तो बद से बदतर होते जा रही स्थिति, फिर मुद्दे सुलझे कैसे? तो मुद्दे सुलझे कैसे, देखो, एट द एंड ऑफ द टू डिकेड ऑफ इंसर्जेंसी पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ बोथ द एंड्स केम ऑन द नेगोशिएशन टेबल। अब मैंने आपको बताया 71 के बाद में मिजो नेशनल फ्रंट को भी उतना सपोर्ट मिल नहीं रहा था, क्योंकि पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हो गया था, ठीक है। तो दो दशक तक 66 से जैसे लड़े 86 तक, ठीक है, 20 सालों तक लड़ने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि अब थक गए यार, ठीक है। तो लालदेंगा जो थे तो वो भी थोड़े से क्या होने लगे, थक गए, उन्होंने बोला कि अब नेगोशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, लालदेंगा केम बैक फ्रॉम एग्जाइल इन पाकिस्तान, ही वाज नॉट लिविंग इन मिजोरम, पकड़ लेते हो तो हम उन्हें, तो ही वाज इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से वापस आ जाते हैं, एंड स्टार्टेड नेगोशिएशन विद द इंडियन गवर्नमेंट के साथ में बातचीत करना शुरू करी, ठीक है। राजीव गांधी स्ट्रेट दिस नेगोशिएशन ऑन अ पॉजिटिव कंक्लूजन, और राजीव गांधी ने ऐसा नहीं बोला कि बदले की भावना है, बहुत इधर उधर पहले धमकी दे रहे थे ना, तो राजीव गांधी ने क्या किया, एक पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ में इस नेगोशिएशन को खत्म किया। 1986 में एक पीस एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन राजीव गांधी एंड लालदेंगा, एंड दिस केम टू बी नोन एज मिजो पीस अकॉर्ड जो था, ठीक है। तो मिजो पीस अकॉर्ड जो है, तो मिजोरम और इंडियन यूनियन के बीच में साइन होता है। तो उस अब पॉइंट ये आता है कि व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द पीस एग्रीमेंट बिटवीन राजीव गांधी एंड लालदेंगा। तो क्या देखने को मिलता है, एज पर दिस अकॉर्ड मिजोरम वॉज ग्रांटेड अ फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड विद स्पेशल पावर्स एंड MNF एग्रीड टू गिव अप द सक्सेशनिस्ट स्ट्रगल, ठीक है। मिजोरम को क्या दे दिया, फुल स्टेटहुड दे दिया, ठीक है। 86 में मिजोरम को स्टेट बना दिया कि तुम आज से ये तिलक लगा दिए, तुम्हारा स्टेट बन जाओ, ठीक है, स्टेट बन जाओ, तुम्हें पूरी ऑटोनॉमी भी रहेगी, जैसे आर्टिकल 371 जो है, तो 371 ABCD वाली जो सीरीज है उनमें आप देखेंगे तो कुछ स्टेट्स को क्या है, कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस जो है ना, तो उसमें एक मिजोरम भी है। लेकिन बदले में हमने उनसे बोला कि एक पिंकी प्रॉमिस करो, क्या, कि अब तुम जो मिजो नेशनल फ्रंट जो है ना, तुम अपना सक्सेशनिस्ट स्ट्रगल गिव अप कर देगी, अब आजाद होने के लिए मत लड़ना, रहो देश पर, रहो खुशी से रहो, ठीक है, हम तुम्हें स्टेट बना रहे हैं ऐसा, ठीक है। लालदेंगा टुक ओवर एज द चीफ मिनिस्टर, लालदेंगा को बोल दिया तुम्हें राजा बनना है, उनका भी तिलक लगा दिया, ठीक है, लाओ क्या है, तुम चीफ मिनिस्टर बन जाओ। फाइन, दिस अकॉर्ड प्रूव्ड अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ मिजोरम, और दिस अकॉर्ड प्रूव्ड टू बी अ टर्निंग पॉइंट, क्यों, क्योंकि अभी तक जहां से सक्सेशनिस्ट मूवमेंट चल रही थी, वहां की रीजनल एस्पिरेशन सक्सेशन को लेकर थी, तो दिस बिकम वन ऑफ द मतलब प्रेसिडेंट, एक तरह से स्टैंडर्ड सेट हो गया कि हाँ पीसफुली ऑल्सो वी कैन नेगोशिएट दी थिंग्स। तो बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से डिमांड सुलझा दी गई, ठीक है। टुडे मिजोरम इज वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल प्लेस इन द रीजन एंड हैज टेकन बिग स्ट्राइड्स इन लिटरेसी एंड डेवलपमेंट। तो नो डाउट, कैसे आप देखेंगे, ट्राइबल स्टेट है लेकिन लिटरेट है, ठीक है, डेवलपमेंटल टर्म्स में आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम इज परफॉर्मिंग गुड ऑन दोज इंडिकेटर्स। तो मिजोरम इज वेरी पीसफुल प्लेस इन द टुडे सिचुएशन रिलेटिवली। फाइन, तो दिस वाज द आउटकम ऑफ मिजो पीस अकॉर्ड ऑफ 1986, क्या रहा ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से सक्सेशनिस्ट मूवमेंट जो है तो नागालैंड और मिजोरम में आपको देखने को मिल रही थी। तो मिजोरम की तो कहानी मैंने बता दी आपको, हैप्पी एंडिंग हो गई है, नागालैंड की लेकिन उतनी हैप्पी एंडिंग नहीं रही है। देखो, तो स्टोरी ऑफ नागालैंड इज सिमिलर टू मिजोरम except that it started much earlier and has not yet started and has not yet had such a happy ending, ठीक है, अभी तक लेकिन वो समाधान का
मतलब समस्या का कोई एग्जैक्ट समाधान नहीं निकल पाया है नागालैंड के केस में। केस क्या है देखो, तो नागालैंड का है बस ये मिजोरम, मणिपुर और ऊपर कोहिमा, बीच में महाराजा बोधा सिंह जो थे उन्होंने अच्छा काम कर गए, ठीक है। लेकिन ऊपर जैसे आप नागालैंड को देखोगे तो नागालैंड अगेन, नागालैंड में भी प्रॉब्लम क्या रही है कि नागालैंड की कनेक्टिविटी जो इंडिया के साथ में बिल्कुल नहीं है। जैसे अगर आप देखोगे तो वही पूरा असम वगैरह होके आएंगे और फिर नागालैंड आएगा आपको, इधर म्यांमार के साथ में, और यहां से क्या होता है म्यांमार से आप जिस देखेंगे तो म्यांमार की धरती से बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं जो नागालैंड में सक्सेशनिस्ट मूवमेंट को पेट्रोल देते हैं, पेट्रोलबाज है, ठीक है। ये चीज देखने को मिलती है। तो सक्सेशनिस्ट मूवमेंट ऑफ नागालैंड वॉज लेड बाय, ठीक है, अंगामी जापू पिजो, ठीक है। तो हम पिजो के नाम से ध्यान रखेंगे, तो ये जो अंगामी जापू पिजो जो थे तो इन्होंने क्या किया नागालैंड के सक्सेशनिस्ट मूवमेंट को अपने कंधे पे बिठाया। अ सेक्शन ऑफ नागास डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया वे बैक इन 1951 में हम आजाद हुए। 1951 में नागा के कुछ सक्सेशनिस्ट लीडर्स जो थे, ठीक है, हेडेड बाय पिजो, तो इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने बोल दिया कि आजाद है हम तो, ठीक है, हमें इंडियन यूनियन में नहीं रहना। पिजो टर्न डाउन मेनी ऑफर्स टू नेगोशिएटेड ऑफर्स ऑफ द नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स। नागा नेशनल काउंसिल लॉन्च्ड एन आर्म्ड स्ट्रगल फॉर सॉवरेनिटी ऑफ नागास। फिर उन्होंने आम हथियार उठा लिए। अब उन्हें यह समझना चाहिए था जैसे नागालैंड के जो लीडर्स थे तो देवर नॉट एट ऑल रेडी टू इंटीग्रेट विद द इंडियन यूनियन, उसी के चलते हथियार वगैरह उठा लिए, ठीक है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ वायलेंट इंसर्जेंसी अ सेक्शन ऑफ नागा साइंड एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेड टू अदर रेबल्स। अब नागा ट्राइब्स के साथ में दिक्कत बता रहा हूं, नागालैंड में अलग अलग ट्राइबल ग्रुप से अलग अलग लीडर्स हैं, ठीक है। तो इनिशियली दे ऑल वर हेडेड बाय पिजो, लेकिन बाद में क्या होता चला गया कि कुछ थोड़े से नरम दल के कुछ गरम दल के, तो कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ नागा लीडर्स ने, जैसे अगर आप देखेंगे वायलेंट इंसर्जेंसी के बाद उन्होंने लगा कि बहुत मार पड़ेगी, तो उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया, लेकिन दिस एग्रीमेंट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू अदर रेबल्स। तो जो दूसरे रेबल्स को ये एक्सेप्टेबल नहीं था, वो आज भी क्या करते हैं, आज भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज भी वो इंसर्जेंसी को जारी रखे हुए। इसलिए आप जैसे देखोगे तो आफ्सपा वगैरह जो है वो लगा हुआ है इन रीजन्स में, ठीक है। द प्रॉब्लम इन नागालैंड स्टिल अवेट्स द फाइनल रेजोल्यूशन, ठीक है। तो अभी तक क्या है, फाइनल रेजोल्यूशन जो है वो हुआ नहीं है इस क्षेत्र में, समझ में आया। आगे अगर बढ़े हम तो जैसे अंगामी जापू पिजो की अगर थोड़ी सी हिस्ट्री समझना चाहो तो लीडर ऑफ मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंट नागालैंड, प्रेसिडेंट ऑफ नागा नेशनल काउंसिल, बिगेन एन आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट द इंडियन स्टेट्स, वेंट अंडरग्राउंड स्टेट इन पाकिस्तान and spent the last three decades of his life in exile in UK, ठीक है। तो जो जीवन के आखिरी तीन दशक रहे तो वो UK में रह के ऑपरेट करते रहे, फंड्स वगैरह पहुंचाते रहे इस तरह से, ठीक है। आर्म्ड स्ट्रगल इन्होंने स्टार्ट किया था, प्रेसिडेंट ऑफ नागा नेशनल काउंसिल, ये सारी चीजें आपको उनके बारे में ध्यान रखना रहेगी ऑब्जेक्टिव में अगर कहीं क्वेश्चन बन जाते हैं तो, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद में आते हैं मूवमेंट्स अगेंस्ट आउटसाइडर्स, ठीक। नॉर्थ ईस्ट की जो पॉलिटिक्स जो है तो हम क्या देख रहे हैं, जो क्रक्स है नॉर्थ ईस्ट के रीजनल एस्पिरेशन, वो तीन टॉपिक्स में हम समझ सकते हैं। ऑटोनॉमी की डिमांड देख लिया, फिर सक्सेशन की डिमांड, मूवमेंट फॉर सक्सेशन तो हमने मिजोरम और नागालैंड के केस में देख लिया। अब तीसरा जो यूनिक पार्ट जो रहा रीजनल एस्पिरेशन का, वो क्या है, मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स। ये क्या है, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब आप क्या देखोगे, इंडिपेंडेंस के बाद में होल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट वॉज कंसिडर्ड एज असम, पूरे असम में ही सारे जैसे मिजोरम नागालैंड सबको मिला दिया था, सिर्फ मणिपुर और त्रिपुरा को थोड़ी सी एक्सेप्शन थी, बाकी क्या है, बाकी पूरा का पूरा जो था असम को ही नॉर्थ ईस्ट कंसीडर किया जाता था, ठीक है। तो अब क्या है, असम को नॉर्थ ईस्ट कंसीडर किया जाता था, तो नॉर्थ ईस्ट में क्या वो लोग, जैसे अब बांग्लादेश, जब बांग्लादेश वॉर चल रही थी उस समय में बहुत सारे लोग बांग्लादेश छोड़ के काम गए, असम में पहुंच गए, आज का जो प्रेजेंट डे स्टेट है असम उसमें बहुत सारे आपको वो पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां क्या है कि जो लोकल कम्युनिटी थी ना, जो असामीज थे या फिर कह सकते हो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जो ट्राइब्स थी जो कि नॉन आसामीज थी, वो लोग भी, ठीक है, तो दे लेड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द आउटसाइडर्स, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बाय द लोकल कम्युनिटीज अगेंस्ट द पीपल हु वर सीन एज द आउटसाइडर्स और माइग्रेंट्स, अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन नॉर्थ स्टेट। हाउ, तो पीपल मूविंग इनटू असम आइदर फ्रॉम इंडिया और अब्रॉड आर सीन एज एनक्रोचर्स ऑन स्कार्स रिसोर्सेज लाइक द लैंड एंड पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स टू द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड पॉलिटिकल पावर। ऐसा रहता है ना, जैसे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र में, आपने क्या देखने को मिला महाराष्ट्र में, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि महाराष्ट्र में जो लोकलाइट्स हैं तो एट टाइम्स दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी माइग्रेंट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार के जो माइग्रेंट्स रहते हैं तो महाराष्ट्र के लोग उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने लगते हैं, क्या बोल के, ये बोल के कि ये यहाँ की जॉब्स और यहाँ के रिसोर्सेज को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो वो ये इशू हर जगह देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो एक वो आउटसाइड सन ऑफ सॉइल का कॉन्सेप्ट जो रहता है ना, सन ऑफ सॉइल मतलब क्या है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लोगों को लगता था कि वी आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स,
अब जब क्या हो रहा है, इंडिया के दूसरे पार्ट से लोग यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, इंडिया के दूसरे पार्ट से, अपन दूसरी कंट्री से, दूसरी कंट्री से कैसे आ जाएंगे, तो दूसरी कंट्री से जैसे अगर आप देखोगे बांग्लादेश से बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स जो है वो अंदर की तरफ जाता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1970-71, क्योंकि 1970-71 में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में वेस्ट पाकिस्तान के जो लीडर्स थे वो बहुत एक तरह से कहते हैं ना तांडव मचा के रखा था, तो लोग अपनी जान बचा बचा के आसाम वगैरह में, क्योंकि ओपन बॉर्डर थी तो आसाम वगैरह में घुसना चालू कर दिए थे, समझ में आ रहा है, वो केस था यहाँ पे। तो ये माइग्रेंट्स थे, ये माइग्रेंट्स कहां से आए वो क्लियर हुआ, क्लियर है, अब माइग्रेंट्स कहां से आए वो क्लियर हो गया। तो दिस इशू हैज टेकन पॉलिटिकल एंड समटाइम्स वायलेंट फॉर्म इन मेनी स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। तो इस इशू ने पॉलिटिकल और एट टाइम्स बहुत ज्यादा वायलेंट फॉर्म ले लिया इन द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, और इसी को क्या कहा गया, असम मूवमेंट कहा गया, द असम मूवमेंट कहा गया, क्यों, क्योंकि असम वॉज इन टर्मोइल, पूरी तरह से जल रहा था असम ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ 1970s 80s में बड़ी समस्या हुई, क्यों, क्योंकि वहां के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे दे कंसिडर्ड, ठीक है, ऑल आउटसाइडर्स एंड इमिग्रेंट्स एज अ थ्रेट और द एनक्रोचर्स ऑन द स्कार्स रिसोर्सेज वहां की। देखो क्या नॉर्थ ईस्ट में रिसोर्सेज बहुत है, ऑयल है, प्लांटेशन फील्ड्स है, ये सारी चीजें है, फाइन, बस कनेक्टिविटी की समस्या है, ज्योग्राफिकल बैरियर से ट्रेन थोड़ी सी टफ है, लेकिन वहां पे क्या है बहुत कुछ था और उस बहुत कुछ था के ऊपर नजर बहुत कुछ बहुत सारे लोगों की थी, तो इस कारण से माइग्रेशन बहुत हुआ है। तो जैसे अगर आप अभी देखोगे तो क्या है, अभी एनआरसी वगैरह जो आई है, तो अभी एनआरसी वगैरह जो है ना, तो वो उस समय के किस कंटेक्स्ट में, मतलब कंटिन्यूटी में, अभी समझाता हूं कैसे, फिर तो देखो क्या है, तो द असम मूवमेंट फ्रॉम 1979 से 85 तक जो असम मूवमेंट चला, तो इट वॉज द मूवमेंट अगेंस्ट द आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स के अगेंस्ट में एक तरह से मूवमेंट रहा। द असामीज सस्पेक्टेड दैट देयर वर ह्यूज नंबर ऑफ इलीगल बंगाली मुस्लिम सेटलर्स फ्रॉम बांग्लादेश। 71 के टाइम पीरियड में जब बांग्लादेश अलग हुआ वेस्ट पाकिस्तान से, तो बहुत सारे लोगों को ये क्लियर कट तरीके से दिख रहा था, समझ आ रहा था क्या, कि बहुत सारे इलीगल बंगाली मुस्लिम जो है वो पार्टीशन के टाइम पीरियड में, 1971 की बात कर रहा हूं, जब बांग्लादेश बन रहा था ना, तो बहुत सारे बंगाली मुस्लिम जो है इलीगल तरीके से आसाम में घुस गए और वहां सेटल हो गए, ठीक है, जो बांग्लादेश से आए हैं, ठीक है। तो दे फेल्ट दैट अनलेस दीज फॉरेन नेशनल्स आर डिटेक्टेड एंड डिपोर्टेड दे वुड रिड्यूस द इंडिजीनियस आसामीज इनटू अ माइनॉरिटी। तो आसाम की जो इंडिजीनियस आसामीज कम्युनिटी जो है, ठीक है, जो आसाम के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, उन्हें ऐसा लगा कि इलीगल बंगाली माइग्रेंट्स इतने ज्यादा सेटल हो गए हैं आसाम में कि आसाम के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे वो माइनॉरिटी में चले जाएंगे, हमारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। तो उसी डर के चलते और गुस्सा जो बढ़ा उसके चलते क्या है, देयर वर वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन आसाम डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, टी एंड कोल। ऑयल है, ठीक है, दिग्बोई, सबसे पहली कंट्री की ऑयल फील्ड दिग्बोई आसाम में, ठीक है। तो आसामी जो पॉपुलेशन थी, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, उनका ये कहना पड़ा कि इतने रिसोर्सेज है हमारे पास, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी गरीबी खत्म नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि माइग्रेंट्स इतने बढ़ते जा रहे हैं, तो दिखती बात है कि फैमिली में इनकम तो आ रही है, लेकिन फैमिली के अगर मेंबर्स बढ़ते चले जाएंगे तो फिर कैसे सबका पेट पलेगा, ठीक है। तो उसके चलते क्या देखने को मिलता है कि इट वॉज फेल्ट दैट दीज वर ड्रेन्ड आउट ऑफ द स्टेट विदाउट एनी कॉमनसुरेट बेनिफिट्स टू द पीपल एंड देयरफॉर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स स्टार्टेड द प्रोटेस्ट, ठीक है, या फिर मूवमेंट अगेंस्ट द आउटसाइडर्स एंड दिस केम टू बी नोन एज द असम मूवमेंट, ठीक है। और इसके चलते क्या, इसके चलते जो आउटसाइडर्स थे उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर पब्लिकली अटैक होने लगे, ये सारी चीजें, पूरा आसाम जल रहा था। तो इन 1979 ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन आंसू बनाया गया, ठीक है। अब ये आंसू जो है, तो इसने क्या किया, जितने आउटसाइडर्स कंसीडर किए जाने वाले लोग थे उनके आंसू छुड़ा दिए, कैसे, तो दिस लेड एन एंटी फॉरेनर मूवमेंट। और इस एंटी फॉरेनर मूवमेंट का जो वर्स्ट फेज रहा वो क्या रहा, कि दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट इलीगल माइग्रेशन, अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ बंगालीज एंड अदर आउटसाइडर्स एंड अगेंस्ट फॉल्टी वोटर्स रजिस्टर्ड That included the names of lakhs of immigrants. अब क्या है, political parties को तो ऐसा है कि हाँ, जो migrants आए हैं उन migrants का नाम voter list में डलवाओ, अपन वोट ले लेंगे उनसे। Political parties तो अपनी रोटियां ऐसे सेक रही थी, उनको वोट बैंक बना लिया, क्या कोई बात नहीं, जो illegal बांग्लादेशीज आए हैं इन सबको क्या कर दो, वोट बैंक में नाम दे दो, अपने को वोट देंगे ये, और इससे क्या होगा, इससे अपना अपन चुनाव में जीतते रहेंगे। लेकिन आसामीज को ऐसा लग रहा था कि जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी में रिड्यूस हो रही है, रिसोर्सेस खत्म हो रहा है। तो इस तरह से क्या है, एंटी फॉरेनर मूवमेंट चले, और इनकी डिमांड सिंपल सी क्या थी, डिमांड ये थी कि द मूवमेंट डिमांडेड दैट ऑल आउटसाइडर्स हु हैड एंटर्ड द स्टेट आफ्टर 1951 शुड बी सेंट बैक। 1951 के बाद में जितने भी लोग आए वो आसामी है ही नहीं, उन सबको वापस बाहर निकालो आसाम से।
ये डिमांड थी, ठीक है, द मूवमेंट एंड द इवेंट्स एसोसिएटेड विद। और इसी के चलते क्या है, तो जब मूवमेंट जो है, तो जैसे स्टूडेंट्स ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन आसू का ये जो मूवमेंट था ये बड़ा होता चला गया, इस पे पॉलिटिकल कलरिंग होने लगी, लीडर्स उतर गए जब इसमें लोकल लीडर्स वहां पे, तो प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में कन्वर्ट हो गया, पूरा आसाम जल रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर समझ में आया कि कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो स्थिति बिगड़ जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या होता है, 1985 राजीव गांधी लेड गवर्नमेंट एंटर्ड इनटू नेगोशिएशन विद आसू लीडर्स, ठीक है, तो राजीव गांधी लेड गवर्नमेंट जो है, तो जो ऑल इंडिया आसाम स्टूडेंट्स यूनियन थी, ठीक है, ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन जो थी, तो उसके साथ में नेगोशिएशन होता है और 1985 में आसाम अकॉर्ड साइन होता है। एक चीज ऑब्जर्व करी आपने, देखो राजीव लोंगो वाला एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, मिजो पीस अकॉर्ड हो गया, फिर उसके बाद में आप जैसे देखेंगे तो नागालैंड के साथ भी जो पीस अकॉर्ड साइन होता है 80s में, फिर उसके बाद में आपको यहाँ आसाम अकॉर्ड देखने को मिल रहा है, सारा सब कुछ क्या है, राजीव गांधी के टाइम पीरियड में हो रहा है। तो हर प्राइम मिनिस्टर की पता है कुछ ना कुछ, जैसे बोलते हैं ना, हु इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, तो देयर इज नथिंग लाइक बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द इंटरनेशनल रिलेशंस, या फिर आप कह लो कि जो इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री को आप समझ रहे हो ना, तो उसमें बेस्ट प्राइम मिनिस्टर जैसा कुछ नहीं होता, पता है, हर प्राइम मिनिस्टर ने अपने समय में वो चीज करी जो उस समय की सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी, तो कोई भी बेस्ट प्राइम मिनिस्टर जैसी चीज नहीं होती है। सब देखो हर केस में, जैसे अगर आप देखोगे तो उस टाइम पीरियड में जब जवाहरलाल नेहरू थे तो तब क्या है, तब जरूरत थी हमें किस चीज की, तब हमें बड़े बड़े डैम्स की इंडस्ट्रीज की जरूरत थी, तो वो उन्होंने किया, तो दैट मेक्स हिम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम पीरियड। इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में जैसे अगर आप देखोगे तो इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में जो कह सकते हैं थोड़ा सा प्रो पुअर अप्रोच जो हुई है, थोड़ा सा सोशलिस्ट अप्रोच हुई है सरकार की, तो वो उस समय पे जरूरी थी, उस समय पे स्ट्रेटेजिकली हमें एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए था जो तोड़ जुगाड़ कर सके, तो वो नहीं होते तो पाकिस्तान को बांग्लादेश नहीं बनवाते, और हम स्ट्रेटेजिकली थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हमारे सक्सेसफुल नहीं हो पाते, ठीक है। तो हर प्राइम मिनिस्टर अपने समय बहुत बेहतरीन चीज करता है। राजीव गांधी की अगर बात करें तो राजीव गांधी नहीं होते तो उस समय पे ये इतने सारे जो इंटरनल डिस्प्यूट थे, क्योंकि ऐसा नहीं कि कंट्री को सिर्फ आपको बॉर्डर से ही सिक्योर करना होता है, इंटरनली भी आपको पीस सिक्योर करना होती है, अगर अंदर से कमजोर है, दिमाग अंदर से खाती जाती है तो फर्नीचर गिर ही जाता है एक दिन, ठीक है। तो हर प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्थिति के हिसाब से जो कदम उठाए वो उस प्राइम मिनिस्टर को बेस्ट बनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी अगर नहीं होते उस टाइम पीरियड में, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो काम किया कोलिजन एरा को, मतलब किस तरह से कोलिजन टाइम पीरियड में सरकारें चल सकती है, वो उन्होंने सिखाया, वो उनको बेस्ट बनाता है अटल बिहारी वाजपेयी को उस टाइम पीरियड में। आज जैसे अगर आप देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, तो जो वो बेहतरीन कर रहे हैं वो आज की जरूरत है कि आज वो उस तरह से करें, तो दैट मेक्स हिम द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर। समझ में आया? तो हर प्राइम मिनिस्टर बेस्ट है इन हिज टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट, गॉट माय पॉइंट, वो केस रहता है। तो असम अकॉर्ड 1985 में साइन होता है, असम अकॉर्ड अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट दोस फॉरेनर्स, हाँ जी एक बार वापिस, थोड़ा बह गए थे, वापिस मैं कनेक्ट करवाऊं, तो समझ में आ रहा है ना क्या है मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स, तो स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉब्लम क्यों है, वो प्रॉब्लम कैसे डेवलप हुई है, और वो मूवमेंट जो चलता है तो उस मूवमेंट की डिमांड क्या रहती है कि 1951 के पहले जितने भी आउटसाइडर्स आए हैं, जो इलीगल बांग्लादेशी आए उन सबको डिपोर्ट कर दिया जाए, ठीक है, इलीगल बांग्लादेशी जो आए तो उन सबको डिपोर्ट कर दिया जाए। तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट दोस फॉरेनर्स हु माइग्रेटेड इनटू असम ड्यूरिंग एंड आफ्टर बांग्लादेश वॉर, ठीक है, तो असम अकॉर्ड में बोला कि 1951 तो बहुत पुराना हो गया, लेकिन हाँ ये हम मानते हैं कि बांग्लादेश वॉर के टाइम पीरियड में बहुत सारे क्या है इलीगल बांग्लादेशी एंटर करे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट दोस फॉरेनर्स हु माइग्रेटेड इनटू असम ड्यूरिंग एंड आफ्टर बांग्लादेश वॉर एंड सिंस वर टू बी आइडेंटिफाई एंड डिपोर्टेड। अब अगर आप देखोगे एनआरसी जो आई है तो वो कुछ आपको इसी असम अकॉर्ड का कंटिन्यूएशन देखने को मिलती है, ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे। तो इसकी सक्सेस कितनी रही है, तो इसकी सक्सेस इतनी रही है कि गवर्नमेंट ने अकॉर्ड साइन कर लिया लेकिन कंक्रीट स्टेप्स उतने ज्यादा लिए नहीं जा चुके हैं, ठीक है, तो उसके कंटिन्यूएशन में जैसे अगर आप देखोगे तो एनआरसी इज समथिंग ऑन दैट लाइन ऑल्सो, ठीक है, तो वो कैसे, उसके बाद क्या हुआ, तो जैसे जो आसू था, ठीक है, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और असम गण संग्राम परिषद, ठीक है, तो आसाम के लोगों के लिए, मतलब असम यानी आसाम, आसाम के लोगों के लिए जो संग्राम परिषद बनाया था, उन दोनों को मर्ज करके असम गण परिषद AGP पॉलिटिकल पार्टी बना दी जाती है, ये हाथी वाली, ठीक है, एंड इट केम टू पावर इन 1985 विथ द प्रॉमिस ऑफ रिजॉल्विंग द फॉरेन नेशनल प्रॉब्लम एज वेल एज टू बिल्ड अ गोल्डन असम, ठीक है, सुनहरा असम बनाने के प्रॉमिस के साथ में AGP पावर में आई, ठीक है, सम स्टेप्स वर बीइंग टेकन, कुछ लोगों को डिपोर्ट किया भी गया था, लेकिन फिर अगेन वही वाली बात है कि सरकारें बदलती चली जाती है, प्रॉमिसेस रह जाते हैं, चीजें कंक्रीटाइज हो नहीं पाती है, तो अगेन एनआरसी इज समथिंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट ओनली, फाइन। तो असम अकॉर्ड ब्रॉट पीस एंड चेंज द फेस ऑफ पॉलिटिक्स इन असम, बट इट डिड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इमिग्रेशन, इमिग्रेशन की प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, आज भी आपको क्या देखने को मिलता है, बॉर्डर जो है तो
और ओपन बॉर्डर है तो उस ओपन बॉर्डर के चलते आपको क्या देखने को मिलता है कि इमिग्रेशन चलता रहता है, इमिग्रेशन चलता रहता है, तो द इशू ऑफ आउटसाइडर्स इज स्टिल प्रिविलेंट। दिस प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली एक्यूट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इन त्रिपुरा एज द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू माइनॉरिटी इन देयर ओन लैंड। ठीक है, तो जैसे इलीगल इमिग्रेंट्स जो है आते रहते, तो त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ लगा ही हुआ है, तो त्रिपुरा में क्या जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे उनको क्या कर दिया, उनको माइनॉरिटी पे रिड्यूस कर दिया, इतना ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, पता है नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेशी माइग्रेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और बांग्लादेशी माइग्रेशन तो एक तरफ से, दूसरी तरफ से पुश क्या होता है, म्यांमार से भी बहुत ज्यादा माइग्रेशन होता है। तो नॉर्थ ईस्ट नीड्स सम पॉलिसीज लाइक दिस कि जहां पे जो उनके ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, जो हमारा ट्राइबल कल्चर रहा है, वो प्रिजर्व कर पाए हम। ठीक है, द सेम फीलिंग इन्फॉर्म्स द होस्टिलिटी ऑफ लोकल पॉपुलेशन टू चकमा रेफ्यूजीज। अभी चकमा रेफ्यूजीज जो है तो चकमा दे के घुस जाते हैं म्यांमार के, ठीक है, मतलब उनका नाम ही चकमा इसलिए रखा है शायद कि वो चकमा दे के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो द सेम फीलिंग इन्फॉर्म्स द होस्टिलिटी ऑफ लोकल पॉपुलेशन, तो लोकल पॉपुलेशन इज वेरी हॉस्टाइल टुवर्ड्स द चकमा रेफ्यूजीज इन मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश हु एंटर्स फ्रॉम म्यांमार इनटू द इंडियन टेरिटरीज। और इसीलिए आप जिस देखते हो तो ओपन बॉर्डर जो है तो दे प्रूव टू बी वेरी हार्मफुल, और वहां पे आप बॉर्डर सिक्योर कर भी नहीं सकते हो। कारण बड़ा सिंपल सा ये है कि ज्योग्राफिकली इट्स नॉट वाइबल फॉर अस टू क्रिएट द क्लोज बॉर्डर ओवर देयर। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट नॉर्थ ईस्ट, आई होप यू पीपल एंजॉयड इट, आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है। नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट क्लियर हुआ, अब चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है अकोमोडेशन वाला जो है, तो उसमें हम गोवा और सिक्किम की भी कहानी आपको बता देंगे, तो उसमें लास्ट टॉपिक में वो दोनों जो बॉक्स वाली डिटेल्स है वो भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहां हमारी कहानी जो होती है नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट पे कंप्लीट होती है। फाइन, इसके आगे आपको अगर किसी प्रकार का कोई कंटिन्यूशन, मतलब वो प्रॉब्लम नहीं आएगी कंटिन्यूशन वाली, तो मैं आपको वहां कनेक्ट करवाते चलूंगा, जो आपका पार्ट टू रह रहा है वो भी आ जाएगा, घबराना मत। ठीक है, तो पार्ट टू उसमें कवर कर लूंगा, थोड़ा सा गैप इसलिए क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा सा क्या है, उसमें कंटेंट में और रिसर्च कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें कुछ एडिशनल और वो टॉपिक, तो अब क्योंकि जैसे आप देखेंगे आर्टिकल 370 हट गया, तो उसको स्पेशल स्टेटस के पर्सपेक्टिव से वो सारी चीजें, तो ऐसा बताऊं कि वो क्रक्स पूरा रहे। फाइन, तो वो सारा एक साथ दे दूंगा मैं, फिर वो मर्ज होगा जब, तो आपको और एक साथ अच्छे से पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं, टॉपिक है अकोमोडेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन। अकोमोडेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो देखो क्या हो रहा है अकोमोडेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन में, उस चीज को समझना कि आपने अभी तक जितने भी केसेस देखे ना, तो उन सारे केसेस में कहीं ना कहीं रीजनल एस्पिरेशन देखने को मिली, चाहे वो पंजाब का केस हो, कश्मीर का केस हो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का केस हो, हर स्टेट ने अपनी इच्छा जाहिर की है किस चीज को लेकर, कि वो फला फला तरीके से ये सारी डिमांड्स रखते हैं। ठीक है, तो हर स्टेट ने अपनी अपनी इच्छा जाहिर करी है, रीजनल एस्पिरेशन को दर्शाया है। तो अब ये जो टॉपिक है एक तरह से क्या है, समराइज करके दे रहा है आपको पूरे चैप्टर को, जो आपने अभी तक पढ़ाया, अभी तक जितने टॉपिक्स पढ़े, तो उन सारी चीजों का क्रक्स आपको यहां जानने को मिलेगा। क्या कि रेंजिंग फ्रॉम द डिमांड्स फॉर स्टेटहुड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू ऑटोनॉमी एंड सेपरेशन, रीजनल एस्पिरेशंस इन सारी कैटेगरी में आपको देखने को मिली, कि कहीं क्या स्टेटहुड की डिमांड थी, तो कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर डिमांड थी, कहीं ऑटोनॉमी को लेकर, तो कहीं सेपरेशन को लेकर, नागालैंड मिजोरम का जैसे हमने लास्ट टॉपिक में ही पढ़ा है। ठीक है, तो हर स्टेट, मतलब हर रीजनल एस्पिरेशन का एक अलग मुखौटा था, और हर रीजनल एस्पिरेशन उस अलग मुखौटे को पहनकर आ रही थी। ठीक है, तो द पीरियड सिंस 1980 एसेंटेटेड दीज टेंशन, मतलब एम्फेसाइज्ड दीज टेंशन एंड टेस्टेड द कैपेसिटी ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स टू अकोमोडेट द डिमांड ऑफ डाइवर्स सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो हमारी चैप्टर में जो हमने देखा कि 1980s का पूरा जो पीरियड रहा है ना, तो ये इसी चीज पर एम्फोसाइज कर रहा था, जो टेंशन डेवलप हुई, जो सारी परेशानी आपको देखने को मिली, तो उसका क्या प्रभाव रहा है। ठीक है, उसका प्रभाव क्या रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो थी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को अकोमोडेट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल, मतलब इस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का टेस्ट भी हो गया ऐसे कि हम जो डेमोक्रेसी का झंडा लेकर चल रहे थे, तो क्या उस डेमोक्रेसी में आप इन टेंशन को, ठीक है, इन डिमांड्स को अकोमोडेट कर पाओगे, जो रीजनल एस्पिरेशन के नाम पे अलग अलग सेंस में, जो कि जेन्युइन भी लगती थी और बिल्कुल अगेंस्ट भी थी नेशनल यूनिटी के, तो क्या इन सारी अलग अलग तरह की अलग अलग मुखौटा पहनी डिमांड्स को आप डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में अकोमोडेट कर पाओगे, डाइवर्स सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो इनकी डिमांड्स क्या अकोमोडेट हो पाएगी, ये पॉइंट था। तो अटेम्प्ट्स फॉर अकोमोडेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि टेस्ट इसी चीज में हुआ कि रीजनल एस्पिरेशन थी, लेकिन उन रीजनल एस्पिरेशन को कहीं ना कहीं क्या किया गया, अकोमोडेट किया गया नेशनल इंटीग्रेशन में, वो रीजनल एस्पिरेशन को प्रॉपरली हाईलाइट किया गया। एंड दिस शोज द ब्यूटी कि रीजनल, मतलब ऐसे दाग अच्छे टाइप थे ना, तो रीजनल एस्पिरेशन आर नॉट बैड बट देयर अकोमोडेशन, ठीक है,
इन द फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल इंटीग्रेशन के पर्सपेक्टिव से ओरिजिनल एस्पिरेशन सही रहती है. तो व्हाट लेसंस कैन वी लर्न फ्रॉम दीज अटेम्प्ट्स. तो जो हमने प्रयास किया अकोमोडेट करने का नेशनल इंटीग्रेशन को बनाए रखने का, ठीक है, ओवर दीज रीजनल एस्पिरेशन, तो उससे हम क्या सीखे. मतलब ये जो पूरा एपिसोड रहा 1980s में, मतलब वाई डू वी लर्न हिस्ट्री. अब जैसे आप देखेंगे तो पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, तो एक तरह से पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, ठीक है. तो ये पॉलिटिकल हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ते हैं, बेसिक रीजन उसका या फिर बेसिक जो क्रक्स रहता है वो ये रहता है कि इतिहास में जो गलतियां हुई है उन गलतियों से हम सीख लें. और मतलब एक तरह से क्या होता है, योर मिस्टेक्स आर योर ग्रेटेस्ट टीचर. तो वही है कि इतिहास में जो गलतियां दोहराई गई, इतिहास में जो इवेंट्स हुए ना, तो हम उनसे क्या कर रहे हैं, हम उनसे सीखते चले कि हाँ इस तरह से अगर ऐसी सिचुएशन रहेगी तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाना था, वो सही किया था या गलत किया था. तो वो एक पूरा का पूरा केस रहता है. समझ में आया. तो व्हाट लेसंस कैन वी लर्न फ्रॉम दीज अटेम्प्ट्स. तो यहाँ पे ध्यान रखना कि व्हाट आर दी लेसंस वी लर्न फ्रॉम दी वेरियस रीजनल एस्पिरेशंस अबाउट अकोमोडेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन. ऐसा सवाल बन गया पांच नंबर में आया है, छह नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आपका. मान लो क्या कि व्हाट आर दी लेसंस वी कैन लर्न फ्रॉम दी स्टेप्स टेकन टुवर्ड्स दी अकोमोडेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन फॉर दी रीजनल एस्पिरेशंस इन दी चैप्टर रीजनल एस्पिरेशंस. या फिर इस तरह से तो ये जो पूरे चैप्टर में हमने क्या सीखा, अगर उस पे किसी तरह का सवाल आएगा तो आपको क्या आंसर्स लिखना है. देखो तो हमने क्या क्या सीखा. पहली चीज, ठीक है, इन कंटेक्स्ट ऑफ रीजनल एस्पिरेशन जो हमने सीखी वो ये सीखी कि रीजनल एस्पिरेशन आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. अगर आप सोचो कि डेमोक्रेसी में सब एक ही स्वर में गाना गाए तो दैट इज नॉट डेमोक्रेसी, दैट इज डिक्टेटरशिप. कि जैसा क्या है, मतलब जो टॉप पे इंसान बैठा है, जो डिक्टेटर बैठा है, उसे जैसा पसंद हो सब वैसा ही गाना गाए, तो ऐसा डिक्टेटरशिप में होता है. डेमोक्रेसी में तो इट इज द वेरी एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी. क्या कि आपको अलग अलग तरह के एस्पिरेशंस, रीजनल एस्पिरेशंस, डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट डिमांड्स, वो सारी चीजें देखने को मिलेगी. तो रीजनल एस्पिरेशंस आर वेरी मच पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. ठीक है, नॉट अ आर्बिट्रेशन और एन अबनॉर्मल फिनोमेना. दीज डिमांड्स कैन बी फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो रीजनल एस्पिरेशंस इज वेरी बेसिक पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. तो आप इसको ये मत बोलना कि कुछ एक्स्ट्रा डेमोक्रेटिक हो गया या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा. अगर डिमांड्स आ रही है तो वो तो पार्ट है डेमोक्रेसी का. डेमोक्रेसी की सक्सेस उस चीज पर डिपेंड करती है कि आप उन डिमांड्स को, उन रीजनल एस्पिरेशंस को प्रॉपरली अकोमोडेट करो. समझे, वो उस चीज पर डिपेंड करता है. तो लार्ज, जैसे अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्पल दिया गया है. ठीक है, क्या एग्जाम्पल दिया गया है, तो जैसे स्पेन में बेसाक प्रोविंस का आपने 11th की बुक जो थी आपकी पॉलिटिकल थ्योरी वाली उसमें भी पढ़ाई है, फाइन. उसके बाद में जैसे आप देखेंगे श्रीलंका में सिन्हालाज और एथनिक ग्रुप जो थे उनके बीच में समस्याएं. उसके अलावा आप हर जगह देखो, जैसे इंडिया में भी आप देखेंगे तो क्या रीजनल एस्पिरेशंस की डिमांड थी. तो ये जो डिमांड्स है तो दे आर वेरी वेरी मच द पार्ट ऑफ, क्या देखने को मिलता है आपको, वेरी मच द पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस. तो इट इज नॉट समथिंग न्यू. फाइन, इशू क्या है, लार्ज एंड डाइवर्स डेमोक्रेसी लाइक इंडिया मस्ट डील विद रीजनल एस्पिरेशंस ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो अब जब जैसे ब्रिटेन में बताया गया स्कॉटलैंड का था, ठीक है, ये आपको स्पेन में देखने को मिल रहा है बेसाक का, जैसे श्रीलंका में देखने को मिल रहा, तो ये तो बहुत छोटे छोटे कंट्री हमारे एक एक छोटे छोटे स्टेट के बराबर है. जब यहां रीजनल एस्पिरेशन आ सकता है तो वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस कि एक लार्ज और डाइवर्स डेमोक्रेसी लाइक इंडिया इज बाउंड टू हैव रीजनल एस्पिरेशन. इंडिया में रीजनल एस्पिरेशन होना तो बहुत बेसिक चीज है. नेशन बिल्डिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस. और इसी के चलते हमें समझ में आना होगा कि समस्याएं आती रहेगी, हम समस्याओं को ओवरकम करते रहेंगे और उन समस्याओं को ओवरकम करते रहेंगे और फिर देश आगे बढ़ता रहेगा, इस तरह से देश बनता रहेगा. एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन है यहाँ पर. क्या कि जो समस्याएं, जो हर्डल्स हमारे सामने आते हैं, तो वंस वी फेस दोज हर्डल्स एंड ओवरकम दोज हर्डल्स, देन दोज हर्डल्स बिकम्स आर अचीवमेंट्स. ऐसा होता ना, जैसे कोई बोलता है मैंने शेर को मारा है, तो जो शेर सामने आया होगा तो शेर को मारने से पहले तो ये भैया के दोनों पैर जो ऐसे हिल रहे होंगे, शेक कर रहे होंगे. लेकिन वंस ही किल्ड दैट लायन, ठीक है, आई डू नॉट प्रमोट एनी टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ हंटिंग, मैं वैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है. तो लेकिन वो शिकारी ने एक बार जैसे ही शेर का शिकार कर लिया होगा तो पहले तो उसके सामने चुनौती था, लेकिन जब उसको ओवरकम कर गया वो तो उसकी एक अचीवमेंट बन जाती है. तो सिमिलर थिंग इज हियर ऑल्सो कि रीजनल एस्पिरेशंस आर बाउंड टू बी देयर. ठीक है, नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में ऐसी रीजनल एस्पिरेशंस आएंगी. Once you accommodate them very positively, ठीक है, they will become the achievement for your nation. You will be in a position to say that yes, our democracy is that mature कि हम regional aspirations को accommodate करते हैं, suppress नहीं करते जैसे श्रीलंका में किया था. ठीक है, चलो तो एक चीज हमने ये सीखी क्या कि regional aspirations are very much a part of democratic politics. Democratic politics का बहुत हद तक क्या है, regional aspiration part है. Fine. दूसरी चीज क्या है, the best way to respond to regional aspiration
इज थ्रू डेमोक्रेटिक नेगोशिएशंस रेदर देन थ्रू सेपरेशन। अब रीजनल एस्पिरेशंस तो रहेगी रहेगी, मतलब क्या है कि आपके घर में पानी तो घुसना ही घुसना है, रीजनल एस्पिरेशन का ऐसे समझ लो। तो अब क्या है, अब उस पानी से आप बच नहीं सकते, ये है कि उस पानी को आप क्या करो, तैरना सीख लो उस पानी में। तो वो यहाँ पे है, मतलब बस एक मेटाफर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, वैसे आप समझोगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि द बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड द रीजनल एस्पिरेशन, बिकॉज रीजनल एस्पिरेशंस आर टू बी देयर, ठीक है, रीजनल एस्पिरेशंस तो रहेगी रहेगी। तो द बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड टू द रीजनल एस्पिरेशंस, बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड टू द रीजनल एस्पिरेशंस इज थ्रू डेमोक्रेटिक नेगोशिएशंस रादर देन थ्रू रिप्रेशंस। तो यहां पे रिप्रेशंस की मदद से आप किसी भी तरह से रीजनल एस्पिरेशंस को खत्म नहीं कर सकते हो। द बेस्ट थिंग टू अकोमोडेट द रीजनल एस्पिरेशंस इज टू एड्रेस देम प्रॉपरली। समझ में आया वाला पॉइंट कि रीजनल एस्पिरेशंस को अगर खत्म करना है तो बेहतर तरीका ही यही है आपके पास में कि आप क्या करो, उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करो। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, फाइन। तो जैसे सिचुएशंस आप देखेंगे पंजाब की, नॉर्थ ईस्ट की, कश्मीर की, ठीक है, तो 80s के टाइम पीरियड में दी थिंग्स वर वेरी कॉमन कि यहां पे ये समस्याएं होना तय है, क्लियर हुआ। तो 80s के टाइम पीरियड में आपने देखा था कि रीजनल एस्पिरेशंस आपको पंजाब में भी देखने को मिली, नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिली, कश्मीर में भी देखने को मिली। क्या होता अगर गवर्नमेंट सिर्फ ब्रूटल रिप्रेशन पे फोकस करती तो क्या समस्याएं खत्म होती है? ईंट का जवाब पत्थर से चलता रहता। तो उस केस में आपने क्या देखा कि रीजनल एस्पिरेशंस होगी, डिमांड्स होगी, द बेस्ट वे आउट इज टू negotiate over these problems rather than brutal suppression. The best way to respond to the regional aspiration is through democratic negotiations rather than the suppression. तो उसके चलते क्या होगा कि आप मतलब वही है कि बात करने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, आप लड़ते लड़ते बात नहीं कर सकते हो। तो वो वाला केस है यहाँ पे, समझ में आया। The best way to respond to the regional aspiration is through democratic negotiations rather than through repressions. ये हमने दूसरी चीज सीखी, ठीक है, इस पूरे चैप्टर से। तीसरी चीज क्या सीखी कि significance of power sharing and शेयर इन द नेशनल एंड स्टेट लेवल डिसीजन मेकिंग। अब रीजनल एस्पिरेशन वाले चैप्टर में, मतलब जब हम अकोमोडेशन नेशनल इंटीग्रेशन की बात करें, तो जो तीसरी चीज हमने सीखी है वो ये सीखी है कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में आपने पावर शेयर करके रखा है, जैसे अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ फॉर्मल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, जैसे ग्रुप्स होंगे, पार्टीज होंगे, रीजन जो होंगे उनको पावर दिया जाएगा, इसके अलावा लेकिन आपको ये इंश्योर करना होगा क्या कि वही वाला पार्ट है कि रीजनल एस्पिरेशन में पावर शेयरिंग इज वेरी एसेंशियल। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो तो पावर तो शेयर करना ही पड़ेगा। तो पावर शेयरिंग जब वेरी बेसिक स्पिरिट है डेमोक्रेसी की, तो उस केस में क्या सीखने वाली चीज है, यहां पर सीखने वाली चीज ये है कि जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर दिया उसके अलावा भी आपको लोकल लेवल है तो लोकल लेवल को यह पावर दी जाए कि वो स्टेट लेवल के डिसीजन में भी पार्टिसिपेट कर पाए, क्योंकि अल्टीमेटली स्टेट लेवल के डिसीजंस लोकल लेवल को भी इन्फ्लुएंस करेंगे। स्टेट लेवल पे पावर है लेकिन स्टेट लेवल को ये पावर दी जाए कि वो नेशनल लेवल के डिसीजंस में भी कहीं ना कहीं क्या कर पाए, भागीदारी दे पाए, हिस्सेदारी ले पाए, ठीक है, क्यों, क्योंकि नेशनल लेवल के डिसीजंस कहीं ना कहीं स्टेट लेवल को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस तरह से आप रिजिड मत रखो, पावर शेयरिंग क्या होना चाहिए, एवरीवन शुड फील, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई बहुत बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है तो वहां के एक छोटे से एम्प्लॉय से भी अगर पूछा जाएगा तो वो ही और शी विल फील मोर अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, समझ रहे हो। तो वो चीज है, तो इफ रीजंस आर नॉट गिवन, जैसे यहां पे भी बताया गया है क्या कि अपार्ट फ्रॉम हैविंग फॉर्मल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, ग्रुप्स एंड पार्टीज फ्रॉम द रीजन नीड टू बी गिवन शेयर इन पावर एट द स्टेट लेवल एंड सो एट द नेशनल लेवल ऑल्सो, ठीक है। इफ रीजंस आर नॉट गिवन अ शेयर इन द नेशनल लेवल डिसीजन मेकिंग द फीलिंग ऑफ इनजस्टिस एंड एलिनेशन कैन स्प्रेड, ठीक है। तो अगर आप वही देख रहे हो कि रीजन्स को नेशनल लेवल पे अगर डिसीजन लिया जा रहा है उसमें कोई शेयर नहीं दिया जा रहा है तो रीजन को ऐसा लगेगा ना कि चलो हमारे रीजन में तो हम है ही है, लेकिन नेशनल लेवल में जब हमारा कोई हिस्सेदारी नहीं है, कोई भागीदारी नहीं है, तो हम नेशनल लेवल की गवर्नमेंट के साथ, नेशनल लेवल की टेरिटरी के साथ क्यों रहे, हम रीजनल लेवल पे ही सोचे। तो इसके लिए वही है कि आप पार्टी, मतलब वही है कि आप क्या करोगे, किसी को अगर किसी डिसीजन में इंक्लूड करोगे तो उस डिसीजन में इंक्लूड होने के साथ साथ वो उस पूरे के पूरे डिसीजन, उस पूरी प्रोसेस का पार्ट अपने आप को फील करेगा, तो ही विल बी मोर एसोसिएटेड rather than feeling alienated। अगर आप उसको include ही नहीं कर रहे decision making process में तो उसे ये लगेगा कि alienated feel होगा, तो कर लो तुम तुम्हारे हिसाब से, मैं अपना अलग regional aspiration की बात करूंगा, ये case रहता है, समझे। अगली चीज क्या है, regional imbalance created the problem, regional imbalance created the problem, regional imbalance की अगर हम बात करें तो regional imbalance क्या, imbalance क्या देखो, तो regional imbalance in economic development contributes to the feeling of regional discrimination। चौथी चीज जो हमने सीखी इस पूरे चैप्टर में, देखो पहली चीज क्या सीखी कि रीजनल एस्पिरेशंस रहेगी, दूसरी चीज हमने सीखी कि उन रीजनल एस्पिरेशंस को प्रॉपरली अकोमोडेट किया जाए, उन रीजनल एस्पिरेशंस को ऐसे ना समझा जाए, ऐसे ना देखा जाए
क्या कि ये रीजनल एस्पिरेशन जो है गलत है, वो बेसिक एसेंशियल पार्ट है। तीसरी चीज ये देखिए कि रीजनल एस्पिरेशन में पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी ताकि सब एक तरह से पार्ट ऑफ द पार्टी फील करें। चौथी चीज जो हमने सीखी वो ये सीखी कि रीजनल इंबैलेंस क्रिएटेड द प्रॉब्लम। रीजनल इंबैलेंसेस जो होते हैं तो क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मतलब रीजनल इंबैलेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो कि कहीं इकोनॉमिक डेवलप नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा था ना कि वहां रीजनल एस्पिरेशंस का ग्रो होने के पीछे का कारण ये रहा है कि वो इकोनॉमिकली लेस डेवलप्ड रहा है। फाइन, तो वही चीज यहाँ पे कि रीजनल इंबैलेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट्स टू द फीलिंग ऑफ रीजनल डिस्क्रिमिनेशन। फिर ऐसा फील होता है, मतलब ऐसा कि बड़े भाई को सब दे दिया, छोटे भाई को कुछ नहीं दिया, तो छोटा भाई क्या करता है, घर में बागी हो जाता है कि नहीं। तो वही केस यहाँ पे भी हुआ, क्या कि रीजनल इंबैलेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट्स टू द फीलिंग ऑफ रीजनल डिस्क्रिमिनेशन। इसी के चलते आपको ऐसा देखने को मिलता है कि एक एरिया फील करने लगता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप देखोगे नक्सलिज्म की जो इशू है, नक्सलाइट मूवमेंट जो है, जो हमने पढ़ा है आगे मतलब पीछे, वो नक्सलाइट मूवमेंट क्यों अरोज हुए हैं पता है, उसके पीछे का कारण सिंपल सा ये है कि उन रीजन्स को जहां, जैसे नक्सलबारी डिस्ट्रिक्ट वगैरह की बात करें, तो वहां ऐसा लगता था कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, हम पीछे रह जा रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है। तो उन्होंने बोला कि अब हमें अपने बारे में खुद सोचना पड़ेगा, हथियार उठा लिए। तो ये केस रहता है। तो रीजनल इंबैलेंस इज अ फैक्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, और यू कैन नॉट इग्नोर दिस कि रीजनल इंबैलेंस हुआ है। जब इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ तो कोई जब मक्खन खा रहा था तो कोई भूखा मर रहा था, ठीक है। तो इस तरह से डिस्पैरिटी थी कंट्री के डेवलपमेंट में। तो इफ सम स्टेट रिमेन पुअर एंड अदर डेवलप्ड रैपिडली, इट लीड्स टू द रीजनल इंबैलेंस एंड इंटर रीजनल माइग्रेशंस। इंटर रीजनल माइग्रेशंस होंगे तो या तो लोग वो जगह छोड़ छोड़ के जाएंगे, और जो लोग वहां रह रहे होंगे तो वो उस स्टेट के डेवलपमेंट के लिए ज्यादा डिमांड करेंगे। तो ये चीज भी हमने सीखी, क्या कि रीजनल इंबैलेंस क्रिएटेड द प्रॉब्लम। तो गवर्नमेंट शुड फोकस मोर ऑन एलिमिनेटिंग द रीजनल इंबैलेंसेस सो दैट रीजनल डिमांड्स विल नॉट ग्रो। क्योंकि इंबैलेंस रहेगा तो उस इंबैलेंस को बैलेंस करने के लिए एस्पिरेशंस जो है अलग अलग रीजन्स की, वो तो ग्रो करेगी ही करेगी। समझ गए। पांचवी चीज जो हमने सीखी वो क्या सीखी कि सक्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ये चीज भी हमने सीखी, क्या कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना, तो दे हैड वेरी कह सकते ना फार साइटेड विजन। उनका सोचना समझने का नजरिया बहुत दूरदृष्टि थी उनके पास में। कैसी दूरदृष्टि थी, तो ये चीज समझो यहाँ पे। सो दीज केसेस मेक अस अप्रिशिएट द फार साइटेडनेस ऑफ द मेकर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन इन डीलिंग विद द क्वेश्चन ऑफ डायवर्सिटी। उन्हें पता था डायवर्सिटी है, ठीक है, रीजनल एस्पिरेशंस होगी, लोग अपने अपनी डिमांड्स उठाएंगे, लड़ेंगे भी, सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ डिफरेंट ट्राइब कंप्लीट ऑटोनॉमी ऑफ प्रिजर्विंग देयर प्रैक्टिस एंड कस्टमरी लॉज। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सिक्स शेड्यूल में, इसीलिए पहले से आप जैसे सिक्स शेड्यूल उठा के देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी, क्या कि उन्होंने पहले से ऐसे प्रोविजंस मतलब डाल के रखे हैं जहां पे ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं, ठीक है, कि वो अपने कस्टमरी राइट्स को, प्रैक्टिसेस को, लॉज को प्रिजर्व कर सके, सो दैट दे फील अकोमोडेटेड। वही पावर शेयरिंग और अकोमोडेशन की जो बात हो रही ना। तो पांचवी चीज जो हमने सीखी कि हमारा संविधान बहुत अकोमोडेटिव है, हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है तो दे आर वेरी रियलिस्टिक, ठीक है, फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ रियलिस्टिक भी है, कि जिसके चलते उन्होंने क्या किया, रीजनल एस्पिरेशंस को कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय ही भाप लिया था कि समस्या आ सकती है, इसके लिए दे हैव गिवन दी सफिशिएंट स्कोप फॉर एस्पिरेशंस टू बी अकोमोडेटेड। क्लियर है। कंक्लूजन अल्टीमेटली करें तो अल्टीमेटली क्या है कि इन सारे लेसन से सीखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को देखते हुए, और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो नेचर रहा है, जो कि अकोमोडेटिव रहा है, जो कि सप्रेसिव नहीं रहा है, हमें क्या क्या अल्टीमेट कंक्लूजन मिलता है, अल्टीमेट कंक्लूजन मिलता है कि रीजनल एस्पिरेशंस हमारे देश में आई, लेकिन वो रीजनल एस्पिरेशंस ऐसा नहीं है कि सेपरेटिज्म तक पहुंच गई, ठीक है। उन रीजनल एस्पिरेशंस को क्या है कि रीजनलिज्म का पार्ट तक ही सीमित रखा गया अंडर द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। मतलब डेमोक्रेसी का पहिया घूमता जाएगा तो उस डेमोक्रेसी के पहिए के घूमने में रीजनलिज्म की प्रॉब्लम भी आएगी, रीजनलिज्म का एक इशू भी रहेगा, लेकिन इट विल रिमेन एज एन इशू ओनली, इट विल नॉट लीड टू द सेपरेशन ऑफ द नेशन, ठीक है। दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल example of democratic politics, या फिर कह सकते हैं accommodation and national integration in our nation. Fine, तो इसी के साथ जैसे अगर आप बोल सकते हो कि chapter का जो main part था वो complete हो गया, दो topic जो है जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ, वो दो topic कौन कौन से, एक Sikkim's merger और दूसरा क्या, Sikkim's merger के साथ साथ में गोवा का liberation, ठीक है। ये दो भी समझ ही लो जब आप regional aspiration पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। पांचों, ये पांच जो points पढ़े हैं, पांचों points, what are the lessons we learned from the accommodation and about the accommodative and national integrative नेचर ऑफ द रीजनल एस्पिरेशंस इन इंडिया। तो ये सारे लेसन हमने सीखे, एक, दो, तीन, ठीक है, चार और एक पांच। फाइन, अब बात करते हैं सिक्किम के मर्जर की। आ जाओ जरा सिक्किम की कहानी सुनाता हूं मैं आपको।
देखो क्या है, तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सिक्किम वॉज अ प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया। सिक्किम है कहां ये समझो, उसके मतलब सारी चीजों के पहले सिक्किम का ये स्थिति समझो कि ये आपको दिख रहा है नेपाल, ठीक है, ये आपको दिख रहा है इधर भूटान, ये भूटान है यहाँ पे छोटा सा, भूटान एक अलग देश है। कभी कभी लोग बोल देते हैं कि भूटान इंडिया के स्टेट है, नहीं, ठीक है, इतना अन्याय मत मचाओ, ठीक है। फिर क्या है, ये है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश देखने को मिल रहा है, जो पहले क्या था पाकिस्तान था, फिर बांग्लादेश बन गया उस तरह से। अब जो अभी आगे चैप्टर में पढ़ा कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये छोटा सा चिकन स्नेक आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो कनेक्टिविटी बड़ी पतली सी आपको देखने को मिली रही है, समझिए आ गया आपको यहाँ पे, क्लियर हुआ। अब ये ऊपर की तरफ यहाँ है ये सिक्किम, ठीक है, ये सिक्किम है, जरा अच्छे से देख लो, आइडेंटिफाई कर लो सिक्किम क्या है। अब जैसे सिक्किम अगर इंडिया का पार्ट है, दो केस बता रहा हूं, सिक्किम इंडिया का पार्ट है तो फिर इंडिया को क्या मिल रहा है, यहाँ पे ये जो बहुत सेंसिटिव एरिया है चिकन स्नैक वाला सिलीगुड़ी कॉरिडोर, तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि इंडिया का एरिया बढ़ जाता है अगर सिक्किम पार्ट है तो। अगर सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं है तब क्या होगा, तब इंडिया के लिए रास्ता और कठिन हो जाता है, फिर इंडिया के लिए रास्ता सिर्फ इतना ही बचता है, ठीक है। तो इस केस में सिक्किम को इंडिया का पार्ट बनना इज अ गुड थिंग, ठीक है, क्यों, क्योंकि इंडिया को उसमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, बफर मिल जाता है। और एक और एडवांटेज क्या बताता हूं मैं, ये चाइना जो बैठा है ना, तो चाइना देखो ये यहां तक है, ये दिख रहा है चाइना यहां तक है, तो चाइना इज हार्डली फ्यू हंड्रेड किलोमीटर फ्रॉम द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अगर चाइना वहां से मूवमेंट स्टार्ट करे तो बहुत जल्दी हमारे बहुत सेंसिटिव पार्ट तक पहुंच सकता है, तो उसको कैप्चर करने के लिए उसको कहीं ना कहीं चाइना का ये जो एक मतलब कह सकते हैं जो सुडोपोडिया टाइप अंदर की तरफ हिस्सा है ना, ये वैली जो है, वैली एरिया जो गलवान वैली वाला रीजन है, तो यहाँ पे चाइना को काउंटर करने के लिए सिक्किम का पार्ट हमारे साथ हो तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है, ये यहाँ पे मतलब हमारे सोल्जर फिर डिप्लॉय किए जा सकते हैं, क्लियर है। तो उस सेंस में मैंने आपको स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बताई है सिक्किम की। अब हुआ क्या है, तो सिक्किम जो है, सिक्किम क्या हमेशा से हमारा स्टेट रहा है, नहीं, 1975 में सिक्किम हमारा स्टेट बनता है, उसके पहले क्या स्थिति थी देखो, तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सिक्किम वाज अ प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया, मतलब सिक्किम ऐसा है कि हम तो भैया सुखी जीवन जीना चाहते हैं, तो सिक्किम में राजा वाजा जो चौग्याल थे, ठीक है, तो चौग्याल मतलब वहां के राजा, तो सिक्किम में राजा रूल करते थे, तो हमने बोला तुम रूल करो, लेकिन तुमसे रूल करते नहीं बनेगा, तो ऐसा रहता है ना कि छोटा आपके आसपास कोई स्टेट रहता है तो आप उसको प्रोटेक्शन दे देते हो। तो वाइल इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट वॉज ऑल्सो नॉट अ फुली सॉवरेन कंट्री। प्रोटेक्टरेट का मतलब ये था कि तुम फुल्ली इंडिपेंडेंट कंट्री भी नहीं हो, फुल्ली सॉवरेन कंट्री भी नहीं हो, लेकिन तुम इंडिया का भी पार्ट नहीं हो, तुम अपना राज्य चलाओ अपने हिसाब से, मदद के लिए हम तुम्हारे बड़े भाई इंडिया खड़े हैं, क्यों, क्योंकि हम मदद नहीं देते, बड़े भाई बनने के लिए चाइना वैसे ही खड़ा था वहां पे, तो हमने सोचा कि पहले हम पटा लें इसको, ठीक है। तो उस तरह से क्या है, सिक्किम्स डिफेंस एंड फॉरेन रिलेशंस वर लुक्ड आफ्टर बाय इंडिया, व्हाइल द पावर ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन वाज विद द चोग्याल सिक्किम्स मोनार्क, ठीक है, तो पावर जो थी वो चोग्याल के पास में थी, सिक्किम के मोनार्क के पास में, बाकी जो उसका डिफेंस और फॉरेन रिलेशंस वगैरह थे वो सब इंडिया संभालती थी बिफोर सिक्किम बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का पार्ट नहीं था तब भी, ठीक है, तब भी हम उसको जैसे भूटान के केस में भी, ठीक है, तो मतलब तुम्हारा डिफेंस हम संभाल रहे हैं, कम्युनिकेशन हम संभाल रहे हैं, फॉरेन रिलेशन, तो तुम अंदर अंदर कुछ भी कर लो, ठीक है, लेकिन एक तरह से बाहर की दुनिया को तो ये लगता था कि इंडिया का ही सिक्किम और भूटान के साथ भी वही केस है जैसे, ठीक है। तो चोग्याल वर्सेस डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, लेकिन लोग जो है ना, अब वो देखते हैं कि हमारे बाजू में इंडिया है, डेमोक्रेसी है, प्रॉस्पेरिटी आ रही थी, ये सारी चीजें, तो सिक्किम के लोगों ने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, जो वहां की जनता थी, तो वहां की जनता की डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन थी कि वी डू वॉन्ट टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियाज डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है, हमें भी इंडिया के डेमोक्रेटिक, इंडिया में जैसी डेमोक्रेसी वैसी डेमोक्रेसी सिक्किम में चाहिए। अब चोग्याल ने बोलता है यार मैं राजा हूं यार, ठीक है, तो चोग्याल डिडंट वांटेड दैट हिज पावर शुड बी रिड्यूस्ड, फाइन, लेकिन अब क्या होता है अल्टीमेटली व्हेन एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ सिक्किम्स पॉपुलेशन वॉज नेपाली, ठीक है, ओवरवेलमिंग पॉपुलेशन क्या थी, नेपाली थी, देख लो ये नेपाल से लगा हुआ है बॉर्डर, और जो राजा था, तो राजा क्या है, राजा ये भूटान की कम्युनिटी का पार्ट था, ठीक है, तो एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ सिक्किम्स पॉपुलेशन वॉज नेपाली, बट दी चोग्याल वॉज सीन एज परपेचुएटिंग द रूल ऑफ अ स्मॉल एलाइट फ्रॉम द माइनॉरिटी लेप्चा भूटिया कम्युनिटी, ठीक है, तो लेप्चा भूटिया कम्युनिटी जो है, तो वहां उस कम्युनिटी से राजा आते थे, तो इस कारण से क्या है कि जनता ये चाहती थी कि बस अब बहुत हुआ राजा राजा रजवाड़ा वाला सिस्टम, अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी आ जाए, ठीक है, तो द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन टू द सिक्किम असेंबली वॉज हेल्ड इन 1974। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, सिक्किम का जो मर्जर उसके उसके पीछे जैसे इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम पीरियड, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ हमने चलाई, ठीक है, रॉ के थ्रू हमने रूमर्स फैलाया, रूमर्स फैला के फिर क्या है वहां के लोगों को और प्रोवोक किया डेमोक्रेसी के लिए, फिर लोगों ने डेमोक्रेसी लाया और इस तरह से मतलब बहुत, और क्योंकि उस समय ये भी दिख रहा था, क्या देखने को मिल रहा था आपको कि ये जो 71 में सब अलग हो गया था, मतलब इसके पहले ही षड्यंत्र चालू हो गए थे, तो मतलब बहुत स्ट्रेटेजिकली वी हैव समवेयर
इंटरवीन इन द डोमेस्टिक मैटर्स ऑफ सिक्किम, इंडियन गवर्नमेंट रॉ का जो एस्टैब्लिशमेंट है ना, तो वो उसका जैसे कह सकते हैं रॉ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन द इंटीग्रेशन ऑफ सिक्किम विद इंडिया। तो बहुत सारे ऐसे वो चले रूमर्स वगैरह कि वहां का राजा जो है तो राजा अमेरिका का एजेंट है, और जैसे आप मतलब इसमें बहुत अच्छी कहानी है, पूरी बहुत अच्छी कहानी है। तो देयर इज ए स्टोरी, उसके थ्रू फिर क्या होता है अल्टीमेटली सिक्किम को इस तरह से इंटीग्रेट करवाया जाता है। तो लोगों के अंदर वो एस्पिरेशंस जगाई जाती है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के। पहले इलेक्शन होते हैं 1974 में। हमने बैक एंड पे हमारी क्या तैयारी करके रखी थी कि वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, ठीक है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी जैसे सिक्किम नेशनल कांग्रेस जो थी, तो इट वाज मोर अलाइंड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस की, हाँ एक बार पावर आ जाए हमारे पास तो फिर हम इंडिया के साथ इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये सारा केस हुआ, तो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते 1974 में, सिक्किम कांग्रेस वॉन द इलेक्शन, वांटेड इंटीग्रेशन विद इंडिया। तो पहले असेंबली जो थी वहां की सिक्किम कांग्रेस जीतने के बाद में, तो वो एसोसिएट स्टेट बनती है इंडिया की, और अल्टीमेटली मतलब अप्रैल 1975 में रेजोल्यूशन पास किया जाता है फॉर द फुल इंटीग्रेशन विद इंडिया। राजा चाह रहा था नहीं चाह रहा था, उसके चाहने ना चाहने के बावजूद इंटीग्रेट कर दिया गया। द इंडियन पार्लियामेंट एक्सेप्टेड दिस रिक्वेस्ट इमीडिएटली एंड सिक्किम बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। अब लोग 22nd, जी हाँ, क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो पूरा रीऑर्गेनाइजेशन तो चल ही रहा है ना 1956 से देखोगे 1960, 63, 66 अलग अलग स्टेट बन रहे थे, बिगड़ रहे थे। तो अल्टीमेटली 22nd स्टेट जो बनता है इंडिया का, वो सिक्किम बनता है, इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लेता है। चोग्याल डिड नॉट एक्सेप्ट दिस मर्जर एंड हिज सपोर्टर्स अक्यूज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ फाउल प्ले एंड यूज ऑफ फोर्स। लेकिन फिर हमने बोला अब तो हो गया भाई साहब, ठीक है अब कुछ नहीं कर सकते आप, तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और यहाँ ना तो कोई प्रेम संबंध था लेकिन ना लड़ाई थी, लेकिन कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए सिक्किम का इंटीग्रेशन जरूरी था। मैंने आपको बताया स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट था। तो डिस्पाइट दी विलिंगनेस ऑफ चोग्याल एंड हिज सपोर्टर्स, वी मैनेज टू इंटीग्रेट सिक्किम विद इंडिया 1975 में 22nd स्टेट की तरह, 22nd स्टेट की तरह इंडियन यूनियन में सिक्किम मर्ज हो गया, बधाई हो, ठीक है। तो येट द मर्जर एंजॉयड पॉपुलर सपोर्ट एंड डिड नॉट बिकम डिविसिव इशू इन दी सिक्किम्स पॉलिटिक्स, ठीक है। तो मर्जर जो है तो उसको पॉपुलर सपोर्ट मिला क्योंकि जनता तो चाहती थी कि मिल जाए, ठीक है। तो कोई डिविसिव इशू की तरह नहीं इमर्ज हुआ कि पूरी कंट्री उस पर डिवाइड हो गई हो। सिक्किम के मर्जर में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो काजी लेंगदुप दोर्जी जो थे, ठीक है, इन्होंने प्ले किया। तो यू आर द लीडर ऑफ डेमोक्रेसी मूवमेंट इन सिक्किम, ठीक है, फाउंडर ऑफ सिक्किम प्रजा मंडल एंड लेटर द लीडर ऑफ सिक्किम स्टेट कांग्रेस। 1962 में सिक्किम नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया। After the elected electoral victory, he led the movement for the integration of Sikkim with India. After integration, Sikkim Congress merged with the Indian National Congress. ठीक है, तो Sikkim Congress फिर Indian National Congress के साथ merge हो गई और इस तरह से Sikkim का integration हुआ। अगली बारी आती है गोवा की। गोवा की और इंटरेस्टिंग कहानी है। हम इंडिपेंडेंस डे पता है कब बनाते हैं? आप बोलोगे सर 15th ऑफ अगस्त 1947 को आजाद हुए थे। गोवा में इंडिपेंडेंस डे अलग दिन बनता है। अब ये आपका होमवर्क है, आपको पता करना है, मैं आपको समझाता हूं। देखो क्या है, तो जैसे ब्रिटिशर्स जो थे इंडिया को छोड़ के चले गए, ब्रिटिश लेफ्ट द कंट्री 1947 बाय, ठीक है, तो वो चले गए, ब्रिटिश तो चले गए, लेकिन जो पोर्टुगीज थे ना, तो पोर्टुगल के जो लोग थे, तो दे रिफ्यूज टू विदड्रॉ फ्रॉम द टेरिटरीज ऑफ गोवा, दीव एंड दमन। गोवा, दीव, दमन, तो यहाँ पे क्या है, पोर्टुगीज लोग थे। आप देखोगे इंडिया में फ्रेंच भी आए, जैसे पुडुचेरी वगैरह पे वो सेटलमेंट हो गया, ये नाम कराइकल पुडुचेरी, ठीक है, वैसे क्या है गोवा में, दमन, दीव में, यहाँ पे पोर्टुगीज जम गए और पूरी कंट्री में ब्रिटिश फैल गए। तो पूरा यूरोप ही कुल मिला के आपको इंडिया में देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो पोर्टुगीज रिफ्यूज टू विड्रॉ, तो ब्रिटिश तो चले गए, लेकिन पोर्टुगीज ने बोला आपने ब्रिटिश को हराया, हमें थोड़ी ना हराया, हम तो रहेंगे। तो उन्होंने बोला रह लो, चलो, हमने भी कोई इतना ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं किया, हमने कहा कि प्यार मोहब्बत से जिस दिन छोड़ के जाना हो, लेकिन अब वो मेहमान की तरह हमने रखा था, जा ही नहीं रहे थे। तो एट टाइम्स इंडियन गवर्नमेंट परसुएडेड देम कि जाओ, लेकिन वो जा नहीं रहे थे, ठीक है चले जाएंगे एक दिन, हम ये सोचते रहे। फिर क्या होने लगा कि वहां पे आप जैसे देखोगे तो पोर्टुगीज जो थे तो वो कन्वर्जन करवाने लगे बहुत सारे लोगों का, फोर्स कन्वर्जन होने लगा गोवा में, आपको देखने को मिलता है, ठीक है, लोगों को फोर्स किया जाने लगा टू कन्वर्ट टुवर्ड्स द क्रिश्चियनिटी, फाइन। तो उसके चलते जैसे अगर आप देखोगे तो गोवा का कल्चर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कल्चर ऑफ रेस्ट ऑफ द कंट्री। रीजन बिकॉज फॉर अ वेरी लॉन्ग पोर्टुगीज आए सबसे पहले थे और गए सबसे आखिरी में इंडिया में, जो फॉरेन इन्वेडर्स आए ना उनके कंटेक्स्ट में, तो पोर्टुगीज आए सबसे पहले गए सबसे लास्ट में, तो लंबे समय तक वो रहे तो वहां पे समस्या होने लगी कि लोकल पीपल का बहुत ज्यादा कन्वर्जन, लोकल पीपल का बहुत ज्यादा सप्रेशन, ये सब कुछ होने लगा। तो आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस द इंडियन गवर्नमेंट ट्राइड वेरी पेशेंटली टू परसुएड द पोर्टुगीज गवर्नमेंट टू विदड्रॉ, ठीक है, हमने बहुत मतलब बहुत पेशेंटली ट्राई किया कि
अब चले जाएंगे ठीक है, लेकिन वो गए नहीं। तो देर वॉज अ स्ट्रॉन्ग पॉपुलर मूवमेंट विद इन द गोवा फॉर फ्रीडम। तो गोवा के जो गोवंस थे ना, ठीक है, जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन थी और जो वहां के ही हो गए थे गोवा के, तो दे व्हेन दे सॉ द डेमोक्रेटिक सेटअप इन इंडिया, तो दे अगेन दे ऑल्सो स्टार्टेड डिमांडिंग क्या कि हमें पोर्टुगीज लोगों से आजादी चाहिए। फाइन, हमें पोर्टुगीज लोगों से आजादी चाहिए। तो फाइनली इन दिसंबर 1961 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट द आर्मी विच लिबरेटेड दीज टेरिटरीज आफ्टर बेयरली टू डेज ऑफ एक्शन। गोवा, दीव एंड दमन बिकेम यूनियन टेरिटरी। ठीक है, फिर अब जब अति हो गई थी, ठीक है, तो वहां के लोग भी चाह रहे थे आजादी चाहिए, तो फिर क्या होता है, मिलिट्री एक्शन, मतलब गोवा को आजादी मिलिट्री एक्शन से मिली। तो दिसंबर 1961, ठीक है, दिसंबर में इंडिपेंडेंस डे मनाता है गोवा, तारीख आपको बताना कमेंट सेक्शन में। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट आर्मी विच लिबरेटेड इट्स टेरिटरी आफ्टर बियरली टू डेज ऑफ एक्शन। तो दो दिन में ही हमने मारपीट के भगा दिया पोर्टुगीज सोल्जर्स को। ठीक है, गोवा, दीव, दमन बिकेम यूनियन टेरिटरी। और फिर अल्टीमेटली क्या होता है, लास्ट में जैसे आप देखोगे तो 1967 में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है तो ओपिनियन पोल के साथ में गोवा को, सॉरी 67 में नहीं, मतलब 1987 में गोवा को स्टेट बनाती है, 61 में आजादी मिल जाती है पोर्टुगीज से। लेकिन उसके बाद में एक बड़ी समस्या और निकल के आती है, हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया गोवा को, पहले गोवा यूनियन टेरिटरी था, आज आप देखोगे तो गोवा को क्या कहा जाता है, स्मॉलेस्ट स्टेट कहा जाता है, लेकिन पहले वो क्या था, यूनियन टेरिटरी था। तो यूनियन टेरिटरी बना दिया, आप समस्या जाने लगी कि जाएगा किधर वो यूनियन टेरिटरी बनने के बाद में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो रहेगा, लेकिन अब जैसे आप देखोगे तो महाराष्ट्रवाड़ी गोमांतक पार्टी, MGP, ये जो पार्टी थी ना, तो दे डिजायर्ड कि गोवा जो है, गोवा मराठी स्पीकिंग एरिया जो है गोवा का, वो महाराष्ट्र के साथ मिला दिया जाए। लेकिन जो गोवंस थे, जो गोवा के गोवंस थे, तो गोवंस ने क्या डिमांड रखी, गोवंस वर कीन टू रिटेन अ सेपरेट गोवन आइडेंटिटी एंड कल्चर, पर्टिकुलरली दी कोंकणी लैंग्वेज। अब महाराष्ट्र के साथ मिला दिया जाएगा तो मराठी लैंग्वेज की डोमिनेंस हो जाएगी। मैंने बताया आपको कि लैंग्वेज अगेन प्लेज अ वेरी सेंसिटिव रोल ओवर हियर। तो जो गोवंस थे, व्हाट दे डिमांडेड, वो ये चाहते थे कि वो अपना एक सेपरेट गोवन कल्चर वगैरह जो उसको प्रिजर्व करके रख पाए, गोवन आइडेंटिटी को बनाए रख पाए। ठीक है, तो क्या होता है अल्टीमेटली, तो इन जनवरी 1967 जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक स्पेशल ओपिनियन पोल कंडक्ट करवाती है गोवा में, ठीक है, कि गोवा के लोग ही आखिरकार तय करें कि इफ दे वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र और रिमेन सेपरेट। तो वो ओपिनियन पोल का रिजल्ट क्या था कि मेजोरिटी जो थे, तो मेजोरिटी ऑफ देम वोटेड इन फेवर ऑफ रिमेनिंग आउटसाइड महाराष्ट्र, दस गोवा कंटिन्यूड एज अ यूनियन टेरिटरी। समझ आया ना, तो आजादी के तुरंत बाद में, क्योंकि आजादी में आप जिस देखेंगे तो महाराष्ट्रवाड़ी गोमांतक पार्टी जो है, ठीक है, तो संघर्ष समितियां वगैरह ऐसी बनी जिन्होंने गोवा की आजादी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, ठीक, लंबी लड़ाई लड़ी, और बाद में गोवा को महाराष्ट्र के साथ मिलाना चाहते थे, लेकिन गोवंस जो थे वो आइडेंटिटी जो है वो यूनिक रखना चाहते थे, सेपरेट रखना चाहते थे। और इसी के चलते आपको ये देखने को मिलता है कि ओपिनियन पोल कंडक्ट करवाया जाता, लोगों से पूछा जाता कि तुम बताओ महाराष्ट्र में जाना है अकेले रहना है, तो लोग बोलते हैं अकेले रहना है, तो फिर गोवा को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया। फिर अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली आप देखोगे तो 1987 में गोवा बिकेम द स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन का एक क्या बना दिया, गोवा को स्टेटहुड दे दिया कि बधाई हो, तिलक लगा के तुम, उन्हें बोल दिया क्या कि तुम भी स्टेट आज से, ठीक है, तो गोवा इस तरह से स्टेट बन जाता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आई टीच फॉर क्लास 9th एंड 10th ऑन अनअकैडमी प्लस। तो अनअकैडमी प्लस पर क्लास 9th और 10th को मैं पढ़ाता हूं, तो दीज आर दी कोर्सेज विच आर गोइंग ऑन। आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, बीट जैसे अगर हम बात करें अनअकैडमी पर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं CUET का, नेट का, या फिर UPSC का, तो इफ यू आर यूजिंग द कोड दिगराज यू कैन गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल सकता है बाय यूजिंग दिस कोड DIGRAJ दिगराज। सो दीज आर दी कोर्सेज विच आई एम टेकिंग ऑन अनअकैडमी प्लस फॉर क्लास 9th एंड 10th। तो ये कहानी है अनअकैडमी एक्सटेंशन ऑफर जो था, तो 9th से 11th नवंबर तक ये ऑफर था जहां पर यू कैन सेव अप टू 40% ऑन टेकिंग एनी CBSE सब्सक्रिप्शन। 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 4 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको एक्सटेंड हो रहा था, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको एक्सटेंड हो रहा था, एंड यू कैन सेव अप टू 40%। तो दिस वॉज द ऑफर, आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। चैप्टर हमारा यहाँ पे हुआ समाप्त, इसी तरह से आगे और भी जो चैप्टर बचे हुए हैं वो करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, अभी के लिए मैं साइन ऑफ करता हूँ। Signing off with this, together we can, we will. Thank you.